सो हेलो गाइज वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीनियस क्लासेस आज का चैप्टर आपका प्राइम मिनिस्टर चैप्टर को प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स चैप्टर के ऊपर है जो कि क्लास टेन के है ठीक है वैसे तो एग्जाम्स कैंसिल हो चुके हैं बट हाँ जो नए आने वाले बैच है उनके उनके ये काम आएगा ठीक है और प्लीज़ वीडियोज़ को शेयर कीजिए लाइक करिए शेयर करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए ठीक है हमारा वेबसाइट भी आप वहाँ पर जाके हमें uh, नोट्स को कॉपी कर सकते हैं डाउनलोड कर सकते हैं या फिर जितने भी सैम्पल पेपर्स क्वेश्चन पेपर्स प्रीवियस ईयर पेपर्स सब आपको अपने वेबसाइट में मिल जाएंगे और मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल चुका हूँ प्लीज़ गो थ्रू इट ओके और हम मैथ्स के मैथ्स और मैथ्स का आई गेस हम लोग हाँ मैथ्स का हम लोग ऑनलाइन क्लास अब स्टार्ट कर रहे हैं तो अगर आपको इंटरेस्टेड है मैथ्स का ऑनलाइन क्लास करने में लाइव क्लास करने में तो उसके कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है गैस वो आपको बता दिया जाएगा लिंक दे दे दूँगा या फिर आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा या फिर हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ आप ज्वाइन कर लीजिए आपको हर अपडेट वहाँ पर मिल जाएगी ठीक है सो बिना किसी लेट करते हुए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ़ मिनिस्टर्स फिलहाल हमारा प्राइम मिनिस्टर कौन है नरेंद्र मोदी साहब ठीक है जो कि कोरोना में कोरोना से लड़ने में हमारी हेल्प कर रहे हैं ठीक है चलिए द प्राइम मिनिस्टर द कंस्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द प्राइम मिनिस्टर एज द हेड हेड एंड टू एड एंड एडवाइज द प्रेजिडेंट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में क्या देता है एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स देता है जिसका हेड कौन है प्राइम मिनिस्टर है जो कि किस काम आते हैं प्रेजिडेंट को हेल्प करने में काम आता है ठीक है प्रेजिडेंट कोई को भी सजेशन या फिर डिसीजन लेने में प्राइम मिनिस्टर हेल्प करते हैं ठीक है द प्रेजिडेंट एक्ट्स इन अकॉर्डेंस विदर एडवाइस इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन प्रेजिडेंट द एडवाइस ऑफ द प्रेजिडेंट प्राइम मिनिस्टर ओके द प्रेजिडेंट मे रिक्वायर द देयर एडवाइस बट ही शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस विदवाइस आफ्टर सच रिकन्सिडरेशन कोई भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अगर कोई डिसीजन लेता है तो वहाँ पर प्रेजिडेंट जो क्या करता है वहां पर रिकन्सिडर करता है उसका एडवाइस को लेकिन जब रिकन्सिडर कर देता है तो उसके बाद जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो डिसीजन रहता है वो फाइनल हो जाता है ठीक है प्रेजिडेंट वहाँ पर कुछ काम नहीं करता सिर्फ उसे रिवाइज करने में हेल्प करता है या फिर कुछ तो चेंजेस करने में हेल्प करता है आवर इज अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देर फॉर आवर प्रेजिडेंटेंटेंटेंटेंट इज ओनली अ नॉमिनल हेड ऑफ़ द स्टेट पार्लियामेंट्री फॉर्म फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो प्रेसिडेंट जो हमारे सिर्फ एक नॉमिनल हेड है उनका उनके पास कोई एक्चुअल पावर्स नहीं है Thus, the Council of Ministers headed by the Prime Minister is the most powerful institution in the Indian polity. So, our देश में actually कौन सबसे ज़्यादा powerful है? Prime Minister and his Council of Ministers जो है सबसे powerful है. जैसे USA में क्या, America में क्या होता The President of United States of America जो सबसे powerful रहते हैं, हमारे यहाँ पे वो चीज़ नहीं है, ठीक है? हमारे यहाँ पे President जो है वो nominal head है. आपको President chapter बता दी, President chapter अगर आपको जानना है क्यों nominal head है या फिर उनको क्यों ऐसा indirect election किया जाता है, तो प्रेजिडेंट चैप्टर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया आप प्लीज उसे विजिट करिएगा आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा ठीक है फिर भी नहीं समझ आया तो फिर कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा जरूर ठीक है चलिए अपॉइंटमेंट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट द प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ये क्वेश्चन वन मार्क क्वेश्चन में श्योर आता है का कि हु हुइंट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इट इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ओके द प्रेसिडेंट कैन नॉट एक्ट इन इन दिस अपॉइंटमेंट ठीक है प्रेजिडेंट का कोई एक्ट नहीं रहता अपॉइंटमेंट में बस वो बस ओथ थी दिलवाता है ठीक है अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन द प्रेजिडेंट इन्वाइट द लीडर ऑफ द मेजारिटी पार्टी और ग्रूप इन द लोकसभा टू फॉर्म द गवर्मेंट यहाँ पर सिस्टम क्या होता तो है जो प्रेजिडेंट क्या करता है वो जो मेजोरि मेजोरिटी पार्टी जो वोट में जीत के आया है उनका जो लीडर है उनको बुलाता है पा लोकसभा में और वहाँ पर गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए बोलता है आपको अपना कॉन्फिडेंस दिखाइए ठीक है थेके? तो मेम्बर्स ऑफ द मेजोरिटी पार्टी और द ग्रुप इलेक्ट देर लीडर टू भी अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर तो मेजोरिटी पार्टी रहता है और जो ग्रुप रहता है क्या करता है इलेक्ट करता है एक लीडर को जो कि वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए जाते हैं ठीक है द प्रेजिडेंट द प्रेजिडेंट एज द प्राइम मिनिस्टर ठीक है जस्ट अपॉइंट कर देता है एज द प्राइम मिनिस्टर वेन नो सिंगल पार्टी सिक्योर्स एन एब्सोलूट मेजोरिटी इन द लोकसभा द प्रेजिडेंट सम ऑप्शन इन द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर अगर मान लो कोई पार्टी ऐसा बीजेपी हुआ कांग्रेस हुआ और भी कोई पार्टी जो भी जो भी है रिक्वायर्ड मेजोरिटी अगर प्रूव नहीं कर पाते हैं तो वहाँ पर प्रेजिडेंट ने कुछ ऑप्शन दिए गए हैं प्रेजिट प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करने के लिए ठीक है बट द प्राइम मिनिस्टर हैज टू अपॉइंट द पर्सन हु कैन प्रूव दैट ही हैज़ द सपोर्ट ऑफ सम स्मॉलर ग्रुप्स ऑफ पार्टीज इन ऑर्डर टू हैव द मेजोरिटी इन द हाउस देखो प्राइम मिनिस्टर अगर आपको बनना है तो आपको मेजारिटी लाना ही है मान लो बीजेपी या कांग्रेस किसी के पास मेजोरिटी पाउस नहीं है तो बीजेपी क्या करेगी वो छोटे छोटे और जो पार्टी होते हैं जैसे तृणमूल कांग्रेस हुए सी पी एम हुए तो उनको उनके छोटे छोटे ग्रुप मेम्बर्स को क्या करेंगे अपने में ज्वाइन करेंगे ठीक है अपने में इन्वाइट करेंगे हमारा पार्टी ज्वाइन कर लो जैसे कि कांग्रेस का गठबंधन या फिर कांग्रेस का अलायंस का नाम है यू बीजेपी का अलायंस का नाम है एन तो सारे जो ग्रुप छोटे छोटे मिलके जो बीजेपी में जाते हैं तो वो एन हो जाता है ठीक है वो बीजेपी नहीं वो एन हो जाता है तो जब छोटे छोटे जब ग्रुप मिलके जब मेजोरिटी जब, जब जो रिक्वायर्ड नंबर है वो जब एक्वायर करते हैं तो उस पार्टी को लीडर को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है ठीक है तो वहाँ पर क्या होता है जितने भी जो पार्टीज है वो क्या करते छोटे छोटे पार्टीज़ को अपने साथ मिक्स करते हैं पता नहीं कैसे करते पैसे वैसे खिलाते हैं जो भी है वो आपको जानने को जरूरत नहीं है हाँ मिलाते हैं वहाँ पर मेजोरिटी प्रूव करते हैं जिससे कि वो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया जाता है ठीक है जो लीडर है चलो अब आता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होते हैं ये देखते हैं आर्टिकल 75 फाइव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड अदर मिनिस्टर्स शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ये पार्ट आर्टिकल सेवेंटी क्या कहता है कि जो प्रेजिडेंट जो हमारा कंट्री का जो प्राइम मिनिस्टर है वो अपॉइंट किसके द्वारा होता है प्रेजिडेंट के द्वारा होता है और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है उसको भी प्रेजिडेंट ही अपॉइंट करते हैं बट यहाँ पे जो चॉइस रहता है वो प्राइम मिनिस्टर का रहता है जैसे मेरा हेल्थ मिनिस्टर कौन होगा वो प्राइम मिनिस्टर चूज करेगा डिफेंस मिनिस्टर कौन होगा प्राइम मिनिस्टर चूज करेगा लेकिन अपॉइंट कौन करेगा प्रेसिडेंट करेगा ठीक है अपॉइंटमेंट कौन करता है सबका प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का प्रेसिडेंट बट का जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उनका चॉइस कौन करता है प्राइम मिनिस्टर करते हैं ठीक है डोंट गेट कन्फ्यूज ठीक है द प्रेजिडेंट टू एक्सेप्ट द चॉइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन द मैटर ऑफ अपॉइंटमेंट एंड डिसमिसल ऑफ द ऑफ द मिनिस्टर्स यहाँ पर प्रेजिडेंट को कोई पावर नहीं दिया गया है मान लो वो मुझे पसंद नहीं करते और प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि नहीं अध्ययन सर जो है वो एजुकेशन मिनिस्टर बन जाएंगे काश में बन जाता ठीक है तो प्राइम मिनिस्टर ये नहीं बोल सकते कि नहीं आप इन्हें नहीं बना सकते ठीक है तो प्रेजिडेंट सर जो है वो ये नहीं बोल सकते कि आप इन्हें नहीं बना सकते प्राइम मिनिस्टर को जिसे मन वो उसे वो वो मिनिस्ट्री पकड़ा सकते हैं जिसे मन उसे मिनिस्ट्री से हटा सकते हैं ठीक है प्राइम मिनिस्टर नॉट द प्रेसिडेंट ठीक है नॉर्मली ओनली द मेबर्स ऑफ द पार्लियामेंट आर अपॉइंटेड एज मिनिस्टर्स नॉर्मली क्या मेम्बर्स ऑफ द पार्लियामेंट ही है मिनिस्टर्स अपॉइंट किया जाते हैं इन केस नॉन मेंबर इज़ अपॉइंटेड एज अ मिनिस्टर अगर मान लो कोई नॉन मेंबर मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है ही मस्ट बी एलेक्टेड और नॉमिनेटेड टू द पार्लियामेंट विद इन द विदिन सिक्स मंथ फ्राम द डेट ऑफ इस अपॉइंटमेंट मान लो जैसे मैं एक नॉन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का पार्लियामेंट का मेबर नहीं हूँ फिर भी मुझे एक मिनिस्टर पकड़ा दिया गया ठीक है तो मुझे छः महीने के अंदर कहीं ना कहीं से इलेक्शन जीत के आना रहेगा नहीं तो छः महीने बाद मुझे अपना पोस्ट छोड़ देना पड़ेगा ठीक है कंसेप्ट समझा अगर एक अगर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर मिनिस्ट्री होल्ड करता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन अगर नॉन मेंबर अगर मिनिस्ट्री पकड़ता है तो उसे क्या करता है अपॉइंटमेंट का डेट से छः महीने तक उसे कहीं ना कहीं से इलेक्शन जीत के एक मेंबर ऑफ द हाउस बनना पड़ेगा ठीक है वरना छः महीने बाद उसे रिजाइन करना पड़ेगा ठीक है अ तो यहाँ पर लिखा है देखिए फेलिंग ही विल हैव टू रिज़ाइन फ्रॉम हिज पोस्ट ऑफ मिनिस्ट्री ओके

देखो ये पॉइंट कहता है कि एक तो पहले कभी का, कभी कैबिनेट मिनिस्टर्स नाइनटीन सेवेंटी नाइन से पहले कैबिनेट मिनिस्टर्स वर्ड कहीं यूज़ नहीं होता था ठीक है सिर्फ क्या था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बट क्या हुआ जब इमरजेंसी जब आया तो इमरजेंसी के बाद जो प्रेसिडेंट जस्ट अपने मर्जी से इमरजेंसी नहीं ला सकता वहाँ पर प्रेजिडेंट को इन रिटर्न राइटिंग में प्राइम मिनिस्टर और उसके कैबिनेट मिनिस्टर्स जो हैं ना हाई रैंकिंग मिनिस्टर्स होते हैं उनको इन रिटर्न पहले बताना पड़ेगा कि मैं इमरजेंसी लागू कर रहा हूँ जब ये अप्रूव करेंगे तो प्रेजिडेंट क्या करेंगे इमरजेंसी लागू करेंगे ठीक है चलो आफ्टर दिस द डिस्टिंगशन बिटवीन द कैबिनेट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बिकम एविडेंट ठीक इसके बाद क्या वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और कैबिनेट मिनिस्टर्स में एक डिफरेंस आपको पता चलेगा एक कैबिनेट मिनिस्टर क्या होता है दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैबिनेट मिनिस्टर्स क्या होता है जो मेन मेबर्स ऑफ द इम्पॉर्टेंट मेबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं ठीक है दे होल्ड द इम्पॉर्टेंट पोर्टफोलियो लाइक होम मिनिस्टर डिफेंस मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर एक्सटर्नल अफेयर्स रेलवेज एक्सेट्रा ठीक है जितने भी आप रेल मंत्री हुए हेल्थ मंत्री हुए एडुकेशन मिनिस्टर हुए डिफेंस मिनिस्टर हुए होम मिनिस्टर हुए ह्यूमन रिसोर्स फाइनेंस मिनिस्टर हुए ये लोग एक की पोस्ट होल्ड करते हैं तो इन्हें हम कहते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स कहते हैं ठीक है बाकी जो एम पीज है वो भी तो इसी पार्टी के हैं बट वो की पोस्ट होल्ड नहीं करते ठीक है तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में आते बट नॉट कैबिनेट मिनिस्टर्स में आते हैं ठीक है चलो ओनली कैबिनेट मिनिस्टर्स द राइट टू अटेंड मीटिंग्स इन द कैबिनेट कैबिनेट मिनिस्टर्स का ही पावर है कैबिनेट में मीटिंग अटेंड करने का गेट टुगेदर डिटरमाइन द पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट जो कैबिनेट मिनिस्टर्स है पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट को डिटरमाइन करता है ठीक है अब इनसे जो कैबिनेट मिनिस्टर्स है छोटे होते हैं वो होते स्टेट मिनिस्टर मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स दे आर द सेकेंड कैटेगरी ऑफ मिनिस्टर्स दे मे और मे नॉट होल्ड एन इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ एन पोर्टफोलियो ये क्या होता है कि इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ कोई पोर्टफोलियो को होल्ड नहीं करते जैसे कि हमारी मैम जो है सीतार शितर, सीतारमन निर्मला सीतारमन मैम जो है वो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है ठीक है और अनुराग ठाकुर सर जो है वो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स है ठीक है वो निर्मला सीतारामन के नीचे आते हैं ठीक है कोई इंडिपेंडेंट पोस्ट तो नहीं है हेड तो फाइनेंस मिनिस्टर ही है जो कि निर्मला सीतारमन है जो कैबिनेट मिनिस्टर है ठीक है लेकिन जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स है अनुराग ठाकुर सर वो भी सेम पोस्ट होल्ड करते हैं बट उनसे नीचे ठीक है उनके अंडर द मे और मे नॉट होल्ड एन इंडिपेंडेंट चार्ज जैसे कि मैंने कहा द प्राइम मिनिस्टर मे और मे नॉट कंसल्ट कंसल्टेम प्राइम मिनिस्टर मे और मे नॉट कंसल्ट कंसल्टेम ठीक है दे डो नॉट पार्टिसिपिपेट इन द कैबिनेट मीटिंग दे डो नॉट पार्टिसिपेट इन द कैबिनेट मीटिंग सिंपल स बात हो कोई भी कैबिनेट मीटिंग में ये लोग पार्टिसिट नहीं करते हैं बट दे में बी इन्वाइटेड टू अटेंड मीटिंग वे मैटर्स कंसर्निंग द डिपार्टमेंट सांसिडर मान लो जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री का मीटिंग हो रहा तो वहाँ पे जो स्टेट मिनिस्टर है इसका कैबिनेट में से दोनों आएंगे मान लो डिफेंस मिनिस्ट्री का मीटिंग हो रहा था डिफेंस मिनिस्टर और स्टेट मिनिस्टर दोनों आएंगे मान लो रेल मंत्री रेल मंत्री बोला भाई रेलवेज़ का मीटिंग होगा तो जो स्टेट मिनिस्टर है रेलवेज़ का वो भी आएंगे हेल्थ मिनिस्ट्री अभी कोविड में चल रहा तो हेल्थ मिनिस्टर जो हमारे आ, कौन है हर्षवर्धन सर है वो और जो स्टेट मिनिस्टर है उनका नाम याद नहीं आ रहा मुझे दोनों मिलके मीटिंग कर रहे हैं ठीक है ऐसे हो सकता है ठीक है चलो डेप्यूटी मिनिस्टर्स अब आते थर्ड नंबर मिनिस्टर्स दे आर द थर्ड कैटेगरी ऑफ मिनिस्टर्स हु असिस्ट द कैबिनट मिनिस्टर एंड द काउंसिलस डेप्यूटी मिनिस्टर्स क्या करते हैं कैबिनट मिनिस्टर्स एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को असिस्ट करते हैं ठीक है दे आर जूनियर मिनिस्टर्स एन अ प्लेस्ड अंडर सीनियर मिनिस्टर्स होम दे हैव टू असिस्ट ये लोग जूनियर है एक काइंड ऑफ असिस्टेंट नॉट असिस्टेंट एक्चुअली बट दे काइंड ऑफ असिस्टेंट जो मिनिस्टर जो कैबिनेट मिनिस्टर्स और स्टेट मिनिस्टर्स को हेल्प करते हैं असिस्ट करते हैं ठीक है दे आर नाट अ पार्ट ऑफ द दे आर सॉरी दे टेक नो पार्ट इन कैबिनेट डेलीब्रेशन कैबिनेट डेलीब्रेशन में कोई पार्ट नहीं लेते द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कॉम्प्रोमाइज़ द प्राइम मिनिस्टर एंड अ नंबर ऑफ अदर मिनिस्टर्स अपॉइंटेड बाई द प्रेजिडेंट ऑन द एडवाइसम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कौन आते हैं प्रधानमंत्री आते हैं नंबर ऑफ एंड नंबर ऑफ अदर मिनिस्टर्स अपॉइंटेड बाई द प्रेजिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स ठीक है आपको समझ आएगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन कौन आते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में हमारे प्राइम मिनिस्टर और जो भी आ, मिनिस्टर्स है अदर जिसको प्रेजिडेंट अपॉइंट करता है कब एडवाइसड ऑन एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ठीक है वो हमारे कैबिनेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में आते हैं ठीक है थेके? चलो द कंस्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट स्पेसिफाई आइदर द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और क्लासिफाई द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इनटू डिफरेंट रैंक्स हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा क्लियरली कभी, कभी नहीं बोलता कि इतने सारे इतने नंबर्स ऑफ काउंसिल ऑफ़ मिनिस्टर्स होंगे या फिर इतने सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स होंगे ऐसा कोई स्पेसिफिकली नहीं कहता ठीक है

फिफ्टीन परसेंट ऑफ़ द स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेचर जो कि फिफ्टीन परसेंट ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा जो है उसको एक्सीड नहीं करेगा सेम फिफ्टीन परसेंट ऑफ द मेबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव है उसे एक्सीड नहीं करेगा ठीक है फिफ्टीन परसेंट से ज़्यादा आप एक्सीड नहीं करा सकते आप जितना भी मेम्बर्स है उसका फिफ्टीन परसेंट आप कैलकुलेट कर सकते हो ठीक है इन केस ऑफ स्मॉलर स्टेट्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ मिनिस्टर अलाउड इज ट्वेल्व जो कि स्मॉलर स्टेट्स में स्टेट्स होते हैं जैसे गोवा हुआ या फिर नॉर्थ ईस्ट का कोई स्टेट हुआ वहाँ पर सिर्फ ट्वेल्व मेम्बर्स से ज़्यादा आप अपेक्सिट नहीं कर सकते दिस स्टेप वॉज टेकन टू चेक द डिफेक्शन फ्राम वन पार्टी टू अनदर उस पार्टी से उस पार्टी मतलब होता है ना तबादला करना या फिर आज बीजेपी में है कल कांग्रेस में ये सब को रोकने के लिए और जंबो साइज मतलब क्या है देखो एंड ऑल्सो टू कर्व द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन अकाउंट ऑफ जम्बू साइज मिनिस्टर्स मान लो जम्बू साइज मिनिस्टर्स इ सेंस मान लो बहुत सारे मिनिस्टर हो गए भाई आके पे उन्हें उनका जो पे करना पड़ता है वो तो हमारी टैक्स के पैसे जाते हैं ना भारत सरकार का जो खजाना है या फिर उसका जो पैसा है उसमें से वो लोग को पे करना रहता तो एक बर्डन बन जाता है ना अगर बहुत सारे मिनिस्टर्स आ गए तो बहुत खर्चा हो जाएगा तो उसको काटने के लिए ही उसको कम करने के लिए ही ये बार्च लगाया गया है ठीक है ये बैरियर लगाया गया है चलो द कैबिनेट फॉर्मेशन कैसे होता है द कैबिनेट इज कम्पोज ऑफ स्मॉल बट इंपॉर्टेंट बॉडी ऑफ सीनियर लीडर्स ऑफ द पार्टी हु आर इंक्लूडेड इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैबिनेट क्या कंपोज कर, करते हैं सीनियर लीडर या फिर जो इंपॉर्टेंट लीडर्स होते हैं उनमें उनको कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं ठीक है कम्प्रोइज करते सॉरी चलो दे होल्ड इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज एंड डिसाइड मेजर पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट एक इंपॉर्टेंट पोजिशन होल्ड करते हैं और जो मेजर डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट है उसमें वो लोग पार्ट लेते हैं दे बी ट्रस्टेड कलीग्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स फ्राम फॉर्म द न्यूक्लियस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन जो प्राइम मिनिस्टर का जो सबसे करीबी होते हैं वही लोग ये स, ये पोजिशन होल्ड करते हैं ठीक है इन फैक्ट द कैबिनेट इज अ प्राइवेट राउंड विच द विच द होल एडमिनिस्ट्रेशन रिजॉल्व कैबिनेट जो होता है वही एक मतलब देखो तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है उनका उतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं जो कि मेन जो पार्ट प्ले करते हैं न्यूक्लियस फॉर्म करते हैं यहाँ पे ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का वही लोग एक्चुअली पूरा देश चलाते हैं ठीक है थीके? तो यही वो पॉइंट कहना चाहता है द कैबिनेट टेक्स इंपॉर्टेंट डिसीजन सिंपल सवाल है इसमें कुछ समझाने का नहीं इंपॉर्टेंट डिसीजन लेता है कैबिनेट सच डिसंस आर कम्युनिकेटेड टू द अदर मिनिस्टर्स एंड दे फॉलो दीज डिसीजनस जो स्टेट मिनिस्टर हुआ या डिप्यूटी मिनिस्टर हुआ उनको इनका इनका ऑर्डर या फिर इनका सजेशन फॉलो करना रहता है ठीक है कैबिनेट मिनिस्टर बोल देगा भाई आज यहाँ पे कर्फ्यू लगाना है या फिर हेल्थ मिनिस्ट्री बोल देगा आज यहाँ पे ये यह करना है तो जितने उसके लोअर जो मिनिस्टर्स हैं उनको बस ये फॉलो करना है हाँ सर ने ये बोला है ये फॉलो करना है हमें ठीक है एंड दे फॉलो दिस डिस इवन दो माइट है पार्ट ऑफ दिसन अगर मान लो जो डेप्यूटी मिनिस्टर हो या फिर इस, इस, इस मीटिंग का पार्ट नहीं भी है तब भी उन्हें कैबिनेट का बात मानना पड़ेगा दैट्स कंपल्सरी ओके इस वॉट थैंक यू अपॉइंटमेंट ऑफ द कैबिनेट ठीक है अपॉइंटमेंट ऑफ द कैबिनेट कैसे होता है आइए देखते हैं द प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट्स द सीनियर एंड ट्रस्ट वर्दी कलीग्स एंड द एडवाइज टू अपॉइंट दम एज कैबिनेट मिनिस्टर्स प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं सेलेक्ट करते हैं अपने कलीग्स को या फिर सबसे सब अपने तो ट्रस्ट वर्दी जो मतलब नेता होते हैं उनको चूज कर लेते हैं और प्रेजिडेंट को कहते हैं भाई इन्हें आप अपॉइंट कर दो ठीक है द प्रेजिडेंट दैन अपॉइंट दैम एज मिनिस्टर्स एज पर द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर तो जिन्हें जिन्हें प्राइम मिनिस्टर ने चूज़ करके कर लाया तो प्रेजिडेंट उन्हें क्या करते हैं अपॉइंट कर देते हैं मिनिस्टर एज मिनिस्टर्स ठीक है ऑन एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ठीक है अब आता है टर्म ऑफ ऑफिस द मिनिस्टर्स होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ़ द प्रेजिडेंट मिनिस्टर होल्ड ऑफ ऑफिस कब करते कब तक करते हैं प्लेजर ऑफ प्रेजिडेंट बोलने का मतलब है पाँच साल प्रेजिडेंट ही फाइव ईयर्स रहते हैं और ये भी फाइव ईयर्स ही रहते हैं ठीक है इनका भी फाइव ईयर्स ही है टेन ओर बट द प्रेजिडेंट हैज ए लिटिल पावर इवन इन दिस रिगार्ड बिकॉज द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा एंड कैन रिमेन इन ऑफिस एज लॉन्ग एज दे इन्जॉय द मेजोरिटी सपोर्ट द हाउस ऑफ द पीपल यहाँ पे भी प्रेसिडेंट का जो है लिटिल पावर है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो लोग कब तक अपने पावर इंजॉय करते हैं जब तक कि उनके पास मेजारिटी होल्ड करते हो जब भी वो मेजारिटी होल्ड करेंगे वो पावर एन्जॉय करेंगे चाहे वो पाँच साल हो या फिर री इलेक्शन होगा तो फिर पाँच साल होता है लेकिन मान लो अगर मेजॉरिटी से अगर एक सीट भी कम है तो उनकी सरकार नीचे गिर जाती है नीचे गिर जाती मतलब सरकार खत्म ठीक है आज मोदी सरकार के पास तीन सीटें हैं ठीक है बट अगर वो 275 सेवेंटी फाइव या टू सेवेंटी टू आई गेस जो कि मिनिमम नंबर्स है उसे अगर 271 भी होता है तो इन्हें रिज़ाइन करना पड़ेगा ठीक है तो ये लोग कब तक इंजॉय कर जब तक इन लोग इनके पास मेजोरिटी है जो कि इनका टर्म फाइव ईयर्स का रहता है मैक्सिमम ठीक है इफ़ द लोकसभा पास वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स दे हैव टू रिज़ाइन कलेक्टिवली अगर लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है तो वहाँ पर संग संग इन्हें रिजाइन करना पड़ जाता है ठीक है चलो द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पांसिबल फॉर द लोकसभा सिंपल सा बात है प्राइम मिनिस्टर तो और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहाँ पर होते हैं लोकसभा में होते हैं क्योंकि उन्हें हमें ले इलेक्ट करते हैं ठीक है थेके? चलो before a minister enters upon his office the president administers his administers him the oath and office ठीक है जब मिनिस्टर जब मिनिट जब मिनिस्टर एंटर करते हैं अपने ऑफिस में तो वहाँ पे ओथ कौन दिलवाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ओथ दिलवाते हैं ठीक है, है? उनके ऑफिस में जाने से पहले एक सेकंड ये छोटा कर दो हाँ ठीक है इन द ओथ ऑफ द ऑफिस द मिनिस्टर swears to बियर ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू द कंस्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सच्चाई पूरे मतलब ईमानदारी से अपने फेथ को जाहिर करते हैं किसको कंस्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को जो कि होता तो नहीं है मेरे हिसाब से तो नहीं होता वरना हमारा देश बहुत आगे चल जाता ठीक है अपहोल्ड द सोवेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द ऑफ इंडिया ठीक है सोवेनिटी और इंटीग्रिटी को अपहोल्ड करते हैं फेथफुल एंड कॉन्स हाँ फेथफुली डिस्चार्ज हिज ड्यूटी विदाउट फियर एंड फेवर एंड एक्शन और इल विल अपने अपने ड्यूटीज़ को फेथफुल ईमानदारी से करना बिना किसी के डर के बिना किसी रोक टोक या फिर एकदम सच्चाई बिना किसी झूठ बोले अपने ड्यूटीज़ को फुलफिल करना ठीक है चलो इन द ओथ ऑफ दिस इन द ओथ द मिनिस्टर वेज नॉट टू डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कम्युनिकेट और रिवील टू एनी वन एनी मैटर विच इज ब्रॉड फॉर कंसिडरेशन एक्सेप्ट एज मे बी रिक्वायर्ड डिस्चार्ज ऑफ इज ड्यूटी जो को जब लिया जाता है तो वहाँ पे किसी को डायरेक्टली नहीं बोला जाता किसी को इनडायरेक्टली नहीं बोलता बस उनको ओथ लेना पड़ता है प्रेसिडेंट के सामने और अपना काम करते रहना है डिस्चार्ज ड्यूटीज मतलब अपना काम को स्टार्ट करना रहता है ठीक है जो उनके ड्यूटीज है एवरी मिनिस्टर मस्ट बी अ मेंबर ऑफ द आइदर ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और मस्ट बिकम वन विद इन सिक्स मंथस ऑफिस अपॉइंटमेंट फेलिंग इन विच हीट हिज ऑफिस हर मिनिस्टर जो होता है आइदर ऑफ़ द हाउस का मेम्बर होता है अगर नहीं है तो उन्हें सिक्स मंथ्स में कहीं ना कहीं से जीतना पड़ेगा वरना उन्हें अपना ऑफिस वैकेंट करना पड़ेगा ठीक है सैलरीज एंड अलाउंस ऑफ द मिनिस्टर्स आर सच एज पार्लियामेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम बाई लॉ डिटर ठीक है सैलरीज और अलाउंस ऑफ द मिनिस्टर्स कौन डिटरमाइन करता? करता है पार्लियामेंट डिटरमाइन करता है टाइम टू टाइम ठीक है पैसे भी मिलते हैं सारी सुविधा भी मिलती है लूट के भी खा लेते हैं ठीक है ठीक है कोई मिनिस्टर को हो तो प्लीज़ माफ़ करना चलिए पावर्स एंड फंक्शन ऑफ़ द कैबिनेट एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स ओके पॉलिसी मेकिंग द कैबिनेट फॉर्मुलेट्स बोथ एक्सटर्नल एंड डोमेस्टिक पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी मेकिंग जो रहता है वहाँ पे जो जो कैबिनेट क्या करता है एक्सटर्नल और इंटरनल जो पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट रहता है दोनों को एग्जीक्यूट करता है इट टेक्स डिसीजनस एंड ऑन मैटर्स सच एज डिफेंस इकोनॉमिक पॉलिसीज सिक्योरिटी नीड्स प्रेजिडेंट्स रूल्स इन रूल इन स्टेट फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स इंडस्ट्रियल पॉलिसीज इम्पोर्ट एंड एक्सटो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स ये सब सारी चीज जितना भी मैंने पढ़ा हो जितना भी आपको पढ़ के सुना इकोनॉमिक पॉलिसी सिक्योरिटी नीड्स प्रेजिडेंट रूल जो भी है ये सारे पे कौन एक्शन लेता है कैबिनेट मिनिस्टर्स एक्शन लेते हैं ठीक है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो लोग एक्शन लेते हैं इंडिविजुअल मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फ्रीडम टू फ्रीडम ऑफ एक्शन बट बट ऑन ऑल मेजर मैटर्स दे हैव टू कंसल्ट द कैबिनेट जो इंडिविजुअल मिनिस्टर्स होते हैं उन्हें भी फ्रीडम है अपना एक्शन लेने का बट जो मेजर केसेज जहाँ पर आते हैं वहाँ पर उन्हें कैबिनेट मिनिस्टर्स का परमिशन लेना पड़ता है ठीक है दे हैव टू कंसल्ट ठीक है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसीज वंस अ पॉलिसी डिसीजन इज टेकन बाई दाई द कैबिनेट ऑन एनी सब्जेक्ट इट इज़ कन्वेड दट द मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डिप्यूटी मिनिस्टर्स ऑफ द कंसर्न मिनिस्टर्स देखो इंप्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसी क्या होती है जब भी कैबिनेट मिनिस्टर्स कोई भी पॉलिसी को uh, मतलब जान लेता है या फिर एक्शन लेने को तैयार रहता है तो सीधे क्या कन्वे करता है जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट डिप्यूटी मिनिस्टर कन्वे कर देता है कि भाई ये पॉलिसी हमने लिया है और इसे हम यहाँ पे एक्शन लेने वाले हैं सो बी रेडी ओके वर्क आउट द डिटेल्स एंड पास इट टू सिविल सर्वेंट्स अंडर द मिनिस्ट्री टू इंप्लीमेंट द डिसीजन जब डिप्यूटी मिनिस्टर स्टेट मिनिस्टर जब सबको मिलकर जब उस पर काम कर लेते तो वो लोग क्या करते हैं सिविल सर्वेंट्स होते हैं आई ऑफिसर हुए आई पी ऑफिसर्स हुए जितने भी और ऑफिसर्स होते हैं सिविल सर्वेंट्स होते हैं उनको दे दिया जाता है कि भाई ये रहा पॉलिसी अपना काम शुरू करो जिस तरह से आपको करना है आपको जो 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 बताया गया उस है उस हिसाब से आप काम शुरू करिए ठीक है इन दिस वे द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट इज मैनेज जॉइंटली बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द सिविल सर्वेंट कंसर्न यहाँ पे क्या होता है जो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं और जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो लोग अपने आप से मतलब मिक्स करके काम करते हैं ठीक है जॉइंटली जॉइंटली काम करते हैं ठीक है चलो कोऑर्डिनेटिंग द फंक्शनिंग ऑफ वेरियस मिनिस्ट्रीज द कबिनेट मिनिस्टर कैबिनट द वर्किंग ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स फॉर द स्मूथ इंप्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी कैबिनेट क्या करता, Coordinate करता है कॉर्डिनेट करता है वेरियस डिपार्टमेंट्स से ताकि जो पॉलिसीज है स्मूथली चले ठीक है जैसे हेल्थ मिनिस्ट्री आज हमारे कोरोना का टाइम में जितने भी प्रॉब्लम्स हो रहा है अगर हेल्थ मिनिस्ट्री जो है वो जैसे प्राइम मिनिस्टर जो कैबिनेट मिनिस्टर से वो लोग हेल्थ मिनिस्टर से डायरेक्ट कंटैक्ट कॉन्टैक्ट कर रहे कि भाई क्या क्या प्रॉब्लम्स है क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको आ रहे हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स आने वाले हैं क्या नीड्स हैं कहाँ नीड्स है डायरेक्ट कोऑर्डिनेट करें ताकि जो जो भी जो भी पॉलिसीज आए इम्प्लीमेंट स्मूथली हो बिना किसी रोक टोक के ठीक है एनी गवर्नमेंट पॉलिसी बी इट एरेडिकेटिंग अनएम्प्लॉयमेंट इम्प्रूविंग पब्लिक हेल्थ सर्विसेज़ और इंक्रीजिंग द इन गवर्मेंट रेवेन्यू रिक्वायर्स इन्वॉलमेंट ऑफ़ सेवरल डिपार्टमेंट्स ऑफ इट्स फॉमुलेशन एंड एम्प्लीमेंटेशन ठीक है जो कैबिनेट मिनिस्टर जो क्या करते हैं मतलब कोई भी पॉलिसीज लाता है जहाँ पर उसे रेडिकेट करना माना एम्प्लॉयमेंट हटाना है अनएम्प्लॉमेंट हटाना है सॉरी सर्विस को बेटर करना है गवर्नमेंट रेवेन्यू को इंक्रीज कराना है तो यहाँ पर सेवरल डिपार्टमेंट्स का फंक्शनिंग और इम्प्लीमेंटेशन uh, का जरूरत होता है ठीक है मान लो अब जैसे फाइनेंस मिनिस्टर है तो पब्लिक हेल्थ सर्विस बढ़ाना है फाइनेंस मिनिस्टर है ठीक है पब्लिक हेल्थ इम्प्रूव करना है तो कहाँ पे उसे जाना पड़ेगा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में आना पड़ेगा ठीक है वेमेन वेमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के साथ आना पड़ेगा हेल्थ मिनिस्ट्री के पास आना पड़ेगा देख रहे हैं चार मिनिस्ट्री एक साथ मिले काम कर रही है तो ये पॉइंट वही कहना चाहता है कि जैसे जितना भी मेजर रोल जब प्ले करना रहता है तो कैबिनेट मिनिस्टर जो रहते हैं वो बाकी सारे डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करके चलते हैं ताकि सही से कोई भी चीज़ पॉलिसी इम्प्लीमेंट किया जाए ठीक है चलो अपॉइंटमेंट ऑल मेजर अपॉइंटमेंट्स थ्रू दो मेड बाय द प्रेजिडेंट आर डिसाइडेड अपॉन बाई द कैबिनेट जितने भी अपॉइंटमेंट्स होते हैं प्रेजिडेंट अपॉइंट करते हैं बट कौन डिसाइड करता है किसे अपॉइंट करना है प्रेजिडेंट या फिर कैबिनेट ठीक है सच अपॉइंटमेंट्स रेफर्स टू द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट गवर्नर ऑफ स्टेट चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर डिग्निटरीज इतने जितने भी डिग्नेटरीज का नाम लिया है इन्हें कौन अपॉइंट करता है प्रेजिडेंट अपॉइंट करता है किसके एडवाइस पर करता है कैबिनेट या प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पर ठीक है द कैबिनेट चूजेज और एम्बेसडर टू अदर नेशन जैसे हमारे मान लो यू में इंडियन एम्बेसी है तो वहाँ पर कौन एम्बेसडर बैठेगा वहाँ पर कौन डिसाइड करता पी या कैबिनेट डिसाइड करता है मान लो पाकिस्तान में कोई हमारे का एम्बेसी में बैठा हुआ है जो हैड इंडिया को रिप्रेजेंट कर वहाँ कौन जाएगा कैबिनेट डिसाइड करता है ठीक तो तो है थेक्या? अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट लेजिस्टिव पावर्स पेज नंबर वन एंटी ठीक है चलिए अब बता हमारे क्या लेजिस्लेटिव पावर्स इंट्रोडक्शन ऑफ बिल्स द कैबिनेट एंड डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टेक्स इनिशिएटिव इन लेजिस्लेचर कैबिनेट जो रहता है और डिपार्टमेंट जो रहते हैं क्या करते हैं लेजिस्लेशन में पार्ट लेते हैं ठीक है द कैबिनेट इनिशिएट ऑलमोस्ट नाइन्टी फाइव परसेंट ऑफ द बिल कैबिनेट जो क्या करता है नाइन्टी फाइव परसेंट ऑफ द जितना भी बिल्स आते हैं कौन मैनेज करता है कैबिनेट मैनेज करता है द लेजिस्लेटिव प्रपोजल्स दैट द कैबिनेट फॉर्मुलेट्स आर कॉल्ड ऑफिशियल बिल्स कैबिनेट जो भी of, uh, जो भी चीज़ जो भी बिल पे कैबिनेट हाथ देता है उसे क्या ऑफिशियल बिल कहते हैं दिस बिल्स आर गिवन प्रायोरिटी एंड प्रेफरेंस ऑफ प्राइवेट बिल्स प्राइवेट जो बिल्स आते हैं मान लो कोई एक एम या एम उठाया उसके ऊपर प्रेफरेंस दिया जाता है ये कैबिनेट का बिल्स को ऑफिशियल बिल्स को ठीक है फॉर्मुलेशन ऑफ दिस बिल्स इन्वॉल्व नॉट ओनली प्रिपेयरिंग द ड्राफ्ट ऑफ द प्रपोजल्स बट ऑल्सो प्रेजेंटिंग देम बिफोर द पार्लियामेंट फॉर अप्रूवल जितने फार्मलेसन या फिर जो भी इसमें इंप्लीमेंटेशन आएंगे इस दि, दि, दिस बिल्स में जितना ड्राफ्ट से लेके प्रपोजल हाँ जितने भी ड्राफ्ट इस किसी भी बिल के ऊपर ड्राफ्ट रेडी होते हैं ड्राफ्ट से लेके फाइनल जो बिल अप्रूव करने का आएगा दोनों को क्या करना पड़ता है पार्लियामेंट या कैबिनेट के आगे अप्रूव या फिर प्रेजेंट करना पड़ता है ठीक है चाहे वो ड्राफ्ट हो या कोई भी चीज़ हो इस बिल के रिकॉर्डिंग सबको सबको क्या कैबिनेट के सामने आपको पेश करना रहता है ठीक है द कैबिनेट एक्सप्लेन द मेरिट ऑफ द बिल्स कोई भी बिल आता है तो भाई उसका कुछ तो अच्छा ही होगा तो कैबिनेट क्या करता है उसको एक्सप्लेन करता है भाई इस बिल का सी ए एन आर सी जो बिल आ रहा है इसका क्या क्या एक्ट आ रहा है, जो भी है इसका क्या क्या मेरिट से कैबिनेट को एक्सप्लेन करना पड़ता है अच्छे से ठीक है इट इज द कैबिनेट हु पायलट्स द बिल हाँ पायलट द बिल थ्रू वेरियस प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन फ्रॉम इंट्रोडक्शन टू द फाइनल पैसेज ऑफ द बिल द पार्लियामेंट ओनली डिस्कसेस एंड बाई पुटिंग इट्स सील ऑफ अप्रूवल लेजिस लेजिलेट्स द लेजिस्टिव प्रपोजल फॉमुलेट्स बाई द गवर्नमेंट बाई द कैबिनेट ये पॉइंट कहता है तो कैबिनेट जो है मेन बिल को पाइलेट करता है पायलेट इन देंस कंट्रोल करता है कि भाई इस बिल को बिल का जनरेट होने से लेकर बिल का लास्ट मोमेंट में फाइनलाइज होने तक जब तक कि उसका मोहर लगता है कि फाइनल बिल हो गया तब तक इसे कौन रेगुलेट करता है कौन फॉर्मुलेट करता है कैबिनेट करता है ठीक है चलो

उनसे सवाल पूछा जाता है कौन पूछता है लोकसभा का जो अपोजिशन मेंबर्स या फिर अदर पार्टीज़ मेंबर है पूछते इस कि भाई इस बिल का बताओ मेरिट क्या आप बताओ मुझे आपने लाया बिल बताओ मुझे तो वहाँ पर हेल्थ मिनिस्ट्री या फिर जो सेक्रेटरीज उसके हैं वो बताएंगे कि हाँ भाई ये इस बिल का ये ये मेरिट है ठीक है हमने इसलिए लाया है इस पब्लिक इस सेक्टर के पीपल को फ़ायदा करेगा इस सेक्टर के पीपल को और ज़्यादा प्रॉफिट मेकिंग होगा हमारे नेशन को किस तरह से प्रॉफिट होगा और ये जब ये बताते हैं आंसर तभी पब्लिक को पता चलता अच्छा एक बिल आ रहा है उसमें क्या क्या, -क्या फ़ायदे है क्या क्या खराबी है तभी आपको पता चलता है ठीक है

पार्लियामेंट्री जो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियमेंट्री अफेयर्स है वो एक्चुअली इनिशिएटिव लेते हैं समन होते हैं तो वहाँ पे कौन करता है प्रेसिडेंट करता है बट जो इनिशिएटिव कौन लेता है, कौन करता है इस चीज़ को? वो जो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट है वो स्टार्ट करते हैं ठीक है थीके? चलो प्रेजिडेंट स्पेशल स्पेशल ही रेडी करता है कि प्रेजिडेंट क्या बोलने वाले हैं ठीक है पार्लियामेंट में सोचो so, पार्लियामेंट ही रेडी करता है

फर्स्ट सेशन बैठता है कब जनरल इलेक्शन के बाद जो भी फर्स्ट सेशन बैठता है तो वहाँ पर उसके बाद एक लोग पार्लियामेंट्री सेशन लाता है या फिर जो भी फर्स्ट सेशन ऑफ हर ईयर का जो ईयर में दो सेशन होता है ना दो या तीन सेशन होता है शायद मुझे याद नहीं आ रहा कन्फ्यूज़ हो गया हूँ तो हर सेशन के हर सेशन के पहले एक साल में एक पार्लियामेंट्री सेशन लाता है कौन लाता है यही लाता है कैबिनेट मिनिस्टर्स ही लाते हैं ठीक है पॉइंट ये कहना चाहता है इशूइंग ऑर्डिनेंस कैबिनेट ऑल्सो एडवाइज द टू इशू ऑर्डिनेंस वन द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन जब भी पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो वहाँ पर कौन ऑर्डिनेंस इशू करने बोलते हैं प्रेजिडेंट को कैबिनेट मिनिस्टर्स ही बोलते हैं ठीक है थेके? अब आता है फाइनेंशियल पावर्स इंपॉर्टेंट पॉइंट है बट हाँ ये जो डिफरेंस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड कैबिनेट मिनिस्टर्स ये आई का बहुत प्यारा क्वेश्चन है प्लीज़ इसे रट्टा मार लो समझ लो जो करना करो बट रट के जाना मैं समझा दे रहा हूँ आपको क्या है देखो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कंसिस्ट ऑफ ऑल कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर्स कैबिनेट मिनिस्टर्स मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स एंड डिप्यूटी मिनिस्टर्स जितने भी है, सब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में अकाउंट होते हैं लेकिन कैबिनेट मिनिस्टर्स में सिर्फ वो मिनिस्टर्स काउंट होते हैं सीनियर मिनिस्टर्स होल्डिंग इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज लाइक डिफेंस फाइनेंस होम एक्सेट्रा ठीक है प्राइम मिनिस्टर मे और मे नॉट कंसल्ट द अदर मिनिस्टर्स बिलो द रैंक ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर्स प्राइम मिनिस्टर से कंसल्ट नहीं कर सकते हैं ठीक है ये नहीं करते जनरली बट दे आर द कैबिनेट मिनिस्टर्स में दे आर द मोस्ट ट्रस्टेड कलीग्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स द प्राइम मिनिस्टर ऑलवेज कंसल्टैमिट आर बाइंडिंग ऑन ऑल मेम्बर्स ठीक है मिनिस्टर्स आई मीन सॉरी इन द डे टू डे वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एज अ होल रेयरली मीट ठीक है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कभी मतलब जनरली तो, एक साथ नहीं मिलते हैं ठीक है कभी कभी मिलते हैं कैबिनेट इज द स्मॉल हाँ कैबिनेट इज़ अ स्मॉल कोहसिव ग्रुप ऑफ सीनियर मिनिस्टर्स हु डिटरमाइन द पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट सो दे मीट फ्रिक्वेंटली एज पॉसिबल कैबिनेट मिनिस्टर्स जो होते हैं वो लोग एक्चुअली बॉडी होते हैं पूरा कॉन्स्टिट्यूशन मतलब पार्लियामेंट के वही बोला ना जैसे मैंने आपको पहले बोला वही पूरा देश चलाते हैं तो वो लोग जनरल पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स पर कंसल्ट डिस्कस करते कंसल्ट करते हैं तो वो लोग क्या करते हैं जनरली मतलब फ्रिक्वेंटली मीट करते हैं

गवर्नेंस कंट्री में जो कैबिनेट एडवाइस किसको करता है प्रेजिडेंट को किसके थ्रू द प्रेजिडेंट के थ्रू ठीक है जो भी प्राइम प्रेजिडेंट को एडवाइस दिया जाता है वो किसके थ्रू दिया जाता है प्रेजिडेंट के थ्रू दिया जाता है ठीक है याद रखिएगा चलिए हम फाइनेंशियल पावर्स पढ़ रहे थे यहाँ पे था ना हाँ द फाइनेंस मिनिस्टर प्रिपेयर द एनुअल बजट कंटेनिंग द एस्टिमेट इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द ऑफ द ईयर जो फाइनेंस मिनिस्टर क्या कर प्रेजेंट करता है क्या एनुअल बजट कि इस इस साल का हमारा क्या क्या इनकम कितना हुआ या हमारा इनकी एक्सपेंडिचर कितना होगा उसको ये करता है पेश करता है सामने प्रेजेंट करता है थ्रू द बजट इज़ पास दो द बजट इज़ पास इन द पार्लियामेंट यूजअली नो चेंजेस आर मेड इन द बजट फिगर्स अगेंस्ट द विश ऑफ द कैबिनेट ठीक है अगेंस्ट द विश मतलब बिना कैबिनेट के इजाजत के कोई भी बजट का नंबर्स चेंज नहीं होता है कोई भी बजट का फिगर्स चेंज नहीं होता है हाँ तो अब हमारा आता है क्या एनी अमेंडमेंट्स टू द बजट प्रपोजल अगेंस्ट द विशेज ऑफ द कैबिनेट दैट मे बी पास्ड बाय द लोकसभा अमाउंट्स टू अ नोन नो कॉन्फिडेंस इन द मिनिस्ट्री मान लो ऐसे अगर कोई भी कोई भी पार्लियामेंट में जो मेंबर्स होते हैं अमेंडमेंट एक अमेंडमेंट पास करते हैं क्या बजट के अगेंस्ट या फिर बजट प्रपोजल अगेंस्ट द विश ऑफ द कैबिनेट कैबिनेट के अगेंस्ट में को कोई पास करता है तो वहाँ पर उसे क्या माना जाता है उस डिपार्टमेंट में एक नो कॉन्फिडेंस मोशन का एक एक मतलब वोट आ जाता है ठीक है जो भी मिनिस्ट्री के अगेंस्ट पास होता है या फिर जो भी मिनिस्ट्री का अगेंस्ट पास करना रहता है तो वहाँ पे एक नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाता है ठीक है उस डिपार्टमेंट के लिए ठीक है जैसे यहाँ पे दिया देखो टू अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इन द मिनिस्ट्री उस मिनिस्ट्री में एक नो कॉन्फिडेंस मोशन पास किया जाता है इट है वन ओनली द मिनिस्टर हैज़ लॉस्ट द सपोर्ट ऑफ द मेजार्टी इन द लोकसभा कब होता है जब वो मिनिस्ट्री जो अपना सपोर्ट uh, जो है मेजोरिटी सपोर्ट को खो देता है तभी पास होता है ठीक है इन सॉ द सिचएशन द मिनिस्ट्री मस्ट रिजाइन उस सिचुएशन क्या करना पड़ता है मिनिस्ट्री को रिजाइन करना पड़ता है ठीक है चलो सेकंड पॉइंट आपने आता फाइनेंस ऑफ द गवर्नमेंट द कैबिनेट इज रिस्पांसिबल फॉर द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट फॉर प्रेजेंटिंग द डिमांड एंड डिमांड फॉर ग्रांट एंड आल्सो फॉर रेजिंग नेसेसरी इनकम बाय वेरियस मींस ऑफ इंक्लूडिंग टैक्सेशन यहाँ पे फाइनेंस ऑफ द गवर्नमेंट कहता है कि जो कैबिनेट रिस्पांसिबल किसी इसका एक्सपेंडिचर जो भी गवर्नमेंट का जो खर्चा वगैरह है जो भी इसका इनकम में जो भी डिमांड्स है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है फाइनेंस कैबिनेट रिस्पॉन्सिबल है ठीक है

क्लेमेशन ऑफ एमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट रिसीविंग इन राइटिंग द डिसीजन ऑफ द कैबिनेट दिस अफेक्ट. सॉरी, कैन नॉट डिक्लेयर. हाँ सॉरी ये पॉइंट कहता है कि जब प्रेसिडेंट जो है आर्टिकल थ्री फिफ्टी टू के तहत इमरजेंसी लागू नहीं कर सकते वो कब लागू कर सकते हैं जब वो एक रिटर्न में प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर्स को जब वो रिटर्न में एक नोटिस देंगे कि हम इमरजेंसी लागू करना चाहते हैं तभी वो लागू कर सकते हैं वरना वो नहीं कर सकते हैं ठीक है विदाउट रिसीविंग द डेटर राइटिंग द डिसीजन रिसिविंग इन राइटिंग द डिसीजन ऑफ द कैबिनेट टू दिस अफेक्ट ठीक है बिना कैबिनेट का परमिशन का आप प्रेजिडेंट जो है यहाँ पर इमरजेंसी लागू नहीं कर सकता है ठीक है सिमिलरली द क्वेश्चन ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी ऑन द प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेटोड बाय द कैबिनेट कौन डिसाइड करता है कैबिनेट डिसाइड करता है किस चीज़ को डिसाइड करता है किसी भी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल प्रेसिडेंट रूल लाने के लिए या फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी को घोषित करने के लिए या फिर अनाउंस करने के लिए कौन डिसाइड करता है कैबिनेट डिसाइड करता है करता कौन है प्रेसिडेंट करता है बट डिसाइड कौन करता है कैबिनेट करता है ठीक है मतलब हाथ मेरे है चला कोई और ठीक है चलो अपोजिशन एंड पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर वाइल द प्रेजिडेंट इज द नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट विद द बैकिंग ऑफ अ मेजोरिटी इन द लोकसभा द प्राइम मिनिस्टर इज द रियल हेड ऑफ द नेशन प्राइम मिनिस्टर कौन है रियल हेड ऑफ द नेशन है बट इन अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हिज डीट आर क्लोज क्लोजली जज नॉट ओनली बाई द अपोजिशन बट ऑल्सो बाई द मेम्बर्स ऑफ इज ओन पार्टी बट जो प्राइम मिनिस्टर ऐसा तो नहीं भगवान है या फिर कुछ भी है इंसान ही है उनका जो भी हरकत तो उनका जो भी काम रहता है उसको कौन नजर नज़र रखता है कौन करता नज़र रखता है अपोजिशन रहता है वो नज़र रखता है या फिर इन इनफैक्ट उनके खुद के पार्टी के मेंबर्स नज़र रखते हैं कि भाई प्राइम मिनिस्टर है कुछ गलती ना करे तो हमारे पार्टी का जो छवि है वो खराब हो जाएगा या फिर हमें देश का नुकसान हो जाएगा देश का नाम खराब हो जाएगा ठीक है तो ये सब चीज़ नज़र रखा जाता है इफ़ यू ट्राइज टू एज्यूम डिक्टोरियल टेंडेंसी ही कैनॉट एस्केप द लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ़ द पार्लियामेंट ड्यूरिंग द ड्यूरिंग हिस् टेनअर एज वेल एज दैट ऑफ द इलेक्टोरेट इन द फॉलोइंग जनरल इलेक्शन अगर हम, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं लेकिन अगर अगर प्राइम मिनिस्टर एक डिक्टोरियल एक डिक्टेटरशिप अपनाना अपनाने की कोशिश करेगा तो वो पहला बात तो अपना पार्लियामेंट में कॉन्फिडेंस खो देगा दूसरा बात पब्लिक का कॉन्फिडेंस खो देगा जिससे कि नेक्स्ट इलेक्शन में से कोई वोट देगा नहीं तो उनका सीट ऐसे ही चला जाएगा ठीक है दस ही इज़ द हेड ऑफ द गवर्मेंट एंड एंसरेबल टू द पीपल ऑफ द कंट्री ही इज द हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट वह गवर्नमेंट का हेड है और जितने भी पब्लिक का सवाल है उनको ही जवाब देना पड़ेगा भाई पेट्रोल के प्राइस क्यों राइज हुए आपको जवाब देना है कोरोना केसेस में इतने मौत क्यों हो रहे हैं आपको जवाब देना है प्राइम मिनिस्टर को जवाब देना है और कोई जवाब नहीं देगा ठीक है ही इज आंसर एंसरेबल टू द पब्लिक बिकॉज वी इलेक्ट देम ओके चलो हाँ अब आता है प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेजिडेंट ऑल अथॉरिटीज़ वेस्टेड इन द प्राइ प्रेजिडेंट इज एक्सरसाइज बाय द प्राइम मिनिस्टर जितने भी अथॉरिटी प्रेजिडेंट को दिए गए उसे कौन एक्सरसाइज करता है कौन काम पर लाता है प्राइम मिनिस्टर लाता है ठीक है ही इज द प्रिंसिपल एडवाइजर ऑफ द प्रेजिडेंट प्राइम मिनिस्टर कौन है एक प्रिंसिपल मेन एडवाइजर कौन है प्रेजिडेंट का प्राइम मिनिस्टर है द प्रेजिडेंट इज द नॉमिनल है प्राइम मिनिस्टर इज द रियल एग्जीक्यूटिव ऑफ द इंडियन यूनियन प्रेजिडेंट जो है नॉमिनल हेड है और प्राइम मिनिस्टर जो है रियल एग्जीक्यूटिव द इंडियन यूनियन है ठीक है पिछले लाइन्स को रिपीट किया गया बस अब लीज़े, लीज़े। है बस आप सुन लीजिए समझ लीजिए ठीक है ही ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर दैट द प्रेजिडेंट सम्स द पार्लियामेंट एंड डिजोल्व द लोकसभा प्राइम मिनिस्टर का एडवाइस के साथ ही प्रेजिडेंट के अगर समन करता है किसको पार्लियामेंट को समन करता है और जो भी डिसमिस करता है लोकसभा को डिजोल्व करता है कि, तो किसके एडवाइस से करता है प्रेजिडेंट प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस से ही करता है ठीक है कौन करता है प्रेजिडेंट करता है किसके एडवाइस से करता है प्राइम मिनिस्टर से करता है ठीक है चलो द प्राइम मिनिस्टर चूजेज मिनिस्टर्स ऑन हिज एडवाइस द प्रेजिडेंट मिनिस्टर्स मे बी डिसमिस्ड ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर चूज करता है मिनिस्टर्स को ठीक है ऑन हिज एडवाइस द प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर चूज करता है मिनिस्टर्स को और प्राइम मिनिस्टर का एडवाइस पे प्रेजिडेंट अपॉइंट करता है ठीक है प्राइम प्रेसिडेंट uh, कब रिमूव करेगा किसी मिनिस्टर को जब प्रेसिडेंट वहाँ पे एडवाइस करे कि भाई इसे रिमूव करना है इसे डिसमिस करना है तो कौन करता है प्रेसिडेंट करता है किसके एडवाइस पर, पर करता है प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पर करता है ठीक है प्लीज़ इस चीज़ पे कन्फ्यूज़ मत होइएगा ही एडवाइस द प्रेजिडेंट ऑन वेरियस अपॉइंटमेंट्स टू वेरियस पोस्ट सच आज द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द गवर्नर एंड द एम्बेसडर्स जो भी सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं गवर्नर्स होते हैं एम्बेसडर्स uh, होते हैं उन्हें कौन अपॉइंट करता है प्रेजिडेंट करता है किसके एडवाइस पर करता है प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पर किया जाता है ठीक है ही इज द लिंक बिटवीन द प्रेजिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर कौन है लिंक बिटवीन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्रेजिडेंट का जो लिंक बिटवीन है कौन है प्राइम मिनिस्टर है ठीक है आवर कंस्टिट्यूशन लेज डाउन

यूनियन हमारा इंडियन यूनियन हमारा कंट्री के लिए जितना भी डिसीजन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लेता है ठीक है या फिर जो लेजिस्चर्स लेते हैं उसे कौन कन्वे करता है प्रेसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर मतलब जैसे मान लो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने कोई डिसीजन लिया तो प्रेसिडेंट को कौन बताएगा प्राइम मिनिस्टर बताएगा कि देखो भाई हम लोग ने ये डिसीजन लिया है हमारे कंट्री के लिए तो प्रेसिडेंट वहाँ पर बताएंगे नहीं नहीं अच्छा ये है तो इसमें कुछ चेंजेस ज़रूरत है चेंजेस मतलब कंपलसरी नहीं है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक्सेप्ट करेंगे ठीक है कोई जरूरी नहीं है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक्सेप्ट करेंगे ऐसा हो भी सकता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेजिडेंट का प्रपोजल एक्सेप्ट ना भी करें ठीक है लेकिन कन्वे कौन करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का डिमांड को प्रेजिडेंट को प्राइम मिनिस्टर ठीक है अब मिनिस्टर कैन नॉट डिस्कस एनी मैटर ऑफ द नेशनल पॉलिसी विद द प्रेजिडेंट ऑन हिज ओन कोई भी मिनिस्टर जो रहता है वो डायरेक्ट जा कर प्रेजिडेंट से बात नहीं कर सकता है कौन करेगा प्राइम मिनिस्टर ही करेंगे ठीक है द प्रेजिडेंट कैन आज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रीकन्सिडर एनी मैटर विच हैज़ नॉट बिन कंसिडर्ड बाय द कैबिनेट ऑन विच अ डिसीजन हैज़ बिन टेकन बाय अ मिनिस्टर कोई भी मिनिस्टर अगर ये डिसीजन लेता है वहाँ पे और वहाँ पर कैबिनेट अपना डिसीजन अभी सुनाया नहीं है तो प्रेजिडेंट क्या बोल सकता है कि प्लीज आप इसे रिकन्सिडर करिए प्लीज़ में लुक करिए लुक इन टू करिए इसमें कुछ फॉल्ट है ठीक है ठीक है कोई मिनिस्टर्स कोई भी डिसीजन लेता है तो वहाँ पर और अगर वो अभी कवरेण, अभी कैबिनेट मिनिस्टर से अप्रूव नहीं हुआ है तो वहाँ प्रेसिडेंट बोल सकता है कि प्लीज़ आप इस मैटर पे लुक इनटू करिए तो कंसीडर करिए ठीक है इसमें कुछ फॉल्ट्स वगैरह है द प्रेजिट में कॉल फॉर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दफेयर्स ऑफ द यूनियन एंड द प्राइम मिनिस्टर हैज़ टू फर्निश सच इंफॉमेसन मान लो कोई भी वर्किंग में प्रॉब्लम लग रहा है तो प्रेजिडेंट वहाँ बोल सकता है कि भाई प्राइम प्रे, मिनिस्टर साहब आप इधर आइए और मुझे इस काम के बारे में या फिर कोविड सिचुएशन के बारे में बताइए क्या आप कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे तो वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर काम बनता है कि मुझे कि प्रेजिडेंट को सब कुछ बताया कि नहीं सर हमने इतने ऑक्सीजन मंगाए यहाँ से ऑक्सीजन मंगाए हम ये कर रहे वो कर रहे हैं ठीक है चलो Abata Prime Minister and the Cabinet. The leader of the cabinet. The Prime Minister is the head of the cabinet. No provision is made in the constitution for the appointment of such categories of ministers such as Ministry of Cabinet Rank, Ministry of State and Deputy Ministers. The Prime Minister has the liberty to decide on these matters. Okay? का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रोसेस नहीं किया प्रोविजन नहीं दिया गया इनके अपॉइंटमेंट्स का कि ठीक है जैसे कौन बनेगा कैसे बनेगा कैसे क्यों बनेगा ऐसा कोई प्रोविजन नहीं दिया गया सीधा बात है जो भी प्राइम मिनिस्टर का जो पसंद आएगा लिबर्टी है उनके पास वो उसे अपॉइंट या फिर उसे नॉमिनेट अपॉइंट uh, कर देंगे ठीक है समझ गए पावर टू एलोकेट पोर्टफोलियो एंड टू एंड टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इट इज़ द प्राइम मिनिस्टर हु एलोकेट्स डिपार्टमेंट्स ऑफ पोर्टफोलियो टू द मिनिस्टर्स ही कैन रिशफल इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वन एवर ही प्लीज़ेस जितने भी मान लो सर राजनाथ सिंह सर है उनको डिफेंस मिनिस्टर कौन देता है प्राइम मिनिस्टर देगा निर्मला सीतारामन जी है उन्हें फाइनेंस मिनिस्टर कौन दिया प्राइम मिनिस्टर साहब एक्सेट्रा जितने भी पोर्टफोलियो मेन जो मिनिस्टर्स है उन्हें कौन देता है कौन डिसाइड करता? करता है प्राइम मिनिस्टर सर डिसाइड करते हैं ठीक है और जब मन तब वो रिशफल भी कर सकते हैं जैसे जब भी उनका पाँच साल का टेंडर खत्म हुआ था फर्स्ट 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 फाइव ईयर्स का टेंडर जब खत्म हुआ था तो राजनाथ सिंह सर जो थे वो हमारे डिफेंस मिनिस्टर थे वो हट के होम मिनिस्टर हो गए ठीक है स्मृति ईरानी जी थी वो एजुकेशन मिनिस्टर से हट के क्या हो गई हाँ मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल हो गई तो रिशफल कौन किया प्राइम मिनिस्टर के जब मन तब वो रिशफल कर सकते हैं इसमें कोई उन्हें रोक टोक नहीं है ठीक है पावर टू तो सेलेक्ट एंड डिसमिस मिनिस्टर्स द प्राइम मिनिस्टर चूजेज द मिनिस्टर्स एंड हैज द पावर टू डिसमिस दैम प्राइम मिनिस्टर के पास चूज करने का पावर है कि भाई मिनिस्टर हाँ, चूज करने का पावर के भाई ये मिनिस्टर को मैं चूज करता मैं इसे चूज करता मैं चूज करता और उसे हटाने का भी पावर किसके पास है प्राइम मिनिस्टर के पास है ठीक है ही कैन आस्क एन अर्निंग मिनिस्टर अर्निंग मिनिस्टर टू रिजाइन रिजाइन करने बोल सकता है एक तरह से हटाओ ठीक है पावर टू डायरेक्ट एंड कोऑर्डिनेट पॉलिसीज द प्राइम मिनिस्टर कोऑर्डिनेट्स द वर्किंग ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट सो दैट द एडमिनिस्ट्रेशन इज कैरिड आउट स्मूथली ठीक है प्राइम मिनिस्टर क्या कोऑर्डिनेट करता है वेरियस डिपार्टमेंट से ताकि जो भी काम है स्मूथली होते रहे इन क्रिटिकल मैटर्स सच एज एजन फॉरन डिफेंस इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिक टेक्नोलॉजिकल अफेयर्स ही कॉर्डिनेट द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट क्रिटिकल मैटर्स जो भी रहते हैं डिफेंस फॉरन इकोनॉमिक टेक्नोलॉजिकल टेक्नोलॉजी अफेयर्स जो भी रहते हैं वहाँ पर कौन कोऑर्डिनेट करता है प्राइम मिनिस्टर कोऑर्डिनेट करता है ताकि हर काम स्मूथली हो जाए ठीक है रेजिग्नेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर द प्राइम मिनिस्टर रेजिग्नेशन इंप्लाइज द रेजिग्नेशन ऑफ द होल कैबिनेट अगर प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करता है तो पूरा कैबिनेट रिजाइन कर देता है ठीक है प्राइम मिनिस्टर इन साइड द पार्लियामेंट। वॉट हाँ अब आता क्या है हाँ मिनिस्टर इन साइड द पार्लियामेंट प्राइम मिनिस्टर इन साइड द पार्लमेंट लीडर ऑफ द लोकसभा जैसा का पता है प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो लीडर ऑफ द लोकसभा ठीक है एज द प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन द पार्लियामेंट ही इज एट द लीडर ऑफ द हाउस ठीक है स्पोक्स पर्सन ऑफ द गवर्मेंट द प्राइम मिनिस्टर इज इज द चीफ स्पोक्स पर्सन टू द गवर्मेंट इन द पार्लियमेंट हेक्स ऑल इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स ऑन नेशनल पॉलिसीज ऑन ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस जितना भी स्पोक्स जितना भी गवर्नमेंट का जो भी डिसीजन है जो भी जितना भी चीज़ आते हैं उसका स्पोक्स पर्सन कौन है प्राइम मिनिस्टर साहब है ठीक है ही मेक्स इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जितने भी अनाउंसमेंट होते हैं नेशनल पॉलिसीज या फिर जो कंट्री के लिए जो भी पॉलिसीज लिए जाते हैं कौन अनाउंस करता है पार्लियामेंट के सामने प्राइम मिनिस्टर सर अनाउंस करते हैं ठीक है डिफेंडर ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसीज द प्राइम मिनिस्टर डिफेंड द गवर्नमेंट इन द पार्लियामेंट प्राइम मिनिस्टर क्या डिफेंड करते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज को वैन अ पॉलिसी और अ मिनिस्टर कम्स अंडर अटैक इन द पार्लियामेंट द प्राइम मिनिस्टर कम्स टू डिफेंड द इशू इन्वॉल्व ठीक है जब कोई मिनिस्टर और मिनिस्टर या फिर कोई पॉलिसी जब अटैक होता है मतलब कोई भी मिनिस्ट्री या फिर उसके पॉलिसी पर अगर अटैक करता है अपोजिशन तो उसे कौन डिफेंड करने आता है प्राइम मिनिस्टर डिफेंड करने आता है ठीक है अब आता है इंटरवेंशन इन द केस ऑफ कंट्रवर्शियल इशूज देर आर सम कंट्रवर्शियल इशूज लाइक लैंग्वेज इशू स्टेट सेंटर रिलेशन प्राइस राइस एंड अट्रोसिटीज ऑन वुमेन ओवर मेम्बर्स लूज द टेम्पर ठीक है यहाँ पे जो कंट्रोवर्शियल इशू जब लैंग्वेज का इशू आ जाता है या फिर स्टेट सेंटर रिलेशन बिटवीन रिलेशन आ जाता है प्राइस राइस आ जाता है अट्रॉसिटी वुमेंस पे जो अत्याचार होते हैं उस पर कौन आता है मेंबर्स लूज द टेंपर हो जाते हैं तो यहाँ पे कौन आता है पार्लिय प्राइम मिनिस्टर जो आते हैं वो आते हैं रोकने इफ़ एन अगली सिचुएशन अराइजेज इन एनी ऑफ द हाउस द मैटर जनरली एंडरवे इंटरवेंशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर जब भी कोई मैटर बहुत खराब हो जाता है देखो जैसे यहाँ पे दिया अगली सिचुएशन जनरेट हो जाता है जब मिनिस्टर अपना टेंपर खो देते हैं या फिर चिल्ला चिल्ली बहुत जाता है सिचुएशन हो जाता है तो वहां पर प्राइम मिनिस्टर को इंटरवेंट करना पड़ता है प्राइम मिनिस्टर को आना पड़ता है ठीक है बिकॉज ही इज द सुप्रीम हेड ऑफ द कंट्री ठीक है प्राइम मिनिस्टर एज द लीडर ऑफ द नेशन ठीक है द प्राइम मिनिस्टर रिप्रेजेंट द नेशन प्राइम मिनिस्टर रिप्रेजेंट करता है किसको नेशन को वन ही स्पीक्स द होल नेशन इज सपोज टू बी स्पीकिंग थ्रू हिम जब वो बोलते हैं तो एक्चुअली वो पूरे देश का जबान बनते हैं मान लो अमेरिका में जाकर कुछ बोलते हैं तो वो एक्चुअली पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं ड्यूरिंग अ नेशनल क्राइसिस लाइक वॉर इवन द अपोजिशन पार्टी सपोर्ट द प्राइम मिनिस्टर वॉर के टाइम जो क्या होता है अपोजिशन पार्टी तक प्राइम मिनिस्टर को सपोर्ट करते हैं द प्राइम मिनिस्टर डिसाइड्स वॉट काइंड ऑफ रिलेशन इंडिया वुड हैव विद अदर कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करते हैं कि दूसरे देशों से हमारा कंट्री का क्या रिलेशन रहेगा कौन डिसाइड करता है प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करते हैं द प्राइम मिनिस्टर ट्राइज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट इन द ऑफ द कंट्री इन इंटरनेशनल फोरम्स जो भी हमारे कंट्री का जो भी इंट इंटरेस्ट होते हैं हमारे कंट्री में जो भी कंट्री के लिए जो भी कुछ अच्छा होता है वो कौन उसे डिपेंड करता है उसे कौन मतलब प्रोटेक्ट करता है इंटरनेशनल फोरम में प्राइम मिनिस्टर करते हैं ठीक है मान लो कोई भी हमारे कंट्री का मजाक उड़ा दिया या फिर कोई कंट्री में कुछ बुराई कर दिया या फिर हमारे कंट्री को रिप्रजेंट जब करने का है तो कौन करता है प्राइम मिनिस्टर करता है ठीक है ही डिस्कस मैटर्स ऑफ mutual इंटरेस्ट विद अदर लीडर्स जितने म्यूचुअल इंटरेस्ट जो भी रहते हैं कौन किससे लीडर्स से जो डिस्कस करता है कौन करता है प्राइम मिनिस्टर करता है कीपिंग द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया इन माइंड मान लो बराक ओबामा से, से बात करने गए या फिर डोनाल्ड ट्रंप या फिर जो बाइडेन से बात करने गए तो उन्हें यहाँ यही माइंड सेट रखना पड़ता है कि मैं जो भी डिसाइड डिसाइड डिसीजन लूँगा वो मेरे कंट्री के कंट्री के लिए होना चाहिए ठीक है वो हमारे कंट्री के लिए बेनिफिशियल होना चाहिए ठीक है एट द टाइम ऑफ जनरल इलेक्शन इट इज़ द इट इज़ द प्रपोज प्राइम मिनिस्टर फॉर होम और अगेंस्ट होम द पीपल वोट ठीक है जनरल इलेक्शन का टाइम में क्या होता है जो प्रपोज मान लो जैसे मोदी जी को दिया गया कि वो प्राइम मिनिस्टर के लिए लड़ रहे तो एक्चुअली वह या तो उनके लिए लोग वोट करते हैं या फिर उनके अगेंस्ट कोई वोट करते हैं उन, उनके अगेंस्ट लोग वोट करते हैं ठीक है ये पॉइंट ये कहना चाहता है फॉर होम और फॉर अगेंस्ट होम द पीपल वोट प्राइम मिनिस्टर इज ऑल्सो द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग एंड एटोमिक एनर्जी कमीशन जो प्राइम मिनिस्टर रहते हैं वो और भी किसी चीज़ के हेड रहते हैं नीति आयोग जहाँ पे जो पॉलिसीज मेकिंग जो होता है पॉलिसी मेकिंग जो ग्रुप होता है उसका हेड रहता है और जो एटॉमिक एनर्जी कमीशन जो एटॉमिक बॉम्ब होता है ना उसका जो हेड रहता है कौन रहता है प्राइम मिनिस्टर साहब रहता है ठीक है ये पूछ सकता है कि एटॉमिक एनर्जी कमीशन का कौन इंचार्ज है प्राइम मिनिस्टर है जैसे बहुत सारे कंट्री में डिफेंस मिनिस्टर के पास देखना एटम बॉम्ब एटम बॉम्ब का स्विच रहता है किसी कंट्री में प्रेजिडेंट के पास एटम बॉम्ब का स्विच रहता है हमारे पास किसके पास रहता है प्राइम मिनिस्टर साहब के पास रहता है एटम बॉम्ब का स्विच ठीक है चेक ऑन द अथॉरिटीज़ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर कैसे चेक किया जाता है भाई वो भी तो इंसान है गलती कर सकते हैं कौन चेक करेगा थ्रू द प्राइम मिनिस्टर इज दो द प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द मेजारिटी पार्टी ही हैज़ टू इंश्योर द सपोर्ट ऑफ इज मिनिस्टर एज वेल एज द पार्टी जब प्राइम मिनिस्टर जो है लीडर ऑफ द मेजारिटी पार्टी लेकिन उनको ये ध्यान रखना पड़ता है कि जितने भी उनके मिनिस्टर्स हैं उनके सपोर्ट में है कि नहीं है क्योंकि अगर सपोर्ट हटा लेते तो सरकार गिर जाती है तो उन्हें वो ध्यान रखना पड़ता है ठीक है In case of a coalition, when the Prime Minister does not enjoy as absolute majority in the Lok Sabha, his position becomes more vulnerable. जब देखता है कि एक पार्टी से बीजेपी है उनके पास मेजोरिटी नहीं है तो क्या कर तीन चार पार्टी को मिला के अपने फॉर्म करते हैं सरकार जब देखते हैं अगर ऐसा कंडीशन आता है कि जब एक जोरदार सरकार नहीं है फिर एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट नहीं बना है तो वहाँ पर क्या होता है प्राइम मिनिस्टर का जो वैल्यू रहता है उसका जो डिसीजन रहते वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं देता है क्योंकि मान लो जो सेकेंड पार्टी वो बोले भाई मैं आपका क्यों सुनूँ और ऐसा हो भी सकता है कि मैं आपका नहीं सुनूंगा अगर आप मेरे कंडीशंस को फुलफिल नहीं करोगे मैं अपना सरकार मैं अपना सपोर्ट खींच लूँगा आपका सरकार नीचे गिर जाएगा तो वहाँ प्रेजिडेंट को क्या करना पड़ता है उसकी बात भी सुननी पड़ती है ठीक है द प्रोसेस एंड पब्लिक ओपिनियन एक्ट एज अफेक्टिव चेक्स ऑन द प्राइम मिनिस्टर्स अथॉरिटी प्रेस सॉरी प्रेस एंड पब्लिक ओपिनियन जितने भी टी वी प्रेस होते हैं या फिर जो पब्लिक ओपिनियंस रहते हैं वो चेक करते हैं प्राइम मिनिस्टर की अथॉरिटी के भाई प्राइम मिनिस्टर आज कुछ गलती करता है तो उसे कौन बोलता है प्रेस टी वी पर दिखा देगा पब्लिक गुस्सा हो जाएगा वोट नहीं करेंगे ठीक है समझ गए सिस्टम चलो ऑलमोस्ट चैप्टर खत्म होने वाला है कलेक्टिव रिस्पॉसिबिलिटी ठीक है प्रिंसिपल कलेक्टिव रिस्पॉसिबिलिटी क्या क्या है द डिसीजन टेकन इन द मीटिंग्स ऑफ द कैबिनेट आर इक्वली एप्लीकेबल टू ऑल द मिनिस्टर्स इवन दो दे में डिफर अमंग दम सेल्स ऑन अ पर्टिकुलर पॉलिसी जब कोई मीटिंग uh, कैबिनेट लेता है कैबिनेट या फिर उसके इक्वल लेवल पर लेता है तो जितने मिनिस्टर्स होते हैं उन्हें बॉन्ड है कि भाई वो एक्सेप्ट करे चाहे वो आपको उसमें चाहे वो आपको सही लगे या ना लगे कैबिनेट या प्राइम मिनिस्टर जब अप्रूव कर दिए तो आपको मानना पड़ेगा ठीक है ऑल द मिनिस्टर्स ज्वाइंटली शेयर द रिस्पांसिबिलिटीज फॉर द गवर्नमेंट्स पॉलिसी एंड परफॉर्मेंस ठीक है जितने भी मिनिस्टर्स रहते हैं जॉइंटली रिस्पांसिबल रहते हैं पॉलिसीज और परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्मेंट के द मिनिस्टर्स मैज फंक्शन एज अ टीम इन सपोर्टिंग एंड डिफेंडिंग द गवर्मेंट पॉलिसीज इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड द पार्लियामेंट जो मिनिस्टर्स uh, होते हैं उन्हें किसी एज अ टीम फंक्शन करना रहता है ताकि जो पॉलिसीज और पॉलिसीज रहती है उसको सपोर्ट करे डिफेंड करें चाहे वो पार्लियामेंट में हो या पार्लियामेंट के बाहर हो ठीक है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस अगेंस्ट वन मिनिस्टर इज अ वोट ऑफ कॉन्फिडेंट वोट ऑफ इज़ अ वोट अगेंस्ट द होल मिनिस्ट्री ठीक है अगर एक मिनिस्टर के ऊपर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो आता है तो एक्चुअली पूरे सरकार के ऊपर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो आता है सच मिनिस्ट्री हैजट हैज़ लॉस्ड द कॉन्फिडेंस इन द लोकसभा हैज टू रिजाइन जैसे ही वो मिनिस्ट्री के अगेंस्ट लोकसभा नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है उन्हें रिज़ाइन करना पड़ता है ठीक है हमारा लास्ट टॉपिक आता है मुँह दर्द कर गया चलिए इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर इंडिविजुअली रिस्पांसिबल टू द देंट ठीक है ministries किसको है प्रेजिडेंट इज दे हैव दे होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेजेंट एंड मे बी डिस्मिस्ड बाय हिम ऑफ कोर्स ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इवन दे हैव द कॉन्फिडेंस इन द लेजिस्लेचर ठीक है जो भी मिनिस्टर्स रहते हैं वो कब वो किसको रिस्पॉन्सिबल करते हैं आप किसको एड्रेस करते हैं प्रेजिडेंट को करते हैं ठीक है दे होल्ड द ऑफिस हाँ द होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्रेजर ऑफ़ द प्रेजीडेंट एंड मे डिसमि बाय हिम जो मिनिस्टर्स रहते हैं वो कब तक इन्जॉय करते जब तक प्रेजिडेंट है वहाँ पर क्योंकि पाँच साल पाँच साल दोनों का टेन है कौन डिसमिस करता है प्रेजिडेंट डिसमिस करता है ऑन एडवाइस ऑफ होम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ठीक है चाहे वो उनके पास कॉन्फिडेंस हो या ना हो तब भी प्रेसिडेंट उन्हें हटा सकता है प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस के थ्रू ईच मिनिस्ट्री इज आंसरेबल टू द पार्लियामेंट फॉर द डिपार्टमेंट और अंडर हिज कंट्रोल हर मिनिस्ट्री को आंसर देना पड़ता है जैसा रेल मिनिस्ट्री है उनको आंसर देना पड़ता है भाई रेल का टाइमिंग स्लो क्यों है रेल का टाइमिंग खराब क्यों है या फिर रेल में इतना एक्सीडेंट्स क्यों हो रहे हैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगा तो फाइनेंस मिनिस्टर को आंसर करना पड़ेगा ठीक है जो भी मिनिस्टर रहता है अपना डिपार्टमेंट का उन्हें आंसर करना पड़ता है इट इज़ ऑब्लगेटरी फॉर हिम टू आंसर ऑल द क्वेश्चन आस्क बाय द एम पीज रिगार्डिंग द फंक्शनिंग ऑफ हिस डिपार्टमेंट ये मतलब ऑब्लिगेटरी इन द सेंस क्या होता है कंपलसरी है जो भी एम उन्हें उनसे सवाल पूछते हैं ये उनका काम बनता है कि भाई उन्हें हर किसी को हर चीज़ का जवाब दे कि भाई एक बंदा पूछता है आज फाइनेंशियल इतना प्रॉब्लम्स क्यों है तो उसको आंसर देना पड़ता है दूसरा पूछता है भाई जॉब्स का प्रॉब्लम इतना क्यों है उसको आंसर करना पड़ता है जो भी एम क्वेश्चन पूछेंगे उस डिपार्टमेंट को बॉन्ड टू आंसर इट कि क्यों वाई ठीक है चलो एवरी मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैटर सच एस पर्सनल लेप्स जितने पर्सनल जो भी पर्सनल प्रॉब्लम्स है होते हैं पर्सनली क्यों रोक के रखे हैं पर्सनल जो प्रॉब्लम्स है क्यों है डिपार्चर फ्रॉम ऑफिशियल पॉलिसी बाय हिम और बाय हिज डिपार्टमेंट एक पॉलिसी लाए है अचानक उस पॉलिसी को वापस कर ले तो क्यों ले लिए आप लाए क्यों टाइम क्यों वेस्ट किए तो उस पर उसका आंसर देना पड़ता है ब्रीच ऑफ ओथ ऑफ सीक्रेसी ऑन ऑन सो ऑन मान लो जो भी सीक्रेसी होता है हमारे पार्लियामेंट का हमारे कंट्री का अगर उसे लीक करता है तो वो पे क्यों करता है उसका आंसरेबल है ठीक है देर आर मेनी ओकेजनस वन द मिनिस्टर्स है हेज ओन रिस्पांसिबिलिटी फॉर द मिस्टेक्स ऑफ शॉर्ट कमिंग्स ऑफ द डिपार्टमेंट अंडर हम एंड रिजाइन फ्राम हिस् पोल ऐसा बहुत बार हुआ है कि ऐसे जो मिनिस्टर है गलती नहीं हुआ लेकिन उसके अंडर जो डिपार्टमेंट है उसका गलती के चलते उसे रिजाइन करना पड़ा हो ठीक है तो यहाँ पर हमारा प्राइम मिनिस्टर एंड इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चैप्टर खत्म हो जाता है ठीक है आई होप आपको वीडियो अच्छा लगाओ ठीक है मैंने एक गो में वीडियो कम्प्लीट कर दिया है एंड अच्छे से पढ़ा है मैंने हर लाइन आपको एक्सप्लेन किया अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम होता है कुछ पार्ट नहीं समझ आता कमेंट सेक्शन में सीधे बम फेंक दीजिए ठीक है और हमारा टेलीग्राम चैनल अभी भी खुला हुआ है आप वहाँ पर आइए डायरेक्ट मुझसे आप इंटरेक्ट कर सकते हैं ठीक है हमारा वेबसाइट आ चुका है और हम लाइव क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं कल शायद हमारा डेमो क्लासेस है उसका मैं लिंक उसका भी लिंक मैं डाल दे रहा हूँ टेलीग्राम ज्वाइन जोई, ग्रुप ज्वाइन करिए एनरोल करिए ख़ुद को और लाइव क्लास खुद अनिरुद्ध सर से पढ़ने का मौका पाइए जो कि इतने हमारे मैथ्स इतने फेमस मैथ्स टीचर यूट्यूब पर है उनसे डायरेक्ट फेस टू फेस पढ़ने का मौका पाइए ठीक है एट अ वेरी चीप प्राइस एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस ठीक है I hope you like the video. Please do like, share, and subscribe our channel. And love you all. God bless you. So, hello, guys, welcome to YouTube channel Genius Classes. Uh, आज का ये वीडियो आपका प्रेजिडेंट चैप्टर के ऊपर है प्रेजिडेंट वाइस प्रेजिडेंट चैप्टर ऑफ क्लास टेन के ऊपर है ठीक है और बिना किसी देरी के कि हम जस्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं ताकि जल्दी जल्दी हम लोग अपना वीडियो कंप्लीट करें एंड हम मुझे अपना सिलेबस भी कंप्लीट करना है ताकि आपके एग्जाम्स के पहले मैं जितना मैक्सिमम हो सके उतना वीडियोस ला सकूं ठीक है तो इसलिए ज़्यादा मैं कुछ बोल रहा नहीं जस्ट वही चीज़ है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और चैनल प्लीज़ वीडियोज़ को शेयर करिए ठीक है प्लीज़ शो योर लव प्लीज़ प्लीज़

जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव एक्जीक्यूटि पावर्स जो है वो आपको किसको दिया गया है प्रेज को दिया गया है ठीक है ही एक्सरसाइजेज दिस पावर आई दर डायरेक्टली और थ्रू ऑल ऑफिसर्स ऑफ द यूनियन हु आर हिज सबॉर्डिनेट्स जो एग्जीक्यूटिव पावर्स है या तो प्रेजिडेंट खुद उसे एक्सरसाइज करते या फिर उनके अंडर जो आई ए एस आई जो भी ऑफिसर्स रहते हैं ना जितने भी ऑफिसर रहते हैं या फिर उनके द्वारा वो ऑफिसर्स से काम करवाते हैं ठीक है एक्सरसाइज पावर्स को चलो द प्रेजिडेंज द हेड ऑफ द स्टेट एंड द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेज ऑफ इंडिया स्टेट इन द सेंस यहाँ कंट्री का बात हो रहा है ठीक है प्रेजिडेंट कौन है हेड ऑफ़ द कंट्री है और जो तीनों आर्म फोर्सेज है आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स इन तीनों का तीनों का जो कमांडर है कौन है वो प्रेजिडेंट है ठीक है द प्रेजिडेंट एक्सरसाइजेज इज पावर ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्रेजिडेंट पावर अपना किससे एक्सरसाइज करते हैं प्रेज प्राइम मिनिस्टर का एडवाइस और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो एडवाइस रहेगा उसके थ्रू अपना पावर्स को एक्सरसाइज करता है ठीक है द कंस्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दट देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द प्राइम मिनिस्टर एज एट द हेड टू एड एंड एडवाइज द प्रेजिडेंट इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज और हर फंक्शंस ये बहुत अच्छा पॉइंट है ये पॉइंट कहता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया है जो कि हेड है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स दिया गया है जो कि प्रेसिडेंट को हेल्प करेगा उनका एक्सरसाइज और या फिर उनका ड्यूटीज़ को पूरा करने में ठीक है अकॉर्डिंग टू द फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट इट इज़ नेसेसरी फॉर द प्रेजिडेंट टू एक्सरसाइज हिज और हर फंक्शंस इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ये कहाँ पर दिया गया फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट जो है उसमें दिया गया है कि प्रेजिडेंट को कि आपको जो भी काम है वो आप प्रेजिडेंट प्राइम मिनिस्टर या फिर कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से एडवाइस लेके आप करोगे ठीक है ये था फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट में लिखा हुआ है चलिए अब आता है क्वालिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्वालिफिकेशंस क्या क्या है प्लीज ध्यान से सुनिएगा पहला है सिटीजन ऑफ इंडिया ठीक है सेकंड है थर्ड थर्टी फाइव ईयर्स ऑफ एज मिनिमम होना चाहिए उसके ऊपर हो सकता है बट नॉट लेस देन थर्टी फाइव ईयर्स ऑफ एज सी है क्वालिफाइड एज एन क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ अम्बर ऑफ लोकसभा लोकसभा का मेबर के लिए क्वालिफाइड होना चाहिए अगर आपको नहीं पता क्वालिफिकेशन ऑफ लोकसभा का मेंबर्स क्या है तो प्लीज़ uh, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ मेरा उस वीडियो में चल जाइएगा यूनियन पार्लियामेंट का वहाँ पर मैंने आपको डिटेल्स में अच्छे से समझा चुका हूँ ठीक है क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए प्लीज़ उस वीडियो को देखिएगा एंड शेयर करिएगा चलिए अ पर्सनस आर नॉट बी एलिजिबल फॉर फॉर इलेक्शन एज प्रेजिडेंट इफ़ ही होल्ड्स एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट और अंडर एनी लोकल और अदर अथॉरिटी सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ एनी ऑफ द एनी ऑफ द सेट गवर्नमेंट्स ये पॉइंट कहता है कि एक पर्सन है वो एलिजिबल नहीं हो सकता प्रेजिडेंट कब जब वो कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट रखता है कहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर कोई भी गवर्नमेंट के अंडर अगर वो कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इन देंस कि मान लो कोई जॉब करता है या फिर कुछ भी करता है वो नहीं कर सकता वो उन्हें हर जगह से रिज़ाइन देना पड़ेगा ताकि पूरा क्लीन हो जाए तभी वो प्रेजिडेंट के लिए एलिजिबल हो सकता है ठीक है अब मान लो मैं रेलवेज़ में काम करता हूँ फिर मुझे प्रेजिडेंट का इलेक्शन लड़ना है मैं नहीं कर सकता हुँ. मुझे वहाँ से रिज़ाइन करना पड़ेगा ठीक है I can't hold an office of profit. However, a person is not deemed to hold an office of profit by reasons only that he is president or vice president or a minister, either for the union or the state. वो person को कब ऐसा बोला जाता है कि आपका hold नहीं कर सकते? जब आप president, vice president या council of uh, any other minister, आप जब होते चाहे वो central हो या state हो, अगर आप इस चीज़ के लिए होते हैं तो आप कभी भी office of profit नहीं hold कर सकते, ठीक है? इसीलिए any person who hold or has held the office of ऑफिस एज प्रेजिडेंट शैल बी एलिजिबल फॉर री इलेक्शन दैट ऑफिस सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजन्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप प्रेजिडेंट का ऑफिस होल्ड करते हो या फिर आप प्रेजिडेंट का ऑफिस होल्ड करते थे तब भी आप री इलेक्शन में जरूर खड़ा हो सकते हो ठीक है ये पॉइंट यही कह सकता है जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोसेस है उसके थ्रू ठीक है चलो कॉम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रल इलेक्टोरल कॉलेज जो इलेक्ट करते हैं उनका क्या, क्या कौन कौन रहता है उसमें आई देखते हैं इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट सिंपल सा बात है लोकसभा राज्यसभा का दोनों के मेबर्स होने चाहिए इलेक्टेड मेबर्स नंबर टू द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव अम्बलीज ऑफ द स्टेट इंक्लूडिंग नेशनल कैपिटल टेरेटरी ऑफ डेली एंड यूनियन टेरेटरी ऑफ पुडुचेरी ये पॉइंट कहता है देखो हमेशा याद रखना प्रेजिडेंट का जो इक्शन रहता है वो कौन करते हैं एम एल एज करते हैं मेम्बर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली करते हैं ठीक है थे? तो इलेक्टेड मेंबर्स कहाँ के होने चाहिए लेजिसलेटिव असेंब्बलीस के होने चाहिए कहाँ कहाँ के स्टेट्स के इंक्लूडिंग नेशनल दिल्ली के होने भी चाहिए और जितने भी यूनियन टेरेटरीज है जैसे पुडुचेरी वगैरह सबके होने चाहिए वहाँ पर ठीक है चलो यहाँ पे नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ आइदर द ऑफ आइदर हाउस ऑफ एलि ऑफ़ पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबलीज आर नॉट एलिजिबल टू बी इंक्लूडेड इन द इलेक्टोरल कॉलेज समझे जो भी नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं जैसे राज्यसभा में जो ट्वेल्व नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं वो और जो एंग्लो इंडियन जो मेंबर्स होते हैं ना नॉमिनेटेड दो मेंबर्स जो होते हैं लोकसभा में ये लोग वोट नहीं कर सकते हैं ठीक है ये इनको वोट वोटिंग का पावर नहीं दिया गया है प्रेजिडेंट के लिए ठीक है चलो hmm. अब आता है प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट विल हैव टू प्रपोज बाय फिफ्टी मेंबर्स ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज एम पीज एमएलए सेकेंडेड बाई द तो ये जो पॉइंट आपका एग्जाम में नहीं आने वाला ठीक है आपका जो कंपोजिशन आएगा वन और टू पॉइंट जो है ये दो तो आप पढ़ सकते हो आएगा क्वेश्चन ऐसे आएगा कि हु इलेक्ट्स द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया तो आपको लिखना पड़ेगा एम एल एज ठीक हैजिस्लेटिव असेंबली कहाँ कहाँ के ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरीटरीज इंक्लूडिंग दिल्ली ठीक है ये पॉइंट एक इंपॉर्टेंट है बोथ द मेंबर्स ऑफ द हाउस पार्लियामेंट इंपॉर्टेंट है बाकी ये जो पार्ट है ये आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा सो so मैं ऐसे स्किप कर रहा हूँ डोंट हैव टू स्टडी ये नहीं पूछेगा फिर मैनर ऑफ़ इलेक्शन जो है ये कभी एग्जाम में नहीं आएगा ठीक है ये सम्स करने कभी एग्जाम में नहीं आएगा ठीक है एंड दिस क्वेश्चन एज सिंगल ट्रांसफरेबल वोट ये एग्जाम में नहीं आने वाला कभी भी एग्जाम में आपका ये तीन पॉइंट नहीं आएगा ठीक है ये मेरी गारंटी है प्लीज इसे स्किप कर देना टाइम वेस्ट मत करना ठीक है? जो आएगा एग्जाम में सिर्फ उसे पढ़ना है ताकि फ्रूटफुल हो फायदा आया ठीक है चलो अब मेन पॉइंट आता है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है रीजनज फॉर इनडायरेक्ट इलेक्शन अब आप भी पूछते होंगे सर हम उसे डायरेक्ट इलेक्ट क्यों नहीं करते आइए पढ़ते क्यों नहीं इलेक्ट करते इफ द प्रेजेंट वॉज टू बी डिकलेयर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल ही कुड बिकम अ राइवल सेंटर ऑफ पावर टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स दिस वुड बी अगेंस्ट द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एज जवाहरलाल नेहरू सेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली असेंबलीट्यूंट असेंबली दैट वी कुड नॉट हैव अ डायरेक्टली इलेक्टेड प्रेजिडेंट एंड नॉट गिव हिम रियल पावर्स देखो मैं आपको समझाता पॉइंट क्या कहना चाहता हूँ बहुत अच्छा पॉइंट है आप भी पूछते होंगे सर हम डायरेक्ट इलेक्ट क्यों नहीं करते प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट हमारे लीडर है प्रेजिडेंट कंट्री के हेड है हम उसे इलेक्ट क्यों नहीं करते हमारे हम जो पब्लिक है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को आप इलेक्ट कर, तो करते हो हम इलेक्ट करते वोट दे ठीक है देखो मैंने वोट दिया हुआ है फर्स्ट टाइम तो प्राइम मिनिस्टर को हम लोग इलेक्ट करते हैं ठीक है तो अगर हम भी प्रेजिडेंट को भी इलेक्ट करने लग गए तो फिर प्राइम मिनिस्टर और प्रेजिडेंट में डिफरेंस क्या रहा दोनों को तो पीपल इलेक्ट कर रहे हैं ना तो डिफरेंस कहाँ रहा अगर प्रेसिडेंट को भी रियल पावर्स दे दिया जाए जैसे कि प्राइम मिनिस्टर को है तो फिर दोनों में तो कन्फ्लिकट हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर बोलेगा मुझे ये करना है प्रेसिडेंट बोलेगा नहीं ये सही नहीं है तो उसमें क्या वो कन्फ्लिक्ट हो जाएगा तो पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो हुआ नहीं फिर झगड़ा होने लग जाएगा इसीलिए जवाहरलाल नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू सर कहते थे कि हम लोग डायरेक्टली ले इलेक्टेड प्रेजिडेंट नहीं रख सकते या फिर उन्हें गिवन पावर नहीं दे सकते अगर ऐसा हुआ तो फिर प्रेजिडेंट और प्राइम मिनिस्टर में तो कन्फ्लिक्ट हो जाएगा ना या काउंसिल ऑफ़ मिनिस्टर्स में कन्फ्लिक्ट हो जाएगा सर मुझे काम करने दे रहा नहीं है वो बोलेगा ऐसा गलत है ये बोल रहा है वो गलत है बात समझे इसीलिए इसीलिए और देखो प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो की रोल प्ले करते क्योंकि उन्हें हम इलेक्ट करते हैं और प्रेजिडेंट को एम एल करते खुद में इलेक्ट होते हैं तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और जिसे हम इलेक्ट करें वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना क्योंकि तो पब्लिक इलेक्ट कर रही है ठीक है क्लियर रखिएगा ये बात को चलिए सिंस द मेंबरशिप ऑफ द टू हाउस ऑफ पार्लियामेंट वाज लाइकली टू बी डोमिनेटेड बाय वन पार्टी इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट मियरली बाय अ मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ द यूनियन पार्लियामेंट कुड मेक हिम अ नॉमिनी ऑफ द रूलिंग पार्टी लाइक द प्राइम मिनिस्टर देखो अगर सिंपली अगर ऐसे मतलब अगर हम जो विनिंग पार्टी है उससे अगर हम चूज़ करते प्रेजिडेंट को तो ऑब्वियस अब है वो ही वो एक विनिंग पार्टी का नॉमिनी बन जाता है यहाँ पे कोई किसी का मर्जी से फिर होता नहीं जैसे मुझे मान लो एक व्यक्ति जो बना प्रेसिडेंट वो पसंद नहीं है क्योंकि वो फिर भी वो बन गया क्यों क्योंकि वो विनिंग पार्टी का था ऐसे तो, तो नहीं ना चल सकता आपको हर किसी का परमिशन लगता है हर किसी का वोटिंग लगता है मेजोरिटी वोट से अगर वो बंदा सच में डिजर्व करता है टू बी द प्रेजिडेंट देन ओनली ही शुड होल्ड द ऑफिस जस्ट बिकॉज वो पार्टी जीत गई है और उन्हें हम प्रेजिडेंट बना दें तो वैसे तो फिर तो गलत हो गया ना बिकॉज ही इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ़ द कंट्री सुप्रीम हेड ऑफ़ द कंट्री तो यहाँ पे क्या होता है एम जितने होते हैं वो लोग वोट करते हैं यहाँ पे विनिंग पार्टी से हम लोग इलेक्ट नहीं करते हैं तो वो तो एक नॉमिनी बन गया विनिंग पार्टी का ठीक है चल जैसे कि प्रेजिडेंट जैसे कि प्राइम मिनिस्टर है विनिंग पार्टी का हेड हो गया वो सच प्रेजिडेंट को नॉट रिप्रेजेंट द कंस्टिट्यूंट स्टेट ऑफ द यूनियन वैसा प्रेजिडेंट कभी भी पूरे कंट्री को नहीं चला पाएगा नहीं संभाल पाएगा ठीक है चलो द प्रेजिडेंट इज इलेक्टेड बाई द इलेक्टोरल कॉलेज इलेक्टोरल कॉलेज मतलब होता है जो जो वहाँ पर रहते हैं जो है। In India, कि इलेक्ट करते हैं इन इंडिया द इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्ट ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड द लेजिलेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट जैसे कि कहा दोनों में बोध द हाउसेज मेबर्स ऑफ बोथ द हाउस एंड द एम एल एज मेंबर्स ऑफ लेजिबलीफ द स्टेट्स सच एंडक्टोरल कॉलेज वुड मेक द प्रेजिडेंट दिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल नेशन would a clear voice given to the state as well. देखो हाँ यहाँ पे क्या होता है जब दोनों हाउस के मेंबर्स वहाँ पे आपको इलेक्ट करते हैं तो क्या होता है आप पूरे नेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जब एम भी आपको वोट करते तो एम एल एज़ के होते हैं स्टेट्स के होते हैं तो अगर जब एम भी आपको वोट करते तो आप इससे क्या करते हैं आप यूनियन को भी रिप्रेजेंट किया स्टेट को भी रिप्रेजेंट किया क्योंकि आपको बोध द हाउसेस के मेम्बर्स भी जो लोकसभा राज्यसभा के मेबर्स भी आपको इलेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे आपका सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया यूनियन गवर्नमेंट हो गया और स्टेट गवर्नमेंट से जो एम आते हैं वो भी तो आपको वोट कर रहे हैं तो आप इससे क्या होता है कि आप क्लियर वॉइस बन जाते हैं किसका एम का भी बन जाते हैं और एम MP, पी का भी बन जाते हैं इसका मतलब है कि आप अपर एंड लोअर हाउस बोथ मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का भी वॉइस बन जाते हैं और स्टेट से जो एम एल एज इलेक्ट हुए हैं उनका भी आप वॉइस बन जाते हो ठीक है ये पॉइंट है चलो ठीक of है चलिए टर्म ऑफ ऑफिस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है द प्रेजिडेंट शैल होल्ड एन ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ फाइव ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस पाँच साल फाइव ईयर और इससे ज़्यादा कुछ पूछेगा नहीं ही शेल कंटिन्यू टू होल्ड द ऑफिस ना नॉट विद स्टैंडिंग द एक्सपायरी ऑफ इस अंटिल द सक्सेसर टेक्स द चार्ज सिंपल सा बात है और टर्म होगा प्रेजिडेंट का फाइव ईयर्स का होगा ठीक है और वो कब तक अपने ऑफिस में बैठ सकते हैं जब तक कि एक नया उनका सक्सेसर जो ऑफिस में चार्ज ना ले ले तब तक क्योंकि वैकेंट नहीं रख सकता आपको भी ऑफिस ही इज़ द प्रेजिडेंट वो कोई क्लर्क व्लर्क नहीं है जो आप वैकेंट जो हटा दो भाई नौकरी से निकाल दिया ऐसा नहीं होता ठीक है प्रोसीडियर ऑफ इम्पीचमेंट क्या क्या है आइए पढ़ते हैं डायरेक्ट पॉइंट्स में आए हम लोग डायरेक्ट विदाउट वेस्टिंग और टाइम डायरेक्ट पॉइंट्स में आगे एग्जाम okay, में बहुत टाइम बहुत कम टाइम बचा हुआ है रेजोल्यूशन विच इज मूवड आफ्टर अ अट एट लीस्ट फॉर फोर्टीन डेज नोटिस इन राइटिंग साइन बाई नॉट लेस देन वन फोर्थ और टोटल नंबर ऑफ मेम्बर्स इन द हाउस देखो अब अगर एक प्रेजिडेंट है जो कि अपना ड्यूटी ठीक से नहीं कर रहा कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रेक कर रहा था क्या होगा फोर्टीन डेज पहले वन फोर्थ क्या दिया है? हाँ मिनिमम वन फोर्थ जो मेंबर्स ऑफ द बुद्ध हाउसेस हैं बौद्ध हाउसेस है वहाँ पे क्या करेंगे एक रेजोल्यूशन पास करेंगे कब फोर्टीन डेज पहले देने का मतलब जो उन्हें कन्वे करना उसके फोर्टीन डेज पहले मिनिमम वन फोर्थ ऑफ़ द टोटल नंबर ऑफ मेम्बर्स एक रेजोल्यूशन पास करेंगे किसके अगेंस्ट द तो प्रेजिडेंट के अगेंस्ट ठीक है हटाने के लिए ठीक है एंड द रेजोल्यूशन इज पास बाई मेजॉरिटी नॉट लेस दैन टू थर्ड ऑफ द टोटल मेंबर्सिप ऑफ द हाउस देखो रेजोल्यूशन मतलब रेजोल्यूशन को स्टार्ट करने के लिए वन फोर्थ मेंबर्स चाहिए टोटल मेंबर्स के और रेजोल्यूशन को पास करने के लिए टू थर्ड मेम्बर्स चाहिए बोथ द हाउसेज का क्लियर क्लियर हुआ इम्पीचमेंट में क्या है कि एक रेजोल्यूशन एक रेजोल्यूशन को लिखा जाएगा एक रेजोल्यूशन स्टार्ट किया जाएगा मान लो स्टार्ट किया जाएगा कब फोर्टीन डेज पहले प्रायर नोटिस देने से नोटिस देने का 14 डेज पहले किसके द्वारा मिनिमम ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द बोथ द हाउसेस के द्वारा स्टार्ट करेगा सेकेंड पॉइंट कहता है तो रेजोल्यूशन इज कितना जन से बाई टू थर्ड मेजोरिटी ऑफ द हाउस ठीक है पास के लिए टू थर्ड एंड स्टार्ट के लिए वन फोर्थ डोंट गेट कन्फ्यूज ओके वेन अ चार्ज हैज़ बीन सो प्रेफर्ड बाई आदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट द अदर हाउस हाउस विल इन्वेस्टिगेट द चार्ज एंड द प्रेजिडेंट हैज़ द राइट टू अपीयर एंड टू बी रिप्रेजेंटेड एट सच इन्वेस्टिगेशन मान लो राज्यसभा राज्यसभा एक, एक बोलता है कि ये प्रेसिडेंट में ये ये फॉल्ट आया है इन्हें हटाया जाए तो लोकसभा क्या करेगा जो चार्जेस राज्यसभा ने लगाया उसको क्या इन्वेस्टिगेट करेगा कि भाई सच में आप सच बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो कोई हलवा पूरी तो नहीं ना है हटा दो हटा दो अच्छा नहीं लग रहा हटा दो हटा दो <laughs> ऐसा नहीं हो सकता तो प्रेजिडेंट के अगेंस्ट अगर कोई एलिगेशन लगाता है तो लोकसभा क्या करेगा वहाँ पर इन्वेस्टिगेट करेगा और जितने भी इन्वेस्टिगेशन होंगे वहाँ पर प्रेजिडेंट को प्रेजेंट रहना ज़रूरी है भाई आपके लिए आपके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रहा था आप ऑब्वियस बात आप प्रेजेंट तो रहोगे ना किसी भी हाउस में हो सकता मान लो लोकसभा जनरेट करता है कि भाई प्रेसिडेंट सर काम ठीक से नहीं कर रहे ये ये फॉल्ट है तो राज्यसभा क्या करेगा चेक करेगा इन्वेस्टिगेट करेगा ठीक है कोई भी हाउस कर सकता इफ एज अ रिजल्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन अ रेजोल्यूशन इज पास बाय मेजोरिटी एंड नॉट लेस देन टू थर्ड ऑफ टोटल मेंबर्स सिंपल सा बात है रेजोल्यूशन जब पास होता है तो कब होता है टू थर्ड ऑफ टू थर्थ ऑफ द मेंबर्स में होता है टू थर्ड ठीक है डिक्लेरिंग दैट द चार्ज हैज बीन सस्टेंड सच अ रेजोल्यूशन विल हैव टू अफेक्ट रिमूविंग ऑफ द प्रेजिडेंट फ्रॉम इज ऑफिस ठीक है अगर देखा जाए कि सच में ये चार्जेस सही है सस्टेंड है तो संग संग क्या करेगा प्रेजिडेंट को रिमूव कर दिया जाएगा थ्रू इम्पीचमेंट ठीक है चलो जस्ट सर सेकेंड वाटर। चलिए अब आते हैं प्रेसिडेंट कुछ पावर्स देखिए क्या क्या पावर्स इनके आइए हम भी जाने सबसे पहला होता है एग्जीक्यूटिव पावर्स जैसा कि वो स्टार्टर के बिगनिंग में बताया गया था एग्जीक्यूटिव पावर्स ठीक है चलो हेड ऑफ द यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन ऑल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स आर इशूड इन द नेम ऑफ द प्रेजिडेंट ऑल द यूनियन ऑफिशियल्स आर हिज सबॉर्डिनेट्स ठीक है जितने भी यूनियन काम होते हैं जितने भी सेंट्रल काम होते हैं देखना सब में प्रेसिडेंट का सिग्नेचर रहता है इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट जितने भी आई ए एस आई पी ऑफिसर्स होते हैं जो भी देखना अवार्ड्स मिलते हैं आई को अवार्ड मिलते आई एस ऑफिसर्स को अवार्ड मिलते हैं या फिर उन्हें अपना पोस्टिंग दिया जाता है देखना कौन देता है प्रेजिडेंट देते हैं ठीक है ठेके? जितने भी यूनियन मिनिस्टर सेंट्रल ऑफिसर्स हैं सारे प्रेजिडेंट के ऑफिशियल सबॉर्डिनेट्स हैं चलो अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिशियल्स ऑफ द स्टेट द प्रेजिडेंट मैक मेक्स अपॉइंटमेंट्स ऑफ टू की पोस्ट टू रन द गवर्नमेंट्स एडमिनिस्ट्रेशन

सॉरी वहाँ पे कंफ्यूज हो गया था मिस कर दिया था जो प्रेसिडेंट है वो किसे अपॉइंट करता है पहला बात प्राइम मिनिस्टर को ठीक है और किसे अपॉइंट करता जितने भी काउंसिलर कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स है एम है सबको अपॉइंट करता है किसके द्वारा पहले प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंट कर दिया जाता है अब उनका ही एडवाइस लेके उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया जाता है कौन करता है प्रेसिडेंट करते हैं ऑन एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ठीक है चलो ही समन्स द लीडर ऑफ द मेजोरिटी ग्रुप ऑफ द पार्लियामेंट एंड आस्क सेम्स टू फॉर्म द गवर्मेंट जो मेजॉटी वोट्स पाता है उसके आप कॉल करते हैं और बोलते हैं भाई आ जाओ गवर्नमेंट बनाने के लिए ठीक है द चीफ जस्टिस ऑफ द चीफ जजटिस एंड द जज एंड द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट जो चीफ जस्टिस हैं उन्हें भी अपॉइंट करते है और जितने भी जजेस है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के उन्हें भी अपॉइंट करते हैं ठीक है द गवर्नर्स ऑफ द स्टेट उन्हें अपॉइंट करते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर चीफ कमिश्नर ऑफ द यूनियन टेरेटरीज उन्हें अपॉइंट करते हैं जो अटॉर्नी जनरल है उन्हें अपॉइंट करते हैं कॉमटोलेट जनरल ऑडिटर ऑडिटर जनरल उन्हें अपॉइंट करते हैं चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी जो क्लियर करता है उसे चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन मेंबर्स ऑफ द इकोनॉमिक कमीशन वेन अपॉइंटेड तो इन्हें कौन करता है प्रेजिडेंट अपॉइंट करता है ठीक है यहाँ पर कुछ याद करने का नहीं कुछ पूछेगा नहीं बस याद कर समझ जाइएगा कि कौन कौन करता है बस एक ब्रीफ रीडिंग मार दीजिएगा और कुछ नहीं आइए

तो वो पूरा कंट्रोल जो होता है प्रेसिडेंट का आत्मा देखना आप बहुत बार सुनेंगे झारखंड में प्रेसिडेंट का रूल आ गया हमारा वैसे वेस्ट बंगाल में इलेक्शन हो रहा है अगर दोनों पार्टी मेजॉरिटी जो है प्रूव नहीं कर पाई तो क्या होगा प्रेजिडेंट का रूल आ जाएगा यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर कोई सरकार बना नहीं पा रहा तो क्या होगा प्रेजिडेंट रूल आ जाएगा ठीक तो है तो यहाँ पर प्रेजिडेंट का कंट्रोल रहेगा यूनियन टेरेटरीज एंड बॉर्डर एरियाज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूनियन टेरेटरीज एंड बॉर्डर एरियाज इज़ द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द प्रेडेंट जितने भी यूटीज़ होते हैं जम्मू कश्मीर हुए लद्दाख हुआ पुडुचेरी हुआ अंदमान निकोबार ये सबके हेड कौन है प्रेसिडेंट है और वही अपॉइंट करते हैं किसको लेफ्टिनेंट गवर्नर जो कि गवर्न करते हैं यूटीज को ठीक है लेजिस्लेटिव पावर्स एड्रेसेस सेशंस ऑफ पार्लियामेंट द प्रेसिडेंट एड्रेसेस बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट असेंबल टुगेदर फॉर द फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन ऑफ द लोक टू द लोकसभा एंड द गवर्नमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर हाँ ये पॉइंट कहता है कि जब भी जनरल इलेक्शन टू थाउजेंड में जनरल इलेक्शन हुआ जब फर्स्ट टाइम जब बोथ द हाउस मिलता है तो वहाँ पर जो फर्स्ट जो मीटिंग होता है कौन उसे ऑर्गेनाइज करता है जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं ठीक है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं और जो भी फर्स्ट सेशन चलता है या फिर फर्स्ट मीटिंग रहता है उसे तो कौन ऑर्गेनाइज करता है प्रेजिडेंट करते हैं ठीक है जो बोथ द हाउस में एंड ऑफ ईच ईयर ठीक है इन दिस एड्रेस ही लेज एम्फरसाइज ऑन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल पॉलिसीज ऑफ़ द गवर्नमेंट एम्फोसाइज किस पे करते हैं जो गवर्नमेंट का इंटरनल और एक्सटर्नल जो पॉलिसीज़ आया है उस पर ध्यान देते हैं कि भाई आपका क्या क्या पॉलिसीज़ है कंट्री के लिए क्या पाँच साल में आप क्या क्या प्लान किए हो क्या प्लान नहीं किए हो आपको बताना पड़ता है द प्रेजिडेंट has द पावर टू एड्रेस आइदर हाउस ऑन देयर joint सीटिंग एट एनी टाइम जब भी जॉइंट सीटिंग होगा तो प्रेजिडेंट कभी भी उसे एड्रेस uh, कर सकते हैं आके वहाँ पर ठीक है कभी भी जब भी ज्वाइंट सीटिंग होगा चलो मैसेज अरे सॉरी सॉरी हाँ मैसेज टू द पार्लियामेंट ही हैज़ द पावर टू सेंड मैसेजेस टू आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट आइदर इन रिकार्ड ऑफ एनी पेंडिंग बिल और एनी मैटर ही हैज़ द राइट क्या है टू सेंड मैसेज टू आइडर हाँ मान लो कोई बिल पेंडिंग है या फिर कोई आ, काम है मैटर है किसी टॉपिक अर्जेंट टॉपिक मैटर पर डिस्कस करना है वो पेंडिंग है किसी भी हाउस में तो वहाँ पर प्रेजिडेंट क्या करें मैसेज भेजेंगे भाई आपका इस बिल पे आपका अभी तक चर्चा कुछ हुआ नहीं कोई रिजल्ट आया नहीं अभी तक पेंडिंग है प्लीज़ इस पर गो थ्रू करिए और जल्दी से रिजल्ट दीजिए ठीक है मैसेज कर सकता है कभी भी प्रेसिडेंट समन एंड प्रोरोक द हाउस प्रोरोक मतलब कैंसिल कर सकता है ठीक है मीटिंग प्रेजिडेंट हैज द पावर टू समन एंड प्रोरोक द हाउस ऑफ पार्लियामेंट द पावर्स टू समन द प्रेजिडेंट पार्लियामेंट इज सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट देर शुड बी नो नॉट देर शुड नॉट बी अ गैप ऑफ मोर देन सिक्स मंथ्स बिटवीन टू सेशंस ठीक है ईच हाउस नॉर्मली देर आर थ्री सेशंस बजट सेशन मॉनसून सेशन एंड विंटर सेशन ये वन मार्क्स क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि प्लीज नेम द थ्री सेशंस ठीक है ये पॉइंट कहता है कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कभी भी मीटिंग कभी भी दोनों हाउस को सेशन में अरे यार सॉरी हाँ सॉरी ये यहाँ पे ये ये पॉइंट कहता है कि जो है उनके पास ये पावर रहता है कि जब वो दोनों हाउस समन कर सकते हैं कब जब देखेंगे कि ये लोग सेशन का जो गैप होता है वो छः महीने से ज़्यादा का नहीं हो सकता लेकिन अगर छः महीने से ज़्यादा गैप होता है तो प्रेसिडेंट क्या करेंगे रोके समन करेंगे इन लोगों को कि भाई आपका सेशन का टाइम एक्सपायर कर रहा है प्लीज़ सेशन में आइए और काम चालू करिए जो बजट सेशन है मानसून सेशन विंटर सेशन उस पर अपना काम शुरू रखिए ठीक है थेके? हाँ द लोकसभा ही कैन डिजोल्व द लोकसभा एंड ऑर्डर फ्रेश इलेक्शन राज्यसभा इज अ परमानेंट बॉडी नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन जब भी देखिएगा लोकसभा में क्या हुआ जब मेजोरिटी का सीट्स नीचे गिर गया हो या फिर कुछ प्रॉब्लम uh, आ गया या फिर कंट्री चल नहीं रहा तो कभी भी उसे डिजोल्व कर सकते हैं लेकिन जो लोकसभा राज्यसभा है वो कभी डिजोल्व नहीं हो सकता है इट इज़ अ परमानेंट हाउस ओके यूनियन पार्लियामेंट चैप्टर में आपको सब कुछ समझाया हुआ प्लीज जाके आप देख लीजिएगा अब वो नॉमिनेट भी कर सकते हैं कितने ट्वेल्व मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं टू द राज्यसभा फ्रॉम अमंग पीपल हैविंग स्पेशल नॉलेज और पॉलिटिकल एक्सपीरियंस इन दीज मैटर्स किसमें लिटरेचर साइंस आर्ट्स एंड सोशल सर्विस ठीक है द प्रेजिडेंट में नॉमिनेट टू मेबर्स ऑफ द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी टू द लोकसभा इफ़ ई फील्स दैर द कम्युनिटी इज़ नॉट एडिकुएट रिप्रेजेंटेड इन द हाउस प्रेजिडेंट के पास ये पावर है कि राज्यसभा में राज्यसभा में वो बारह मेंबर को नॉमिनेट कर सकते हैं जो कि कुछ स्पेशल फील्ड से आते हो जैसे कि साइंस हुआ लिटरेचर हुआ आर्ट एंड सोशल सर्विस यह क्वेश्चन आ सकता है वॉट आर द फील्ड्स ओके एंड लोकसभा में क्या करते हैं दो रिप्रेजेंट दो मेबर्स नु, को नॉमिनेट करते हैं जो कि एंग्लो इंडियन से बिलोंग करते हैं ठीक है वहाँ से वो दो मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं बट अब वो हट चुका है ये बुक पुराना है इसलिए इसमें अपडेट नहीं किया गया है ठीक है एसेंट ऑफ बिल नो बिल कैन बिकम अ लॉ विदाउट एन एसेंट ऑफ ऑन एंड द सिग्नेचर ऑफ द प्रेजिडेंट कोई भी बिल लॉ नहीं बन सकता बिना सिग्नेचर का बिना सिग्नेचर ऑफ द प्रेजिडेंट वंस अ बिल इज पास बाई बोथ द दाउस इट इज सेंट टू द प्रेजिडेंट फॉर हिज अप्रूवल जब भी एक बिल पास होता है वो कहाँ भेजा जाता है प्रेजिडेंट के पास भेजा जाता है किस लिए अप्रूव करने के लिए फॉर हिज अप्रूवल हाँ द प्रेजिडेंट में गिव इज असेंट और विध होल्ड द बिल एंड सेंड इट बैक टू द हाउस कंसर्न विध रिकमेंडेशन अब प्रेजिडेंट क्या करता है मान लो उस बिल को पढ़ता है तो बहुत बार देखता है कुछ गड़बड़ है या फिर मतलब सही नहीं है कुछ कले, कुछ कलेक्शन का जरूरत है तो क्या करता है पढ़ते हैं फिर उसे बोथ हाउस को भेजते हैं वापस अपना रिकमेंडेशन के साथ ठीक है हवे व इफ द बिल इज़ पासड अगेन इन द सेम फॉर्म ही हैज़ टू गिव इज असेंट टू द बिल मान लो मान लो बोथ द हाउस पास कर दिया एक बिल को प्रेजिडेंट का चला गया प्रेजिडेंट ने पढ़ा कि यहाँ नहीं, नहीं यहाँ पर कुछ करेक्शन का ज़रूरत है उन्होंने रिकमेंड करके वापस भेज दिया लेकिन जब अब जब वो आ, और ये दो बोथ द हाउसेस पे कंपलसरी नहीं है कि वो प्रेसिडेंट का प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करें दैट इज़ नॉट कंपलसरी इट डिपेंड्स अपॉन देम अगर बोथ द हाउसेज अपर हाउस लोअर हाउस नहीं चाहते हैं कि उनका रिकमेंडेशन ले प्रेजिडेंट का तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे कोई दिक्कत नहीं है वो क्या करेंगे बिना रिकमेंडेशन को चेंज किए हुए वो जो पुराना बिल था फिर से जब भेजेंगे तो प्रेजिडेंट इज़ बॉन्ड टू साइन इट बात समझे मान लीजिए लोअर हाउस अपर हाउस ने बोला कि वाटर बिल पे हम लोग बिल पास कर रहे हैं ठीक है जब तो जब दोनों हाउस में बिल पास हो गया तो वो जाता है प्रेसिडेंट के पास प्रेसिडेंट बोलते नहीं नहीं यार इतना टैक्स नहीं थोड़ा कम करना चाहिए या फिर थोड़ा कुछ चेंजेस लाते हैं तो वो वापस भेजते हैं लोकसभा राज्यसभा के पास लोकसभा राज्यसभा के ये कंपलसरी नहीं है कि उनका रिकम प्रेजिडेंट का रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करें इट इज नॉट कंपल्सरी उन्हें लगता है कि एक्सेप्ट करना चाहिए तो करेंगे नहीं तो नहीं करेंगे ठीक है मैं बात कर रहा हूँ लोकसभा राज्यसभा लोअर हाउस का तो उन्हें अगर लगा कि नहीं रिकमेंडेशन एक्सेप्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए तो वो क्या करेंगे बिना रिकमेंडेशन को चेंज किए फिर से भेज देंगे प्रेजिडेंट के पास लेकिन जब सेकेंड टाइम भेजेंगे तो प्रेजिडेंट इज़ बॉन्न टू साइन इट ही नॉट सेंड इट बैक इट इज़ कंपलसरी फॉर द प्रेजिडेंट टू साइन इट ओके यूजली द हाउस एग्जामिन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेजेंट यूजअली क्या होता है हाउस एग्जामिन करता है प्रेजिडेंट का रिकमेंडेशन को ठीक है तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रोक्लेमेट ऑर्डिनेंसेस प्रोक्लेमेट ऑर्डिनेंसेस का मतलब आप सोच रहे हो क्या होता है देखो प्रोक्लेमेट का मतलब होता है आ, कोई भी चीज़ डिक्लेयर करना ठीक है ऑर्डिनेंस का मतलब होता है एक हाई ऑफिशियल जो ऑर्डर आपको ऑर्डर दे रहा हो यहाँ पे जो प्रेजी एक ऑर्डिनेंस होता है जो कि सिर्फ प्रेजिडेंट के द्वारा ही दिया जा सकता है ठीक है इट्स एन ऑर्डर प्रोक्लेमेट करना क्या है डिक्लेयर करना होता है ठीक है तो हम लोग सीधे पॉइंट्स पाते हैं Uh, का किस किस कंडीशन में प्रोक्लेमेशन होता है ऑफ ऑर्डिनेंस देखो द प्रेजिडेंट मस्ट मस्ट भी सटिसफाइड दैट सर्कमस्टांसिस मेक इट नेसेसरी फॉर हिम टू टेक इमीडिएट एक्शन देखो प्रेजिडेंट को ये लगना चाहिए कि एक्चुअली अब उनका कोई ज़रूरत है वहाँ पर कोई एक्शन लेने का अगर उनका कोई जरूरत नहीं रहेगा तो वो एक्शन वो नहीं लेंगे कोई ऑर्डर या फिर कोई ऑर्डर डिक्लेयर नहीं करेंगे नहीं अगर उनको लगता है कि नहीं उनकी uh, उनका एक्शन लेने का कोई ये टाइम आ गया है तो वो एक्शन लेने को संग संग रेडी हो जाएंगे तो उनको ये सेटिस्फाइड होना होगा ठीक है चलो uh, हाँ पॉइंट टू द ऑर्डिनेंस कैन बी प्रोक्लेमेटेड एट द टाइम व्हेन बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट आर नॉट इन सेशन ऑर्डिनेंस कब प्रोक्लेमेट होगा जब uh, और जब दोनों हाउस मतलब सेशन में नहीं रहेंगे तभी ना मान लो देखो दो, जब दोनों हाउस सेशन में रहेंगे तब तो फिर कोई गाइड करने वाला उस टाइम रहता नहीं है मतलब सेशन में, मतलब में नहीं है मतलब इसका मतलब क्या मेंबर्स अभी प्रेजेंट नहीं है तो वहाँ पे कौन एक्शन लेगा प्रेसिडेंट लेगा और बात है इसीलिए जब वो हाउस जब दोनों हाउस सेशन में नहीं रहते तो प्रेसिडेंट वहाँ पे अपना एक्शन लेता जो कि उसे लेना चाहिए इफ़ वन हाउसेज इन सेशन देर इज़ नो बार इन इशू इंग द ऑर्डिनेसिस अगर एक हाउस सेशन में रहे तो फिर कोई जरूरत नहीं है ऑर्डिनेस ऑर्डिनेंस को प्रोक्लेमेट करने का ठीक है अगर कोई हाउस सेशन में है तो वो तो प्रेजेंट चलाने के लिए ना देश को या फिर जो भी एक्शंस चाहिए हो एट प्रेजेंट लेने को रेडी एक हाउस है तो वहाँ पे चाहे वो राज्यसभा हो या लोकसभा हो ठीक है तो वहाँ पर एक्शन नहीं लिया जाता नहीं लिया जाता बाई द प्रेजिडेंट द ऑर्डिनेंस शो प्रोक्लेमेट प्रोमिलगेटेड शुड बी लेड बिफोर बोथ द हाउसेज वेन देर रिजेंबल जो ऑर्डिनेंस रहेगा जो डिक्लेयर किया गया वो क्या किया जाएगा हाउस के आगे हाउस के सामने पेश किया जाएगा जब बोलो अपना ऑफिस होल्ड कर लेंगे मतलब प्रेजेंट होंगे ठीक है जब अपना हाउस रिजेंबल कर लेंगे इफ द पार्लियामेंट डज नॉट अप्रूव द ऑर्डिनेंस इट लेपसेज देखो जब जब ये पार्लियामेंट क्या करेगा अप्रूव नहीं करेगा ऑर्डिनेंस को मतलब बोलेगा कि नहीं ऑर्डिनेंस का ज़रूरत नहीं है तो क्या लैपसेस हो जाएगा लेप्स का मतलब होता है कि वो काउंसिल से पास पास हो गया लेकिन वो असेंबली में पेंडिंग है अभी भी उसको पूरा कंप्लीट एक्शन लिया नहीं गया पास हो गया बट वो स्टिल पेंडिंग है उसमें जो फाइनल जो मान लो जो भी फाइनल प्रोसीडिंग चाहिए रहता है कि अब वो एक्शन में आएगा उसके पहले वो होल्ड पे रख दिया जाता है ठीक है चलो इफ एन ऑर्डिनेंस इज नॉट डिसअप्रूव्ड इट विल ऑटोमेटिकली सीज टू ऑपरेट एट द एंड ऑफ सिक्स वीक फ्रॉम द डेट ऑफ द पार्लियामेंट रिजेंबल्स ठीक है अगर मान लो एक ऑर्डिनेंस को डिसअप्रूव नहीं किया गया तो इट विल ऑटोमेटिकली ऑपरेट मतलब मान लो कोई कोई भी ऑर्डिनेंस है जिसको कि बोथ द हाउस बोला कि नहीं इसे हम लोग एक्शन लेंगे तो कब होगा सिक्स विद इन द सिक्स वीक्स जिस दिन असेंबली रिजेंबल किया उसके सिक्स वीक्स के अंदर वो प्रोक्लेमेशन एक्शन में आ जाएगा ठीक है देखो एट द एंड ऑफ सिक्स वीक फ्रॉम द डेट ऑफ द पार्लियामेंट रिजेंबल्स ठीक है द लास्ट पॉइंट इज ऑर्डिनेंस लैपेस इफ द इफ इट इज़ रिप्लेस्ड बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जो भी मान लो पार्लियामेंट के द्वारा कोई अगर एक्ट ला दिया जाता है तो उसे फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाता है जो कि ऑर्डिनेंस लाया जाता है प्रेजिडेंट के द्वारा ठीक है मान लो प्रेजिडेंट ने एक ऑर्डिनेंस लाया और पार्लियामेंट ने एक अपना एक्शन लिया एक्ट लाया ठीक है तो एक्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा ऑर्डिनेंस के ऊपर तो जब तक एक्ट क्लियर नहीं होता तब तो ऑर्डिनेंस क्या लेप्स मतलब होल्ड पे है ठीक है चलो एसेंट ऑफ सम स्टेट बिल्स कुछ स्टेट बिल्स के बारे में यहाँ पे बताया गया है द गवर्नर में रिजर्व रिजर्व सम बिल्स पास पाए तो स्टेट लजस्लेचर फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेजिडेंट मान लो स्टेट uh, लजस्लेचर कुछ बिल को पास करते हैं तो गवर्नर क्या करता है वहाँ पे उसे रिकन्सिडर uh, करता है किसके पास प्रेजिडेंट के पास भेजता था कि चेक करें कि नहीं सर uh, जो भी पास हुआ सही है या नहीं है कंस्टिट्यूशनल है कि नहीं है अनकंस्टिट्यूशनल है कि नहीं है ठीक है द प्रेजेंट कैन रिफ्यूज़ टू एसेंट टू सच अ बिल और ही कैन ऑल्सो सेंड इट बैक फॉर रिकन्सिडरेशन प्रेजिडेंट वहाँ पर अप्रूव कर सकते कि नहीं हम इस बिल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे ठीक है उसको हमें एसेप्ट नहीं करेंगे या फिर मान लो वहाँ पर कुछ चेंजेस का जरूरत है तो उससे रिकमेंड करके वापस भेज देंगे ठीक है रिकन्सिड्रेशन के लिए बिल्स अफेक्टिंग मैटर्स पावर ऑफ द हाईकोर्ट और रिजर्व फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेजिडेंट मान लो जो भी हाईकोर्ट को रिलेटेड जो भी जो भी मैटर्स रहेगा तो उसे वहाँ पर कौन चेक करेगा प्रेजिडेंट ही चेक करेंगे क्योंकि okay, अपॉइंट कौन कर जजेस को प्रेजिडेंट करता है ठीक है इसीलिए जो भी रिलेटेड हाईकोर्ट या हाईकोर्ट के रिलेटेड जो भी रहेगा वहाँ प्रेजिडेंट अपना एक्शन लेंगे ठीक है चलो अब आता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट अब बिल फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट और अल्ट्रेशन ऑफ ऑफ एरियाज फॉर द एग्जिटिंग स्टेट कैन नॉट भी इंट्रोड्यूस एक्सेप्ट ऑन द प्रेजिडेंट रिकमेंडेशन अगर प्रेजिडेंट को लगता है या फिर मान लो कि एक बिल पास होता है कि अब हमें एक नया स्टेट का जरूरत है या फिर ये एरिया बहुत बड़ा होता है जिसे हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे एक नया स्टेट का ज़रूरत है तो वहाँ पे बिना प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन का वो काम कभी नहीं हो सकता या मान लो वेस्ट बंगाल में हमें और कोई ज़मीन ऐड करनी है या फिर जमीन घटानी है जो भी है प्रेजेंट स्टेट में ऐड एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना ऑफ लैंड या फिर न्यू स्टेट फॉर्म करना है तो बिना प्रेजिडेंट का रिकमेंडेशन का कभी नहीं हो सकता वो ठीक है चलो चलो अब आता है डिस्क्रिशनरी पावर्स पॉइंट्स बात मैं डायरेक्ट अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन अ सिचुएशन वेद नो सिंगल पार्टी कमांड्स अ क्लियर सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द लोकसभा मेंबर्स एंड देर इज अ हंग पार्लियामेंट यहाँ पे क्या होता है मान लो बीजेपी है कांग्रेस है दोनों का इलेक्शन हुआ तो ऐसा देखा गया कि दोनों पार्टी ही मेजोरिटी होल्ड नहीं कर पा रहे तो वहाँ पे क्या होगा प्रेसिडेंट अपॉइंट uh, क्या करते हैं एक सेकेंड हाँ प्रेजिडेंट अपॉइंट करते हैं दोनों में से किसी एक मेंबर कि, दोनों में से दोनों पार्टी में से किसी एक मेम्बर को एज द प्रेजिडेंट क्योंकि वहाँ पर देखो प्राइम मिनिस्टर का तो जरूरत है ही हमें तो वहाँ पर जब तक एक प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट नहीं होता और दोनों में कोलिजन दो पार्टी में कलेक्शन कोलिजन हो गया कि दोनों मेजोरिटी नहीं प्रूव कर पा रहे तो वहाँ पे क्या होता है उसे एक हंग पार्लियामेंट कहते हैं क्योंकि बीच में लटका हुआ है ना गर्दन से लटका हुआ है मतलब इलेक्शन भी हो गया कुछ सीटों के चलते आप नहीं बन पा रहे कुछ सीटों के चलते हम नहीं बन पा रहे तो वहाँ पर क्या प्रेजिडेंट क्या करता है अपॉइंट करता है किसको प्राइम मिनिस्टर को ठीक है दिस इज बिकॉज द प्राइम द प्रेजिडेंट कैन नॉट अपॉइंट द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑन एडवाइस ऑफ द आउट गोइंग प्राइम मिनिस्टर हु मे हैव लॉस्ट द इलेक्शन और सपोर्ट ऑफ द हाउस क्योंकि प्रेजिडेंट कभी भी एक नया प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंट नहीं कर सकता किसके द्वारा किसके एडवाइस uh, के द्वारा जो कि प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर जो कि अपना सीट हार चुका है अपना कुर्सी हार चुका है ही हैज़ लॉस्ट द इलेक्शन ठीक है एंड द ऑफिस उसका रिकमेंडेशन में कभी कोई न्यू प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट नहीं कर सकता प्रेजिडेंट ठीक है चलो अपॉइंटमेंट ऑफ अ न्यू प्राइम मिनिस्टर इन केस ऑफ सडन डेथ ऑफ द दिन इन केस ऑफ सडन डेथ ऑफ द इनक्यूबेंट वेर द रूलिंग लेजिस्लेचर पार्टी इज अनेबल टू मीट द इमीडिएट इमीडिएटली टू अ लीडर यहाँ पर क्या होता मान लो इंसान है डेथ हो गया कोई एक्सीडेंट हो गया कुछ भी हो गया तो वहाँ पर क्या करता है प्रेजिडेंट अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर को ठीक है जब देखता है कि जो रूलिंग पार्टी एक लीडर एक लीडर चूज नहीं कर पा रहा तो वहाँ पर क्या करता है प्रेजिडेंट क्या करता है अपॉइंट करते हैं लीडर को या प्राइम मिनिस्टर को आई मीट ठीक है चलो थर्ड पॉइंट होता है वैन द रूलिंग पार्टी हुज लॉस्ट मेजोरिटी सपोर्ट इन द लोकसभा और वैन अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मे बी मेंव बिन पासड अगेंस्ट इट रिकमेंड्स द प्रेजिडेंट टू डिजोल्व द लोकसभा देन इट इज़ एट द डिस्क्रिशन ऑफ द प्रेजिडेंट टू आइदर डिजोल्व द हाउस और अनदर और आस्क अनदर पार्टी टू प्रूव इट्स मेजोरिटी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस देखो यहाँ पे क्या होता है कंसेप्ट समझो मतलब तो पूरा स्टोरी की तरह समझा रहा हूँ जब एक रूलिंग पार्टी सरकार पर रहती है मान लो बीजेपी सरकार में है और क्या होता है वो अपना मेजोरिटी खो देती है ठीक है मेजोरिटी खो देती है ही, ठीक है या फिर एक नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है बीजेपी के अगेंस्ट में कि सर आपसे देश चल नहीं रहा यू हैव टू स्टेप डाउन तो वहाँ पे क्या होता है प्रेसिडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो या तो उसका स्टेप डाउन एक्सेप्ट कर ले ठीक है या तो डिसॉल्व कर दे प्रेसिडेंट स्टेप डाउन जो उसका ऑफर uh, जो मतलब uh, जो प्रेजिडेंट प्राइम मिनिस्टर है उसका स्टेप डाउन को एक्सेप्ट कर ले और, और पार्लियामेंट को डिजोल्व कर दे या फिर क्या करें कि दूसरे पार्टी को ऑफर करे मान लो कांग्रेस है उसे कहे कि सर आप मेजोरिटी प्रूव करो या फिर कोई भी लोग कोई भी पार्टी है उसे बोले कि आप मेजोरिटी प्रूव करो तो मैं आपको प्राइम मिनिस्टर बना दे रहा हूँ ये दोनों ऑप्शन उसके बाद जाता है या तो डिजॉल्व करके फिर से री इलेक्शन होगा या फिर क्या होगा कोई और पार्टी को बोलेगा कि इफ यू हैव द मेजोरिटी देन प्रूव ऑन द फ्लोर ठीक है हाउस में प्रूव करो ठीक है ताकि आपको हम अपॉइंट कर सकें ठीक है चलो द प्रजिडेंट कैन डिसमिस मिनिस्टर्स इन केस ऑफ द प्रेजिडेंट कैन डिसमिस मिनिस्टर्स इन केस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लूजेज द कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस बट रिफ्यूज टू रिजाइन ढीट ढीट होता है ना इंसान ढीट होते हैं मान लो आपने आपको क्या हुआ आपका नो कॉन्फिडेंस मोशन आपके ऊपर पास कर दिया गया आप पास कर गए बट आप रिजाइन नहीं कर रहे तो वहाँ पर आपको प्रेजिडेंट लाद मारकर हटा देगा ठीक है <laughs> सिंपल सवाल है अब आता है क्या इमरजेंसी पावर्स एंड एमरजेंसी इज अ सर्टेन और अनफोस अनफोर्सिन सिचुएशन डिमांडिंग इमीडिएट एक्शन इट इज अचुएशन इन विच द हेड ऑफ़ द स्टेट एज्यूमस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स द प्रेजिडेंट कैन प्रोक्लेम अ स्टेट ऑफ एमरजेंसी इन द फॉलोइंग केसेज जब कंट्री में जब एमरजेंसी आता है तो वहाँ पर जो हैड होता है वो कौन हो जाता है प्राइम मिनिस्टर प्रेजिडेंट हो जाता है वो उनका सुप्रीम पावर हो जाता है वो ठीक है प्रेजिडेंट कब 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 इमरजेंसी लागू हो सकता है आइए पॉइंट्स में देखते हैं नेशनल और जनरल एमरजेंसी देर इज अ डेंजर ऑफ फॉरन एग्रेशन और डेंजर टू द पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री बिकॉज ऑफ ए सिविल वॉर इंसर्जेंसी और अदर सच के कॉज मान लो बाहर से कोई अटैक हम लोग पे होने वाला या फिर हम लोग के इंटरनल इन, बहुत प्रॉब्लम हो गया सिविल वॉर हम लोग देश में खुद हो गया सिविल वॉर इन देंस भीतर जो वॉर होता है ना कंट्री के इंटरनल इन्ट, जो वॉर हो गया पब्लिक के बीच में या फिर और जितने भी इस रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं वहाँ पर क्या होता है कंट्री में एक इमरजेंसी लागू कर दिया जाता है किसके द्वारा प्रेजिडेंट के द्वारा ठीक है ब्रेक डाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी मशीनरी इन अ स्टेट हैज़ ब्रेक डाउन एंड डर इज अ डेडलॉक बिटवीन द पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी और अदरवाइज जब देखा जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल भी कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पे काम नहीं कर पा रहा है या फिर फिर डेड लॉक हो गया पॉलिटिकल पार्टीज़ में मतलब कंट्री काम नहीं कर पा रहा पार्लियामेंट काम नहीं कर पा रहा तो वहाँ पर क्या होगा एक फाइनेंशियल एक फाइनेंशियल बोले सॉरी एक इमरजेंसी लागू कर दिया जाएगा ताकि वहाँ पे कि देखो हर टाइम एक हर कंट्री को एक लीडर का जरूरत है जब देखा जाए कि वहाँ डेडलॉक आ गया या जो प्राइम मिनिस्टर या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स काम नहीं कर पा रहे डेडलॉक में आ गए फर्स्ट गए जो भी हो रहा तो वहाँ पर कौन एक लीडर हमारा बन जाता है वो प्रेजिडेंट बन जाते हैं कब बनते हैं वो एक इमरजेंसी डिक्लेयर कर देते हैं ठीक है क्योंकि वहाँ पर एक डेड आ गया है चलो नेक्स्ट सेकंड आता है बहुत इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इमरजेंसी अ सेटबैक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट फेजिबिलिटी ऑफ कंट्री इज लाइकली टू अकर और हैज़ अकर्ड मान लो कंट्री में एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गया मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम समझ लो ना कंट्री में कंट्री का पैसा खत्म हो गया या फिर फाइनेंस का बहुत प्रॉब्लम हो गया तो वहाँ पर एक फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रेजिडेंट डिक्लेयर कर सकते हैं ठीक है थेके? चलो अब आता है नेशनल और जनरल इमरजेंसी सर्कमस्टांसिस कब हो सकता है इफ़ द प्रेजिडेंट इज अ ग्रेव इमरजेंसी एग्जिस्ट वेयर द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी इज थ्रेटेड आइदर बाई वॉर और बाई एक्सटर्नल एग्रेशन और बाई आर्म्ड रेबेलियन और मे प्रोक्लेम है ही मे प्रोक्लेम इमरजेंसी ये पॉइंट क्या कहता है फर्स्ट पॉइंट कि जब प्रेसिडेंट ये देखता है कि सच में हम लोग इंडिया कंट्री के ऊपर कोई मतलब कोई सिक्योरिटी थ्रेट आ रहा या फिर कोई भी स्टेट या फिर कोई पार्ट ऑफ इंडिया में देखना जाए कोई सिक्योरिटी थ्रेट आ रहा किसके द्वारा कोई वॉर के द्वारा या फिर सिविल वॉर या फिर इंटरनल वॉर या फिर रेबेले में होता है ना मतलब तो पब्लिक यूथ मिल के मारने लगा लाठी चार्ज कर दिया या फिर प्रॉब्लम पूरे कंट्री में क्रिएट कर दिया मान लो कोई भी इंटरनल प्रॉब्लम्स हो गया तो वहाँ पे जब देखेगा कि सच में ये बहुत प्रॉब्लम हो गया तो प्रेसिडेंट क्या करता है वहाँ पे इमरजेंसी लागू कर देता है ठीक है सिंपल सा रीड करेंगे वो समझ आ जाएगा एक्सटर्नल एग्रेशन आर्म रेबिलियन आर्म रेबिलियन मतलब क्या पूरे कंट्री में मारा मारी हो रहा बम फोड़ रहा वगैरह वगैरह तो वहाँ पर इमरजेंसी लागू कर दिया जाता है द प्रेजिडेंट कैन नॉट इशू सच प्रोक्लेमेशन अनलेस ही हैज़ अप्रूवल इन राइटिंग टू द यूनियन कैबिनेट प्रेजिडेंट कभी भी इमरजेंसी वहाँ नहीं ला सकता जब तक कि वो एक रिटर्न Uh, हाँ एक रिटर्न डिक्लेरेशन ना हाँ एक रिटर्न डिक्लेरेशन उसके पास ना आ जाए कहाँ से यूनियन कैबिनेट से अप्रूव ना करें जब तक यूनियन कैबिनेट अप्रूव नहीं करेगा प्रेजिडेंट प्रेजिडेंट इमरजेंसी नहीं ला सकता तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इफेक्ट्स ऑफ जनरल इमरजेंसी ठीक है क्या क्या इफेक्ट्स रहता है जनरल इमरजेंसी के आई देखते हैं फंडामेंटल राइट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट ऑफ जनरल असेंबली इज दैट इट द एक्सरसाइज ऑफ द फंडामेंटल राइट्स आर पार्शियली और होल्ली सस्पेंडेड देखो जब जनरल जब जनरल जब भी जनरल इमरजेंसी लागू किया जाता है तो क्या होता है वहाँ पर जो आपका फंडामेंटल राइट्स जो रहता है वो आपसे संग संग छीन लिया जाता है आपका फंडामेंटल राइट्स आपसे सस्पेंड कर दिए जाते हैं ठीक है आप तब वो नहीं बोल सकते कि आई हैव द राइट टू स्पीच आई हैव द राइट टू डू वॉट एवर नो यू कॉन्ट ओके दे आर सस्पेंडेड एंटिल एनालिस द इमरजेंसी इज रिमूव ओके इवन द राइट टू मूव टू सुप्रीम कोर्ट एंड और द स्टेट हाई कोर्ट ऑफ द फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ़ द राइट्स एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21 वन रिमेन्स सस्पेंडेड यहाँ तक कि आपको जो हक दिया गया सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जाने का आपसे वो हक भी छीन लिया जाता है जब तक आपका इमरजेंसी लागू हो रहा है आपका सिर्फ आर्टिकल ट्वेंटी या ट्वेंटी वन में जो प्रोविजंस दिए गए उसको छोड़ के बाकी सब जितने थ्री नाइन्टी फाइव आई थिंक आर्टिकल्स है सब सस्पेंड हो जाते हैं आइए देखते हैं आर्टिकल ट्वेंटी ट्वेंटी वन में क्या है आइए देखते हैं आर्टिकल ट्वेंटी स्टेट्स एट नो पर्सन शैल बी पनिस्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस आर्टिकल ट्वेंटी क्या बोलता है कि एक ही पनिशमेंट के लिए कोई भी आदमी एक बार से ज़्यादा सेम पनिशमेंट के लिए सेम क्राइम के लिए पनिशमेंट नहीं पाएगा ठीक है ये सेम एक क्राइम मैंने जैसे मैंने ये बॉटल चोरी किया उसके लिए मुझे दो साल की सज़ा हो गई ठीक है दो साल की सज़ा नहीं होती बट जब मैंने दो साल की सज़ा कंप्लीट कर ली तो फिर मुझे दो साल की सज़ा नहीं दे सकता फॉर द सेम क्राइम मुझे उसके लिए कोई और कोई और क्राइम वहाँ पे ये क्रीम चुरा लिया तब मुझे जेल हो जाएगी बट सेम क्राइम के लिए मुझे फिर से पनिशमेंट नहीं मिलेगी ये रहा आर्टिकल ट्वेंटी कहता है आर्टिकल ट्वेंटी वन डिक्लेयर दैट नो नो पर्सन शैल बी डिप्राइव ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसिडर्स एस्टेब्लिश बाई लॉ आर्टिकल ट्वेंटी वन कहता है कि आपको जो जीने का हक है जो आ, जो राइट टू लिव है वो आपसे नहीं छीना जाएगा ठीक है तो आर्टिकल ट्वेंटी वन वही है कितना है चलिए अब आता है हमारा क्या हाँ स्टेट सेंटर स्टेट रिलेशनशिप द कंट्री हैज टू फॉर गो इट्स फेडरल स्पिरिट ठीक है फेडरल स्ट्रक्चर स्टेट एंड सेंटर यूनियन एंड द स्टेट एज द स्टेट्स आर ऑबलाइज टू कैरी आउट द इंस्ट्रक्शन ऑफ देंटर स्टेट को मतलब स्टेट्स को सेंटर का दिया हुआ इंस्ट्रक्शन मानना पड़ेगा ठीक है यूनियन पार्लियामेंट एक्वायर्स द पॉवर टू गिव डायरेक्शन टू अ स्टेट और एनी मैटर सो दैट द स्टेट गवर्नमेंट विल बी अंडर द कम्प्लीट कंट्रोल ऑफ द यूनियन सॉरी कंट्रोल ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव एंड फिल्म फंक्शन एज अंडर अ यूनिटरी सिस्टम एंड लोकल सब डिवीजन यहाँ पर क्या होता है देखो तो फंडामेंटल पार्लियामेंट एक्वायर करता है पावर टू डायरेक्शन देता है स्टेट को कि आपको इस इस तरह से चलना है ताकि स्टेट और ताकि स्टेट जो है एक सेंटर के अंदर कंप्लीटली आ जाए ठीक है फिर से सुनेगा द कंट्री हैजू फॉरवर्ड फेडरल स्ट्रक्चर फेडल स्ट्रक्चर को मेनटेन करने के लिए एज द स्टेट्स आर ऑबलाइज टू कैरी आउट द इस्ट्रक्शन ऑफ द सेंटर स्टेट्स को मैंडेटरी है मतलब मैंडेटरी नहीं बोल सकते बट हाँ स्टेट्स को सेंटर uh, का दिया हुआ इंस्ट्रक्शन मानना पड़ेगा द यूनियन पार्लियामेंट एक्वायर्स द पावर्स टू गिव डायरेक्शन टू द स्टेट और एनी मैटर ऑन एनी मैटर यूनियन पार्लियामेंट क्या करता है एक्वायर करता है क्या पावर क्या चीज के लिए स्टेट्स को कंट्रोल करने के लिए ठीक है सो दैट द स्टेट गवर्नमेंट विल बी अंडर द कम्प्लीट कंट्रोल ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव एंड विल फंक्शन एज अ यूनिटरी सिस्टम विद अ लोकल सब डिविजन ठीक है जब एक्वायर कर लेता है सेंट्रल गवर्नमेंट ये पावर स्टेट्स को रन करने का कर तो उससे क्या होता है एक पूरा कंट्री एक बॉडी बन जाता है ऐसा नहीं कि सेंट्रल अलग हो गया स्टेट अलग हो गया ऐसा नहीं यूनिटरी बॉडी के लिए क्या करता है सेंटर को सेंटर क्या करता है स्टेट को एक्वायर करता है वो पावर कि आप मेरा बात तो आपको सुनना ही पड़ेगा ठीक है चलो अब आता फाइनेंसर इज एम्पावर्ड टू सस्पेंड द फाइनेंशियल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेंटर का पावर है कि फाइनेंशियल प्रोविजन जो भी है उसे कैसपेंड कर देने का ठीक है मैटर सच ऑस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ रेवे बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट एंड सैलरीज ऑफ एम पीज मे बी ऑल्टर्ड अगर देखिएगा कि फाइनेंशियल इशूज़ फाइनेंशियल इशू आ गया या फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा तो जो भी फाइनेंशियल प्रोविजन जो लगता है नेसेसरी नहीं है वहाँ पर सस्पेंड कर दी जाएगा या फिर जो एम पी एम एल एज़ है और जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉज है सेंट्रल स्टेट और सेंटर का जो भी सैलरीज बनता है वो भी जो उस परेशन दे सकता है मतलब चेंजेस ला सकता है कम बेसिस ज़्यादा जो भी है कर सकता है ठीक है द यूनियन एंड द स्टेट लेजिस्लेचर ड्यूरिंग द एमरजेंसी कहा गया हाँ ड्यूरिंग द एमरजेंसी द टर्म ऑफ द लोकसभा मे बी एक्सटेंडेड फॉर अ पीरियड ऑफ वन ईयर एट अ टाइम इमरजेंसी में क्या होता है टर्म लोकसभा को क्या करता है एक्सटेंड कर दिया जाता है कितने साल के लिए एक साल के लिए एक्सटेंड कर दिया जाता है द सेम रूल में भी अप्लाइड ऑन द लेजिस्टिव असेंबली और एनी स्टेट अगर स्टेट में अगर डाल दिया जाता है इमरजेंसी तो वहाँ पर क्या करता है उनका एक टर्म एक साल का टर्म बढ़ा दिया जाता है ठीक है एग्जाम्पल है अगर आपको पढ़ना है पढ़ सकते हैं बट एग्जाम में कभी पूछेगा नहीं आपसे एग्जाम्पल्स ठीक है अब आता है ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरीज इफ़ द प्रेजिडेंट ऑन रिसिप्ट ऑफ अ रिपोर्ट फ्रॉम द गवर्नर और अदरवाइज इट सेटिस्फाइड द गवर्स ऑफ अ स्टेट कैन नॉट भी कैरिड आउट इन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ही में डिक्लेर एन एमरजेंसी इन द स्टेट अगर गवर्नर एक रिपोर्ट भेजता है सेंटर प्रेजिडेंट को कि सर जैसे मान ली वेस्ट बंगाल का जो सरकार है वो अपने स्टेट को नहीं चला पा रहे यहाँ बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं मार धार मतलब कीटिक सिचुएशन है अब गवर्नमेंट संभाल नहीं पा रहा तो क्या करता है गवर्नर प्रेजिडेंट को लेटर लिखता है कि सर यहाँ पे ऐसा सा प्रॉब्लम अगर प्रेसिडेंट सेटिसफाई होता है कि सच में हाँ इस कंट्री इस स्टेट में या सर वेस्ट बंगाल में इतना प्रॉब्लम्स है तो वहाँ पे क्या करेगा वो इमरजेंसी डिक्लेयर कर देगा किसमें वेस्ट बंगाल स्टेट के अंदर इमरजेंसी डिक्लेयर कर देगा ठीक है दिस इज कॉल्ड प्रेजिडेंट रूल यहाँ पर क्या होता है कोई भी सी नहीं रहेगा ये सीधे गवर्नर और प्रेजिडेंट के अंडर में आ जाएगा ठीक है देखो दिस इज कॉल्ड प्रेजिडेंट रूल बिकॉज द प्रेजिडेंट में एज्यूम टू हिमसेल्फ ऑल और एनी ऑफ द फंक्शन ऑफ़ द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट जितना भी इस फंक्शन होगा स्टेट का उसको कौन कंट्रोल करेगा प्रेजिडेंट करेगा ठीक है चलिए आइए देखते हैं ड्यूरेशन क्या है द ड्यूरेशन ऑफ़ सच एन इमरजेंसी इज टू मंथ मंथ्स का इमरजेंसी यहाँ पर लागू होता है इफ इट टू कंटिन्यू बियॉन्ड मंथ्स इट शुड बी रेटिफाइड बाय द पार्लियामेंट अगर दो महीने से ज़्यादा होना होगा तो मतलब पार्लियामेंट का परमिशन या फिर रेक्टिफिकेशन लगेगा द प्रोक्लेमेशन मे विल सीज टू अ वैलिड ऑफ सिक्स वैलिडिटी वैलिड फॉर सिक्स मंथ्स आफ्टर द डेट ऑफ द इशू इवन इन द पार्लियामेंट रेटिफाइज अगर जब पार्लियामेंट का रेटिफाई करने के बाद भी लास्ट जो रहेगा सिक्स मंथ्स तक वैलडिटी रहेगा उसके बाद नहीं होगा ठीक है उसके बाद एक री एलेक्शन हो जाएगा इट कैन हाउ एवर भी एक्सटेंडेड टू अनदर सिक्स मंथ्स एक और सिक्स मंथ्स के लिए एक्सटेंड हो सकता है दस प्रेजिडेंट वुल कैन नॉर्मली कंटिन्यू ओनली फॉर वन ईयर हाँ इससे ज़्यादा नहीं हो सकता वन ईयर के बाद आपको रीइलेक्शन करना ही है ठीक है इट मे बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड वन ईयर अंडर टू कंडीशन सिर्फ दो कंडीशन ऐसे होंगे जब एक्सटेंड होगा एक साल से ज़्यादा मैंने प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज ऑपरेशनल इन द होल इंडिया और इन एनी पार्ट ऑफ द स्टेट जब देखा जाए कि पूरे अगर देखा जाएगा कि उस टाइम में एक साल हो गया मान लो इमरजेंसी का और अगर एक साल एक्सटेंड करना तो कब होगा जब देखा जाए कि पूरे कंट्री में इमरजेंसी लागू है या फिर वेस्ट बंगाल मान लो एग्जाम्पल वेस्ट बंगाल किसी एक पार्ट में अभी भी इमरजेंसी का जरूरत है तो उसटेट में इमरजेंसी लागू रहेगा ठीक है और एनी देखो एनी पार्ट ऑफ द स्टेट यहाँ बुक में दिया हुआ है ठीक है द इलेक्शन कमीशन सर्टिफाइज दैट द होल्डिंग इलेक्शन और टू द लेजिस्लेटिव इन द स्टेट इज डिफिकल्ट अगर इलेक्शन कमीशन ये बोलता है कि सर अभी यहाँ पे इलेक्शन री इलेक्शन कराना पॉसिबल नहीं है बहुत डिफिकल्ट है तो यहाँ पे क्या होगा इमरजेंसी कंटिन्यू रहेगा ठीक है चलो हावे वह नो सच प्रोक्लेमेशन शैल रिमेन इन फोर्स फॉर मोर देन थ्री डेज तीन दिन से ज़्यादा नहीं होगा ठीक है चलो इफेक्ट्स ऑफ इमरजेंसी इन अ स्टेट क्या क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन इज डायरेक्टली प्लेस्ड अंडर द प्रेजिडेंट जब इफेक्ट क्या क्या इमरजेंसी के होते uh, हैं हो जो एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा उस स्टेट का डायरेक्टली किसके अंदर आ जाएगा प्रेजिडेंट के अंदर आ जाएगा दिस इज कॉल्ड प्रेजिडेंट्स रूल द गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट एक्ट्स इन अकॉर्डेंस विद द इंस्ट्रक्शन आर इशूड बाई द यूनियन गवर्नमेंट फ्रॉम द टाइम टू टाइम उस स्टेट का जो गवर्नर रहेगा वो वहाँ पे एक्ट करेंगे एज द हेड ऑफ द स्टेट कब किस किसके एडवाइस पे जो यूनियन गवर्नमेंट रहेगा उसके इंस्ट्रक्शंस के द्वारा वो वहाँ पर गवर्नर काम करेंगे ठीक है द प्रेजिडेंट में डिजोल्व द विधानसभा ऑफ द स्टेट और डिसमिस द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्रेजिडेंट क्या करेगा जो विधानसभा है वहाँ पर उसे डिसमिस uh, डिजोल्व कर देगा जो मतलब सी uh, एम है और उसके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उसको क्या करेगा डिजोल्व कर देगा और डिसमिस कर देगा उन्हें हटा देगा वहाँ से उनके काम से हटा देगा डिसमिस कर देगा काउंसिल ऑफ़ मिनिस्टर्स को ठीक है कीप द असेंबली एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन सस्पेंडेड एनिमेशन, ठीक है यहाँ पे क्या करेगा असम्बली को रखेगा मिनिस्टर्स को रखेगा लेकिन कब वहाँ पे सस्पेंडेड एनिमेशन रहेगा मतलब वो प्रेजेंट रहेंगे उनका कोई काम नहीं रहेगा जो काम करेगा गवर्नर करेगा ठीक है जो भी काम रहेगा एक्शन रहेगा कौन करेगा गवर्नर करेंगे ये लोग बस नाम के वहाँ पे रहेंगे ठीक है इन बोथ केसेज द यूनियन पार्लियामेंट कैन पास लॉज इवन ऑल द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट फॉर द दैट पर्टिकुलर स्टेट इवन द annual बजट ऑफ द स्टेट इज प्रेजेंटेड एंड passed by द पार्लियामेंट मतलब ऐसे अभी वेस्ट बंगाल का मान लो जो बजट है वो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट पेश करता है लेकिन अगर इमरजेंसी रहेगा तो वहाँ पे क्या होगा इसका हर काम सेंट्रल संभालेगा तो यहाँ का जो बजट भी आएगा स्टेट का वो भी कौन प्रेजेंट करेगा पार्लियामेंट प्रेजेंट करेगा ठीक है वेन द लोकसभा इज़ नॉट इन सेशन द प्रेजिडेंट में ऑथोराइज एक्स द प्रेजिडेंट में ऑथोराइज एक्सपेंडिचर आउट ऑफ द कंसॉलिडेट फंड ऑफ द स्टेट जब देखा जाएगा कि पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो वहाँ पे प्रेसिडेंट क्या करेगा कंसोलिडेटेड फंड से जो पैसा है उसे निकालेगा और किस पे खर्च करेगा उस स्टेट पे खर्च करेगा ठीक है क्योंकि वहाँ बजट तो पेश हो रहा नहीं है पार्लियामेंट सेशन में है नहीं पार्लिया अगर देखो अगर इमरजेंसी लागू मतलब कोई सरकार वहाँ पर है नहीं कोई गवर्नमेंट वहाँ पर है नहीं तो कौन काम करेगा पार्लियामेंट वहाँ पर उस स्टेट का काम करता है ठीक है लेकिन देखा जाता है कि पार्लियामेंट भी तो सेशन में नहीं तो वहाँ पे क्या होगा जो कंसॉलिडेट फंड है वहाँ से पैसे निकालेंगे उस स्टेट को रन करने के लिए ठीक है चलो द प्रेजिडेंट में सस्पेंड द प्रोविजन ऑफ कंस्टिट्यूशन रिलेटिंग टू एनी अथॉरिटी स्टेट एक्सेप्ट दोज ऑफ हाई कोर्ट कंस्टिट्यूशन से रिलेटेड जो भी वहाँ पर रहेंगे हाई कोर्ट को छोड़ के जितने भी अथॉरिटीज रहेंगे जो कि कंस्टिट्यूशन से रिलेटेड रिलेटेड रहेंगे ठीक है हाई कोर्ट को छोड़ के जो भी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो भी काम काज रहेंगे जो भी अथॉरिटीज uh, रहेंगे उनको क्या करेगा सस्पेंड कर दिया जाएगा उस स्टेट में ठीक है एक्सेप्ट द हाई कोर्ट कुछ एग्जाम्पल्स है ये आप पढ़ सक पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो बट एग्जाम में एग्जाम्पल्स कभी नहीं आएंगे प्लीज आप याद रखना अब आते हैं हम लोग फाइनेंशियल इमरजेंसी के पास ठीक है सरकमस्टेंसेस कब हो सकता है फाइनेंशियल इमरजेंसी इफ द प्रेजिडेंट इज सेटिस्फाइड द सिचुएशन हैज अराइज इन वेयर द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ़ द नेशन इज़ थ्रेटेड इट ही कैन डिक्लेयेर अ फाइनेंशियल इमरजेंसी जब प्रेजिडेंट को लगे कि हमारा फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब हो गया कंट्री का या फिर हम लोग कर्ज में बहुत डूब गए या फिर हमारा फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बद से बदतर हो गया तो वहाँ पे क्या करें फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर कर देगा ठीक है एक सेकेंड लग में आपसे वोट हाँ। अब आता ड्यूरेशन क्या रहता है सच अ प्रोक्लेमेशन टू बी लेट बिटवीन बोथ बिफोर बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड इज वैलिड फॉर टू मंथ्स अनलेस इट इज अप्रूव्ड बाई रेजोल्यूशन ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एमरजेंसी कब फाइनेंशियल लाया जाता है कब लाया जाता है जब बोथ द हाउसेज उस पर रेजोल्यूशन पास करें और टू मंथ्स टू मंथ्स के लिए वैलिड रहता है ठीक है अनलेस अप्रूव बाई द बोथ द हाउसेज ठीक है इफ़ द लोकसभा इज रिजोल्व वन सच अ प्रोक्लेमेशन इज मेड एंड रेजोल्यूशन इज सपोर्टेड बाई सपोर्टिंग इट इज़ पासड बाय द राज्यसभा जब देखा जाता है कि ऐसा कोई रेजोल्यूशन पास होता है और वहाँ पे लोकसभा डिसॉल्व हो चुका है तो कौन कंट्रोल करता है वहाँ पे कौन मेन एक्ट करता है वहाँ पे राज्यसभा लेकिन हमेशा याद रखिएगा जो मनी बिल होता है या फाइनेंस रिलेटेड जो भी चीज़ होता है वो कभी भी राज्यसभा में जनरेट नहीं हो सकता वो सिर्फ लोकसभा में ही होता है ठीक है द प्रोक्लेमेशन विल सीज टू एग्जिस्ट एट द एक्सपायरी ऑफ थर्टी डेज फ्रॉम द डे ऑन विच द लोकसभा फर्स्ट सिट्स आफ्टर द आफ्टर द रिकन्ट्रक्शन जो कंटिन्यूएशन रहेगा जो प्रोक्लेमेशन रहेगा जो भी सीज रहेगा फाइनेंशियल इमरजेंसी का उस पर कब कब लोकसभा काम करेगा जब फर्स्ट वो लोग अपना सेटिंग करेगा री इलेक्शन के बाद ठीक है चलो अब आता है इफेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी द प्रेडेंट में अपॉइंट अ फाइनेंस कमीशन टू सजेस्ट मेथड टू गेट आउट ऑफ द फाइनेंशियल क्राइसिस इफेक्ट क्या 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 प्रेजिडेंट एक फाइनेंशियल कमीशन बैठाएगा जो कि हेल्प करेगा सजेस्ट करेगा किस तरह से हम लोग उस फाइनेंशियल कंडीशन से बाहर निकले फाइनेंशियल क्राइसिस से हम लोग बाहर निकले ही में रिस्टोर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन द लाइट ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनेंशियल फाइनेशियल कमीशन का रिकमेंडेशन से वो बहुत सारे मतलब मेजर्स uh, लेंगे जिससे कि वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को पा सके उस कंट्री का मतलब हमारे कंट्री का इफ द प्रेजिडेंट कैन रिड्यूज दैलरीज एंड प्रेजिडेंट कैन रिड्यूज दैलरीज एंड अलाउं एनी क्लास ऑफ परसेंस इंक्लूडिंग जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट अब अब यहाँ पे क्या होगा प्रेसिडेंट जब फाइनेंशियल uh, इमरजेंसी के टाइम प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं किसी भी आदमी का मतलब जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनका क्या करेंगे सैलरी कम कर सकते हैं घटा सकते हैं बढ़ा सकते हैं बढ़ा नहीं सकते हैं घटा ही सकते हैं दैट इंक्लूड्स इवन द जज एंड ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट ठीक है हर कोई ऑल मनी बिल पास बाय द लोकसभा आर टू बी सबमिटेड टू द प्रेजिडेंट फॉर हिज कंडीशन कंसिडरेशन जितने भी मनी बिल पास लोकसभा से होते हैं कहाँ सबमिट होंगे सीधे प्रेसिडेंट के पास सबमिट किया जाएगा ठीक है जो भी मनी बिल पास होगा बाय हिज और हर आर टू बी सबमिटेड टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज कंसीडरेशन उनका कंसीडरेशन के लिए या फिर उनका सजेशन के लिए मनी बिल कहाँ सबमिट किया जाएगा प्रेजिडेंट के पास किया जाएगा ठीक है द प्रेजिडेंट कैन इशू इंस्ट्रक्शन टू द स्टेट इन रिगार्ड टू द यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड्स इन मैटर ही थिंग्स फिट प्रेजिडेंट क्या करेगा स्टेट्स को uh, स्टेट को इंस्ट्रक्शन देगा कि किस तरह से वो अपना मनी को यूटिलाइज़ करे ताकि वहाँ किस तरह से वो पैसे को यूटिलाइज करे जो कि बेस्ट वे रहेगा कौन करेगा सजेस्ट स्टेट को प्रेजिडेंट करेंगे स्टेट को कि अपना पैसे को आप किस तरह से यूटिलाइज़ करो ताकि वो बेस्ट हो कंट्री के लिए ठीक है चलो द प्रेजिडेंट में ऑर्डर द स्टेट टू सबमिट मनी बिल टू हिम फॉर हिज असेंट प्रेजिडेंट क्या कर सकते हैं हर स्टेट को बोलेंगे कि भाई जो भी मनी बिल का आपको जो बिल होता है वो डायरेक्ट हमें मुझे सबमिट करो प्रेजिडेंट को सबमिट करो ठीक है चलो फाइनेंशियल इमरजेंसी फिलहाल तो हमारे कंट्री में कभी डिक्लेयर नहीं किया गया है ठीक है आज से जब से इंडिपेंडेंस हुआ है तब से हम लोग फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी देखे नहीं है अब आता है चैप्टर का एक नया पार्ट जो कि हमारा वाइस प्रेजिडेंट है ठीक है आइए देखते हैं कि ये आर्टिकल सिक्सटी थ्रू सिक्सटी थ्री में पड़ता है ठीक है याद रखिए वन मार्क क्वेश्चन है क्वालिफिकेशन क्या है अ पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज अ वाइस प्रेजिडेंट इफ़ ही इज़ अ सिटीजन ऑफ इंडिया

सो हेलो गाइज वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीनियस क्लासेस आज का वीडियो है हमारा चैप्टर हाई कोर्ट के ऊपर ठीक है दिस इज़ अ कंबाइंड चैप्टर हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट बट एक्चुअली जनरली बहुत सारे बुक्स में क्या होता है कि सबार्डिनेट कोर्ट्स का एक अलग चैप्टर होता है सो so, हम इस वीडियो को सिर्फ हाई कोर्ट तक रखेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो जो कल आने वाली है वो आपका सबार्डिनेट कोर्ट के ऊपर रहेगा ठीक है सो प्लीज़ so, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा एंड अगर आपको कुछ समझ ना आए कोई टॉपिक तो आप प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन पर पिंक करिएगा या फिर हमारा वेबसाइट और हमारा टेलीग्राम चैनल है जो कि आप ज्वाइन कर सकते हैं ठीक है सो so, बिना किसी देरी करते हुए हम लोग चैनल के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं ठीक है आई होप यू इंजॉय इट ओके हाई कोर्ट सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स भी है बट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे ठीक है सो वी कीप इट टू हाई कोर्ट ओनली आ देखिए हाई कोर्ट द कंस्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर अ हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट हर स्टेट के लिए हाई कोर्ट दिया जाता है ठीक है पार्लियामेंट में हाव एवर एस्टाब्लिश कॉमन हाई कोर्ट्स फॉर टू और मोर स्टेट्स यूनियन टेरीटरीज पार्लियामेंट क्या करता है मान लो जैसे कोई एक स्टेट है जो कि बहुत छोटा है जहाँ पॉपुलेशन बहुत कम है वहाँ कोर्ट की उतनी जरूरत नहीं है क्या करता है एक कॉमन हाई कोर्ट बना देता है उस दो तीन स्टेट्स को मिला के जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि नॉर्थ ईस्ट इंडियन जो स्टेट्स होते हैं हमारे बहुत छोटे होते हैं बहुत पॉपुलेशन कम रहता है तो ऐसा कर सकता है मान लीजिए कि त्रिपुरा में एक हाई त्रिपुरा या फिर किसी एक स्टेट में एक हाई कोर्ट बैठा दे और जो सारे उसके नेबरिंग जो स्टेट छोटे छोटे स्टेट्स हैं वो वहाँ पर आके अपना प्रोसीडिंग्स पूरा करें ठीक है तो कॉमन वहाँ पर कर सकता है ठीक है चलिए दिस डिपेंड्स ऑन द एरिया एंड पॉपुलेशन ऑफ द टू विच हाई कोर्ट हैज़ टू सर्व एंड द अमाउंट ऑफ वर्क इट हैज टू हैंडल जैसे कि मैंने कहा था ठीक है पॉपुलेशन और एरिया में डिपेंड करता है देर आर ट्वेंटी फोर हाई कोर्ट्स इन इंडिया इंक्लूडिंग दोंग जोरिस्टिक मोर देन वन स्टेटी फोर ट्वेंटी फोर हाईकोर्ट्स हमारे कंट्री uh, में है जिसमें से ऐसा भी हाईकोर्ट है जिसके एक से ज्यादा स्टेट्स में पावर्स चलते हैं ठीक है अमंग द यूनियन टेरेटरीज ओनली दिल्ली हैजाई कोर्ट ऑफ इट्स ओन गोवा दमन दियू हेज अ जुडिशियल कमिश्नर वाइल द अदर टेरेटरीज हैव अंडर द जुरिजेक्शन ऑफ़ डिफरेंट हाई कोर्ट्स ठीक है ये कहता है कि सिर्फ दिल्ली एक ऐसा स्टेट यूनियन टेरीटरी है जिसका खुद का हाई कोर्ट है दमन दियू और गोवा जो है वो एक जुडिशल कमिश्नर वहाँ बैठते हैं और बाकी जो बाकी जो बचे बचे हुए यूनियन टेरेटरीज है वो क्या करते हैं डिफरेंट हाई कोर्ट्स में अपना प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ठीक है थेक्षा? उनके जो नेबरिंग स्टेट्स रहते हैं वहाँ पर जाके अब आता है कॉम्पोजिशन ईच हाई कोर्ट कंसिस्ट ऑफ अ चीफ जस्टिस एंड जजेस एज द प्रेडेंट ऑफ इंडिया में अपॉइंट फ्रॉम टाइम टू टाइम ठीक है हर कोर्ट में क्या होता है एक चीफ जस्टिस होता है और एक डिफरेंट uh, जजेस होते हैं जो कि प्रेजिडेंट उन्हें अपॉइंट करते हैं ठीक है बिसाइड्स प्रेजिडेंट हैज द पावर टू अपॉइंट क्या क्या देखते हैं एडिशनल जज फॉर अ टेम्पररी पीरियड नॉट एक्सीड टू ईयर्स फॉर द क्लियरेंस ऑफ हाँ क्लियरेंस ऑफ वर्क इन हाई कोर्ट क्या होता है मान लो कभी कभी हाई कोर्ट में प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ठीक है बहुत सारे काम ज्यादा आ जाते हैं तो क्या करता है प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि एडिशनल जज वहाँ पे बैठा सकें ताकि वो काम को जल्दी जल्दी खत्म कर सकें ठीक है जो प्रेजेंट जितने जज है परमानेंट जितने जज है उन पर प्रेशर ज़्यादा ना पड़े तो क्या होता है एक एडिशनल जज को बैठाया जाता है बाई हुम बाई द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया सेकेंड हैंड एक्टिंग जज विद अ परमानेंट जज इज़ टेम्प्रोली एबसेंट और अनएबल टू परफॉर्म इज ड्यूटीज़ और इज अपॉइंटेड टू एक्ट एज टेम्प्ररी एज सी जे आई द एक्टिंग जज होल्ड्स ऑफिस अन्टिल द परमानेंट जज रिज्यूम्स इज ऑफिस मान लो एक परमानेंट जज है वो किसी कारण अपना अपना अ, काम को काम को नहीं कर पा रहा है या फिर एबसेंट है या फिर वो टेम्पररी सी जे आई बना हुआ है चीफ जस्टिस ऑफ हाईकोर्ट बना हुआ है तो उनका वैकेंड है सीट तो वहाँ पर क्या होता है एक टेम्प्रेरी जज को बैठाया जाता है ठीक है जो कि परमानेंट जज से काम करते हैं और वो टेम्प्रेरी जज हटा दी जाता है जब परमानेंट जज वापस अपनी पोस्ट को संभाल लेते हैं ठीक है चलिए अब मीन आता है क्वालिफिकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कम्पोजन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है सीधे पॉइंट्स बात है हम लोग नंबर वन ही शुड बी अटिजन ऑफ इंडिया ऑब्वियस अब आता है पाकिस्तान बांग्लादेश के लोग को हम जज तो नहीं बना सकते ही शुड नॉट बी ओवर सिक्सटी टू ईयर्स ऑफ एज याद रखना सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है सिक्सटी फाइव ऑफ ईयर सिक्सटी फाइव से ज़्यादा नहीं होने चाहिए हाई कोर्ट में क्या होता है सिक्सटी टू से ज़्यादा नहीं होने चाहिए ठीक है ही हैज़ हेल्ड जुडिशियल ऑफिस इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर एटलीस्ट टेन ईयर्स ये पॉइंट ज़्यादा ये पॉइंट से अच्छा ये पॉइंट है ही हैज़ बीन एन एडवोकेट ऑफ अ हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट टेन ईयर्स पहला पॉइंट कहता है कि वो किसी भी कोर्ट uh, या जुडिशियल काम में अगर दस साल है तो वो क्वालिफाइड है या सेकेंड uh, पॉइंट कहता है कि अगर वो किसी भी uh, किसी भी हाई कोर्ट के अगर वो एडवोकेट है दस साल तक दस साल तक एटलीस्ट तभी वो क्वालिफाइड है ठीक है क्वालिफ द क्वालिफिकेशन ही शुड हैव बीन अ डिस्टिंग्विश जूरिस्ट ठीक है अगर वो एक अलग हट के थोड़ा जुडिश नहीं हो जैसे इन्हें अपॉइंट कौन करता है प्रेजिडेंट करता है तो अगर वो देखा जाता है कि हाई कोर्ट में नहीं है उससे लोअर कोर्ट में है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मतलब प्रेजिडेंट के नज़र में आ गया बाकी जो सी जे आई और, और जजे के आंख में आ गया तो उसे क्या करता है अपॉइंट कर दिया जाता होता है ना क्लास में जो टॉपर आता है टीचर्स सब उसे पसंद करते हैं सेम चीज़ ठीक है अब आता है अपॉइंटमेंट द सी जे आई द चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट इज़ अपॉइंट बाई द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेसन विद द सी जे चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द गवर्नर ऑफ द कंसर्ट स्टेट कैसे अपॉइंट किया जाता है सी जे जो सी जे होता है जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होता है वो किस तरह से अपॉइंट किया जाता है अपॉइंटेड बाई द प्रेजिडेंट विद द कंसल्टेंट बाई कंसल्टिंग विद द सी जे आई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड द गवर्नर ऑफ दट पर्टिकुलर स्टेट मान लो वेस्ट बंगाल में एक चीफ आप वेस्ट बंगाल के हाई कोर्ट में एक चीफ जस्टिस को अपॉइंट करना है तो प्रेजिडेंट आएंगे ठीक है वो चूज़ करेंगे किससे कंसल्ट करेंगे सिर्फ सो, अ, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से कंसल्ट करेंगे ठीक है और जो गवर्नर है वेस्ट बंगाल के उनसे कंसल्ट करेंगे ठीक है ये प्रोसेस होता है अदर जजेज ऑफ द हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट शैल कंसल्ट द स्टेट एंड द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट इन द मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ अ जज टू द हाई कोर्ट ठीक है अदर जजेस को कौन अपॉइंट करता है प्रेजिडेंट अपॉइंट करता है किससे कंसल्ट करके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करके गवर्नर ऑफ द स्टेट से कंसल्ट करके और उस हाई कोर्ट की जो जो चीफ जस्टिस है उनसे कंसल्ट करके ठीक है अपॉइंट किए जाते हैं अब भाई आता है कंडीशन ऑफ द सर्विस क्या क्या है सर्विस कंडीशन ऑफ द हाई ऑफ द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट एंड दैट द हाई कोर्ट आर इंडिपेंडेंट एंड कैरिंग आउट द वर्क फ्राम द लेजिस्लेटिव एंड द एग्जीक्यूटिव विंग्स ऑफ द गवर्नमेंट ठीक है ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है नहीं ये उतना ध्यान नहीं देना होगा ठीक है हम लोग आते हैं जो मेन मेन पॉइंट्स है यहाँ पे रिटायरमेंट रिमूवल एंड ट्रांसफर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ठीक है आइए देखते हैं पहला पॉइंट क्या है अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट एन्जॉय सिक्योरिटी ऑफ टेनवर एंड कैन रिमेन इन द ऑफिस टिल ही अटेंड्स द एज ऑफ 62 टू ईयर जैसे कि मैंने कहा था वो अपने ऑफिस में तब तक रह सकते जब तक कि वो 62 टू ईयर्स के एज के पार नहीं कर जाते ठीक है नाइदर एन एडिशनल नॉर एन एक्टिंग जज कैन होल्ड एन ऑफिस बियॉन्ड द एज ऑफ सिक्सटी टू ना ही एक टेम्परे जज परमानेंट जज एक्टिंग जज या एडिशनल जज जो भी है 62 इयर्स तक ही अपने ऑफिस को होल्ड कर सकते उसके बाद वो कंटिन्यू नहीं कर सकते जज ऑफ हाई कोर्ट कैन बी रिमूव बाय द प्रेजिडेंट ऑफ द प्रेजिडेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ़ प्रूव मिस बिहेवियर और इनकेपेसिटी ठीक है ऑन एन एड्रेस ऑफ ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट जज ऑफ़ हाईकोर्ट कैसे रिमूव कर सकते सेम जो सुप्रीम कोर्ट चैप्टर मैंने पढ़ाया था सेम इसी तरह कि अगर कोई मिस बिहेवियर या फिर अपना पावर का मिस यूज़ करते हुए पकड़ा जाते हैं तो क्या होगा दोनों हाउस का परमिशन लगेगा ठीक है दोनों हाउस का जो प्रोसीडिंग्स होगा वहाँ पर तभी उन्हें हटाया जा सकता है ठीक है देखो ऑन एंड एड्रेस ऑफ द ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट दोनों हाउस का एड्रेस चाहिए वहाँ पे सच एन एड्रेस मतलब रिक्वेस्ट शुड बी सपोर्टेड बाई अ मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस एंड बाई टू थर्ड ऑफ द मेम्बर्स ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग मेजोरिटी होना चाहिए या फिर मिनिमम टू थर्ड ऑफ द मेम्बर्स को वोट करना पड़ेगा वहाँ पे ठीक है दिस प्रोसीडर इज नोन एज इम्पीचमेंट एंड एंड इज सेम फॉर द चीफ जस्ट फॉर अ जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट सेम जैसे सुप्रीम कोर्ट में इम्पीचमेंट होता है जज का और सी जे आई का सेम यहाँ पे भी हाई कोर्ट का जज और सी जे को हटाया जाता है विथ इम्पीचमेंट थ्रू इम्पीचमेंट याद रखिएगा वन वर्ड क्वेश्चन में आ सकता है कि जज ऑफ हाई कोर्ट को किस तरह से हटाया जा सकता है इम्पीचमेंट के द्वारा ठीक है चलिए इन अगस्त 2011, थाउजेंड इलेवन अचीव जैसे सोमित्रा सेन ऑफ द कैलकाटा कोर्ट बिकेम द फर्स्ट जज इन इंडियाज हिस्ट्री अगेंस्ट होम एंड इम्पीचमेंट मोशन वॉज पासड इन राज्यसभा ठीक है जस्टिस सेन वॉज चार्ज विद मिस प्रपोजल ऑफ पब्लिक फंड पब्लिक फंड में कुछ घोटाला के लिए उन्हें पकड़ा गया था हवे जस्टिस सेन एस्केप्ड इम्पीचमेंट एज लोकसभा ड्रॉप द प्रोसिडिंग्स अगेंस्ट हिम वेन ही रिजाइंड फ्राम इस पोस्ट एज हाई कोर्ट जज उन्होंने क्या किया जल्दी से अपने आप को रिजाइन कर दिया जिससे कि वो इम्पीचमेंट का जो दाग है वो हट गया उनके वो इम्पीच नहीं हुए क्योंकि उन्होंने पहले से रिजाइन कर चुका था ठीक है और लोकसभा ने बोल दिया राज्यसभा को भाई ये तो अब जज है ही नहीं तो इसे इम्पीच कैसे करोगे आप ठीक है क्योंकि इन्होंने तो पहले ही रिजाइन कर चुका है ठीक है तेज आदमी थे नंबर टू द प्रेजिडेंट कैन ट्रांसफर एनी जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर ओनली इफ द फॉलोइंग कंडीशन आर फुलफिल्ड क्वेश्चन आ सकता है ठीक है तो चार पॉइंट है चार मार्क्स का आ सकता है ठीक है या फिर तीन मार्क्स का आ सकता है तो तीन, तीन पॉइंट लिखना रहता है नंबर वन ऑर्डर्स ऑफ ऑर्डर्स फॉर ट्रांसफर कैन बी इशूड आफ्टर कंसल्टिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ट्रांसफर कैसे होगा चीफ जस्टिस जे से कंसल्ट करके होगा द चीफ जस्टिस ऑफ इंडियाज रिकमेंडेशन मस्ट बी मेड इन कंसल्टेशन विथ फोर सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ठीक है रिकमेंडेशन कब होगा जब वो चार सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट कर लेंगे तब सी जे आई ठीक है द व्यू ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट वन फ्रॉम विच द ट्रांसफर इज टेकिंग प्लेस एंड अनदर फ्रॉम विच द ट्रांसफर इज टू बी अफेक्टेड मस्ट ऑल्सो बी ऑपटेंड देखो चीफ जस्टिस की मान लो कोर्ट ए कोर्ट बी कोर्ट ए से आपको कोर्ट बी में ट्रांसफर किया जाता है हर कोर्ट में एक सी चीफ जस्टिस होता है कोर्ट ए में भी एक चीफ चीफ जस्टिस है और कोर्ट बी में भी एक चीफ जस्टिस है तो यहाँ पे पॉइंट कहता है कि आपको दोनों का व्यू लेना पड़ेगा परमिशन एक तरह से बोलो परमिशन या व्यू जो भी आप बोलो दोनों का लेना पड़ता है किसका किसका कोर्ट ए का चीफ जस्टिस से जो कि ट्रांसफर कर रहा है टू द कोर्ट बीस चीफ जस्टिस जहाँ पर ट्रांसफ़र हो रहा है ठीक है डोंट गेट कन्फ्यूज जहाँ से हो रहा है उनका परमिशन और जहाँ पर हो रहा है उनका परमिशन ठीक है चीफ जस्टिस का ठीक है चलो मश ऑल्सो भी अपटेंड ठीक है ये थर्ड पॉइंट वेन अ जज हैज बिन ट्रांसफर्ड ही शैल बी एंटाइटेड टू अ कम्पेंसेंटरी अलाउंस इन एडिशन टू हि सैलरी अगर ट्रांसफर जब किया जाता है तो उनको कुछ कम्पेंसेशन के तौर पर कुछ अलाउंसेस दिया जाता है एडिशन सैलरी के ऊपर में सैलरी तो मिलता ही है बट और कुछ अलाउेंसेज उन्हें दिए जाते हैं ऐसे ही ऐसे भाई सैलरी एंड एमोलमेंट ऑफ जजेस द चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट एंड अदर जजेस ऑफ द हाई कोर्ट आर पेड अ मंथली सैलरी आर पार्लियामेंट एक सैलरी में मिलता है उन्हें जो कि पार्लियामेंट डिसाइड करते हैं दे आर एंटाइटल टू हाँ रेंट फ्री एकोमोडेशन एंड अदर अलाउंसेज रेंट फ्री घर रहना फ्री है और अदर अलाउंसेज उन्हें जो मिलते हैं एक्स्ट्रा आफ्टर रिटायरमेंट दे गेट अ पेंशन पेंशन मिलता है द सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ द जजेस कैन नॉट बी चेंजड टू दर डिसवान्टज डिंग द कोर्स ऑफ देर सर्विस एक्सेप्ट डरिंग द पीरियड ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी जब तक कि कंट्री में फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं आता तो उनका सैलरी या अलाउंसेस में कोई कमी नहीं आएगी ये पॉइंट ये कहता है ठीक है अगर इमरजेंसी आया, तो डिपेंड करता है कमी आनी है सबके में आती है लेकिन अगर इमरजेंसी नहीं है तो उनका सैलरी और अलाउंसेज में कभी कोई कमी नहीं आ सकती ठीक है द सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट आ चेंजड ऑन एन सॉरी आ चार्ज ऑन द कंसॉलीडेटेड फंड ऑफ द स्टेट सो दीज कैन नॉट बी वोटेड अपॉन बाय द स्टेट लेजिस्चर जो कि हमारा जो मेन जो यूनियन uh, जो टैक्स होता है टैक्स का जो हमारा पे रहता है जो कि फ़ंड रहता है उसमें से इन्हें सैलरी मिलती है तो तो इससे क्या होता है स्टेट लेजिस्लेचर इसमें हाथ नहीं दे सकते ठीक है हाई कोर्ट स्टेट्स का होता है लेकिन जो सैलरी नहीं आती वो सेंट्रल से आती है तो इससे क्या होता है स्टेट गवर्मेंट इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकता है ठीक है चलो रेस्ट्रिक्शंस ऑन प्रैक्टिस ठीक है इंपॉर्टेंट पॉइंट है अ जज हु हैज हैजर्कड एज अ परमानेंट जज ऑफ अ हाई कोर्ट कैन प्रैक्टिस आफ्टर इज रिटायरमेंट ओनली इन द सुप्रीम कोर्ट और इन दीज और इन कोर्ट हाई कोर्ट्स वेर ही हैज़ नॉट सर्व एज अ जज ठीक है ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा एक हाई कोर्ट का जज जो रिटायर कर चुका है वो कहाँ प्रैक्टिस कर सकता है वो सिर्फ या तो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकता है या फिर उन हाई कोर्ट्स में प्रैक्टिस कर सकता है जहाँ पे वो अपना कभी हाई कभी वो जज नहीं बना हो मान लो कैलकाटा हाई कोर्ट का एक जज है वो रिटायर किए ठीक है मान लो तो वो या तो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं क्योंकि याद रखना उनका क्या रहता है सिक्सटी फाइव ईयर्स ऑफ एज रहता है इसीलिए वो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं ठीक है थेके? और या तो अगर सुप्रीम कोर्ट में नहीं करना चाहते हैं तो या तो वो किसी भी स्टेट का हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं वेस्ट बंगाल को छोड़ के बात समझे जिस स्टेट का वो जज थे उस स्टेट का हाई कोर्ट को छोड़ के वो किसी भी हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं ठीक है थेके? या मान लो एक जज जो यूपी हाई कोर्ट से भी जज रह चुके हैं और कोलकाता हाई कोर्ट में भी जज हो चुके हैं तो यूपी और कोलकाता कोर्ट छोड़ के वो किसी भी स्टेट में काम कर सकते हैं ठीक है थेके? ये पॉइंट ये कहता है ही इज़ प्रोहिबिटेड फ्रॉम प्रैक्टिसिंग इन अदर कोर्ट्स और जुडिशल ट्रिब्यूनल्स उस वो, वो जितने भी सेशन कोर्ट्स होते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं जितने लोअर कोर्ट्स होते हैं वहाँ पे उन्हें प्रोहिबिशन है प्रोहिबिटेड है वहाँ पे वो काम नहीं कर सकते हैं ठीक है थेके? चलो अदर कंडीशंस दो पॉइंट है अ जज में रिज़ाइन हाँ रिजाइन एक सेकेंड अ जज में रिज़ाइन इज ऑफिस बट राइटिंग अंडर इज हैंड एड्रेस टू द प्रेजिडेंट जज को रिज़ाइन करना तो कैसे होगा वो एक लेटर लिखना पड़े किसको द प्रेजिडेंट को ठीक है the office of a judge of a high court shall be vacant when a, when he is appointed by the president to be judge of a, of a supreme court or when he is transferred from one court or high court ठीक है और अदर high court हाँ ये पॉइंट कहता है कि एक एक the office of a judge of a high court shall be vacant when the he is appointed हां एक ऑफिस जो जो जज का रहता है हाई कोर्ट का वो वैकेंट कब हो सकता है जब आइदर वो सुप्रीम कोर्ट के लिए अपॉइंट हो चुका है ऑब्वियस अब बात है नया जज को आने में टाइम लगता है तो वो सीट वैकेंट रहती या फिर हाँ या फिर वो किसी ए हाई कोर्ट से बी हाई कोर्ट में उनका ट्रांसफर हो गया तो ऑब्वियस अब बात है कुछ दिन के लिए ए हाई कोर्ट में उनका जो सीट है वैकेंट रहेगा ठीक है ये पॉइंट है अगर नहीं समझ आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा हम संग संग आपको रिप्लाई करेंगे ठीक है प्लीज़ पावर एंड जुरिजिक्शन ऑफ अ हाई कोर्ट, द जुरिजिक्शन ऑफ अ कोर्ट ऑफ अ स्टेट एक्सटेंड्स टू द टेरिटोरियल लिमिट लिमिट्स ऑफ दैट स्टेट ये पॉइंट कहता है एक कोर्ट का पावर कहाँ तक जाता है उस ये पॉइंट कहता है कि हाईकोर्ट का पावर कितना रहता है उस हाई कोर्ट का पावर रहता है उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर ही रहता है फॉर एग्जाम्पल कैलकाटा हाई कोर्ट कैलकाटा हाई कोर्ट का जो पावर है वो सिर्फ वेस्ट बंगाल तक ही सीमित है ठीक है वेस्ट बंगाल के बाहर नहीं यूपी में कुछ हो रहा हो तो यूपी का खुद का कोर्ट संभालेगा कैलकाटा हाईकोर्ट वहाँ कुछ नहीं बोल सकता ठीक है चलो इफ दर इज़ अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर टू मोर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज दें द जोरिस्डिक्शन ऑफ सच कोर्ट एक्सटेंड टू द टेरेटरी लिमिट्स ऑफ द स्टेट और द यूनियन टेरिटरीज मान लो कोई आ, स्टेट में हाई कोर्ट है जो कि दूसरे स्टेट से शेयर करता है ठीक है मान लो जैसे मैंने आपको कहा था ना कोई नॉर्थ ईस्ट का कोई एक स्टेट में हाई कोर्ट है वो अपने आसपास पास का जहाँ हाई कोर्ट्स नहीं है जिन जिन स्टेट में और उसका काम वो खुद करता है तो इनका लिमिट्स कहाँ तक होता है वो जितने भी स्टेट्स का वो पावर शेयर करता है जितने भी स्टेट्स का वो काम करता है वहां तक तो उनका लिमिट एक्सटेंड हो जाता है ठीक हाँ, है उससे बाहर नहीं चलिए हाँ ओरिजिनल ज्यूरिस्टिक्शन ठीक है सीधा पॉइंट्स पाते हैं ओरिजिनल जुरिस्टिक्शन क्या होता है डायरेक्ट जो कोर्ट के पास जाए किसी के थ्रू ना जाए ठीक है डायरेक्ट जो कोर्ट में आप अपील कर सकते हैं ठीक है पॉइंट वन इटा हाँ पॉइंट वन इट हैज़ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ओवर मैटर्स रिलेटिंग टू स्टेट रेवेन्यू एंड इट्स कलेक्शन एक स्टेट मान लो कलकाटा हाई कोर्ट मैं कलकाटा में रहता हूँ इसलिए मैं आपको कलकटा का एग्जाम्पल दे रहा किसी भी स्टेट में सेम चीज होता है ये पॉइंट कहता है कि उस स्टेट का रेवेन्यू और उसका कलेक्शन पे उसका डायरेक्ट हाथ रहता है मान लो किसी भी स्टेट में हर स्टेट में टैक्स कलेक्शन होता है ठीक है तो उसका रेवेन्यू आता है जो कि सेंटर के पास दिया जाता है तो इन सब मैटर पे हाई कोर्ट का जो रहता है डायरेक्ट हाथ रहता है उसके रिगार्डिंग आप कभी भी हाई कोर्ट उस पर केस कर सकता है ठीक है स्टेट के अगेंस्ट केसेस रिगार्डिंग विल्स डाइवोर्स मैरिज कंपनी लॉ एंड ऑफ कोर्ट मे बी रेफर्ड और ब्रॉड बिफोर द हाई कोर्ट डायरेक्टली मान लो ये सब जो डिवोर्स हुए मैरिज का हुआ कंपनी लॉ हुए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुए इन सब केसेस रिलेटेड आप डायरेक्ट हाई कोर्ट में जा सकते हो ठीक है चलो एवरी हाई कोर्ट हैज़ द पावर टू इंटरप्रेट द कंस्टिट्यूशन द पावर इज नोन एज द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू ठीक है ये पॉइंट कहता है कोई भी हाई कोर्ट जैसे सुप्रीम कोर्ट का था कस्टोडियन द कॉन्स्टिट्यूशन रहता है तो सेम हाई कोर्ट भी क्या करता है कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन uh, को इंटरप्रेट कभी भी कर सकता है जब तक उस जब भी उसका मन रहे वो यूज़ कर सकता है ठीक है और कोई कोर्ट नीचे जो लोअर कोर्ट्स है वो यूज नहीं कर सकते हैं ठीक है थेके? ये पॉइंट वही कहता है जुडिशल रिव्यू उसे कहते हैं अलॉन्ग विद सुप्रीम कोर्ट इट इंजॉयज़ औरिजनल जोरिजिक्शन फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स गारंटेड बाय द कंस्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स को गारंटी करने में जैसे सुप्रीम कोर्ट का पावर रहता है सेम इसके पास भी सेम पावर है ठीक है इट इट कैन ऑल्सो इशू रिट्स फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट जो रिट्स हैवियस कॉर्पस मैंडमस कोट्योरे प्रोहिबिशन जो पाँचों रिट्स है वो ये लागू कर सकता है ठीक है कभी भी चलो हाँ ये रहे हमारे कुछ हाई कोर्ट्स कहाँ कहाँ हैं आप पढ़ लीजिएगा हालांकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है टेंथ के एग्जाम में नहीं पूछे जाते बट जानने में ज्ञान रखने में कोई बुराई नहीं है चलो पॉइंट नंबर फाइव द हाई कोर्ट हैज़ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इन केसेस सच एज इलेक्शन पटिशन चैलेंजिंग द इलेक्शन ऑफ अ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और अ मेंबर ऑफ़ स्टेट लेजिस्लेचर और अदर लोकल बॉडीज मान लो कोई धोखेधड़ी करके चीटिंग करके या गलत काम करके कोई मेंबर बन जाता है पार्लियामेंट का स्टेट लेजिस्लेचर का कहीं का भी तो आप डायरेक्ट कोर्ट में जा चैलेंज कर सकते हो भाई तुमने ये घोपला ये घपला किया या फिर चोरी के वोटिंग में तो आप डायरेक्ट चैलेंज कर सकते हो हाई कोर्ट में जाके ठीक है एप्लेट जोरिजेक्शन ऑफ हाई कोर्ट मीन्स द हाई कोर्ट हैज़ द पावर टू एक्सेप्ट अपील्स अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द डिसीजन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन अ सिविल एज वेल एज क्रिमिनल मैटर्स ये पॉइंट कहता है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई भी जो कोर्ट डिसीजन सुनाया सुनाया गया होगा उसको डायरेक्टली अगेंस्ट उसके बोल सकता है इनके पास इतना पावर रहता है ठीक है एक्सेप्ट द अपील मान लो डिस डिसीजन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई केस सुना देगा कि भाई इस बंदे को दस साल की सज़ा हो गई तो मैं क्या करूँगा हाई कोर्ट में अपील अपील करूँगा सर इतना बड़ा गलती नहीं था कि मुझे दस साल की सज़ा मिले तो इसका डिसीजन को हाई कोर्ट क्या कर सकता है कभी भी अपील अगेंस्ट जा सकता है उसके ठीक है चलो सिविल केसेस ओनली दोज केसेस विच आर डिसाइडेड बाय द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अंडर द जूरीजक्शन ऑफ हाई कोर्ट कंसर्न कैन बी ब्रॉड थ्रू द हाई कोर्ट बाय ए अपील ठीक है अपील्स कैन बी ब्रॉड इन द हाई कोर्ट क्या क्या पॉइंट्स रहते हैं द मैटर्स कंसर्निंग लैंड रेवेन्यू एंड ठीक है एक सेकेंड सिविल कोर्ट से हाँ जो जो सिविल केसेस रहते हैं उसके रिलेटेड भी आप, आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हो क्या क्या पॉइंट्स हैं यहाँ जैसे कंसर्निंग लैंड रेवेन्यू जो भी लैंड के रेवेन्यू वगैरह पर्पज में जो भी सिविल चीज होता है ना उसके लिए आप, आप अपील कर सकते हो इन केस वेयर द इनजस्टिस ब्लेटेंट इनजस्टिस हैज़ बीन कमिटेड बाई अ ट्राइब्यूनल कोई भी लोअर कोर्ट जो रहता है उनसे अगर गलत डिसीजन दे दिया गया इनजस्टिस दे दिया गया तो उसके लिए आप अपील कर सकते हो ठीक है इन सच ठीक है ओ आई थिंक अच्छा अच्छा इनका पेज दे दो हाँ यहाँ पर सॉरी ठीक है इनकेस द हाई कोर्ट में कॉश द ऑर्डर ऑफ़ द ट्रिब्यूनल यहाँ पर क्या होता है जो भी उसका जो ऑर्डर रहेगा जो भी लोअर कोर्ट का उसको डायरेक्ट क्या कर सकते हैं स्थगित कर सकते हैं कैंसिल कर सकते हैं ठीक है स्क्वॉश मतलब कैंसिल हटा दो उसका डिसीजन को नहीं माना जाएगा ठीक है ये अरे कुछ सिविल केसेस इंपॉर्टेंट थे तो नेक्स्ट आता है क्रिमिनल केसेस क्या क्या हाई कोर्ट में आप अपील कर सकते हैं एपलेट जुडिशक्शन के थ्रू नंबर वन देखो अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ अ सेशन जज और एन एडिशनल सेशन जज वैथ द सेंटेंस ऑफ इम्प्रेजनमेंट एक्सीड सेवन ईयर्स मान लो जो सेशन जज है उन्होंने किसी केस पे आपको सात साल से ज़्यादा का इंप्रेजनमेंट uh, दे दिया तो आप उसके अगेंस्ट क्या कर सकते हैं uh, कोर्ट में अपील कर सकते हो जाके ठीक है अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ एन असिस्टेंट सेशन जज चीफ चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट और अदर जज अदर जुडिशियल मैजस्ट्रेट्स वेथ द सेंटेंस ऑफ इंप्रजनमेंट एक्सीड्स फोर ईयर्स इन डेलीकेट्स के थ्रू अगर कोई भी बंदे को इम्प्रेजमेंट चार साल से ज़्यादा का अगर दिया जाता है एक्सीड करता है चार साल से तो आप हाईकोर्ट में जाके केस कर सकते हो ठीक है अगेंस्ट द स्टेट वेन द ऑर्डर ऑफ एक्विटल इज पासड बाई अ सेशन जज एक्विटल क्या होता है जब कोई भी इज़ नॉट गिल्टी ऑफ अ क्राइम बट ही सेंटेंस टू इंप्रेजनमेंट या फिर उसको गिल्टी धराया जाता है वो गिल्टी नहीं है बट उन्हें गिल्टी बताया जाता है तो आप उसके अगेंस्ट केस कर सकते हो हाई कोर्ट में ठीक है अ सेंटेंस ऑफ डेथ मजब भी कंफर्म बाई द हाई कोर्ट बिफोर इट कैन भी कैरिड आउट अगर डेथ सेंटेंस दिया जाता है तो आपको हाईकोर्ट का परमिशन लगेगा दैट इज कंपल्सरी ओके चलो मेन पॉइंट आता है वट इज द फंक्शन वट आर द फंक्शन ऑफ अ हाई कोर्ट ओके चलो सेटलमेंट ऑफ़ डिस्प्यूट नंबर वन द हाई कोर्ट हैज़ ओरिजिनल जोरिस्ट्रिक्शन टू सेटल डिस्प्यूट्स रिलेटिंग स्टेट्स रेवेन्यू एंड कलेक्शन ठीक है स्टेट्स रेवेन्यू कलेक्शन में जो भी डिस्प्यूट्स हैं वहाँ पर सेटल करता है टू हियर डायरेक्टली केस इज रिलेटेड टू विल डाइवर्स मैरिज कंपनी लॉ एंड कंटेम्ट ऑफ कोर्ट के पे डायरेक्ट केसेज सुनता है टू इंटरप्रेट द कंस्टिट्यूशन ठीक है फॉरमेंट फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन्फोर्समेंट ऑफ जितना भी पॉइंट्स आप ऊपर पढ़े सेम चीज़ को यहाँ पे लिखा हुआ है जिस्ट में ठीक है एंड पटिशंस रिलेटेड टू इलेक्शन ऑफ एम पीज़ एम एल एज अदर लोकल बॉडीज ठीक है ये सब के बारे में हाईकोर्ट सुनता है ऑन अपील हाई कोर्ट हज़ द पावर टू एक्सेप्ट अपील्स अगेंस द डिसीजन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन बोथ द सिविल एंड क्रिमिनल केसेज आई डिस्कस्ड अर्लियर इन द चैप्टर ठीक है मान लो कोई भी डिसीजन सुनाया गया जो कि इज नॉट करेक्ट मे बी इट्स नॉट करेक्ट बाई द सिविल कोर्ट और द सेशन कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो कोई भी लोअर कोर्ट हो वहाँ पर आप जाके हाई कोर्ट में अपील कर सकते हो ठीक है चलो एन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स पावर टू इशू रिट्स ऑल द हाई कोर्ट्स आर एम पावर टू इशू अ रिट इज़ एन ऑर्डर फ्राम जुडिशियल अथॉरिटी आस्किंग अ पर्सन टू परफॉर्म सम एक्ट और रिफ्रेन फ्राम परफॉर्मिंग एन एक्ट उतना कोई इम्पोर्टेंट ही पार्ट नहीं है आपको जो भी इधर रिट्स जो आपको पांच रिट्स याद करने यहाँ पांच रिट्स के नाम दिए गए इश्यूड किया गया हेबियस कॉर्पस मैंडमस प्रोहिबिशन को वारंट टू सर्ट्य ये बस पांचों याद करें जो कि मैंने सुप्रीम कोर्ट चैप्टर में कंप्लीट कर चुका है आप प्लीज़ उस वीडियो को देखिएगा मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ आप देखिएगा आपको समझ आ जाएगा ठीक है यहाँ पर उतना पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है सेम चीज़ है ठीक है वहाँ पर आपको मैंने हर रिट्स को अच्छे से एक्सप्लेन किया है ठीक है दिस रिट्स आर ग्रेटली आर ग्रेटली इंस्ट्रूमेंटल इन द प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ अ सिटीजन ठीक है द नेचर एंड स्कोप ऑफ दीज रिट्स हैव बीन एक्सप्लेन इन द प्रीवियस चैप्टर जैसा कि मैंने कहा था प्रीवियस चैप्टर में बता दिया बता दिया मैंने विच डील्स विद द जुडिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ठीक है सुप्रीम कोर्ट चैप्टर आप देखिएगा आपको पता चल जाएगा वहाँ पे एडवाइसडी जुडिसडिक्शन द हाई कोर्ट कैन एडवाइस एनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट लेजिस्लेचर और द गवर्नर इफ दे सीक इट इन कंसल्टेशन as well as other matters of law these their advice is not binding on the agency seeking such advice जो हाई कोर्ट है वो कि, जैसे कि यहाँ पे क्या कह रहा एनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट लेजिस्लेचर जैसे एमएलए वगैरह हुए या फिर जो गवर्नर ऑफ स्टेट है अगर कोई भी चीज़ में उनको कुछ राय की जरूरत है या फिर कुछ हेल्प की ज़रूरत है या कुछ सजेशन की ज़रूरत है तो हाई कोर्ट उसे सजेस्ट कर सकता है लेकिन ये कंपल्सरी नहीं है कि हाई कोर्ट के सजेशन को इन्हें एक्सेप्ट करना ही है ठीक है हाई कोर्ट जो सजेशन दिया दैट इज़ नॉट कम्पल्सरी टू बी एक्सेप्टेड बाई द डेलीकेट्स लाइक द गवर्नर ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ठीक है चलो रिवाइज जुडिस्ट्रिक्शन रिवाइज जुडिस्ट्रिक्शन मीन्स दै द हाई कोर्ट कैन कॉल फॉर द रिकॉर्ड ऑफ ए केस विच हैजीन डिसाइडेड बाई सबार्डिनेट कोर्ट मान लो रिवाइज रिवाइज आप समझ रहे हो कोई भी चीज़ को रिव्यू करना मान लो कोई केस है जहाँ पर सबॉर्डिनेट कोर्ट ने अपना डिसीजन सुना दिया है तो उसे क्या फिर से चेक करने के लिए कभी भी हाई कोर्ट बोल सकता है कि मैं चेक करूंगा आप मेरे सामने लेके आओ ठीक है दिस इज़ डन बिकॉज ऑफ द हाई कोर्ट फीस दैट द सबॉर्डिनेट कोर्ट हैज़ एक्सरसाइज अ जुरिस्टिक्शन नॉट वेस्टेड इन इट और द लेटर हैज़ नॉट फॉलोड द प्रॉपर प्रोसीड्योर मान लो हर किसी का पावर डिवाइडेड रहता है ठीक है अगर उस पावर को वो एक्सीड करे ठीक है अगर वो पावर को एक्सीड करे, को करे तो हाई कोर्ट क्या बोलता है भाई तुमने अपना पावर एक्सीड किया सो so, केस मेरे पे तो ठीक है या फिर अगर किसी प्रॉपर प्रोसीडिंग्स से अगर फॉलो नहीं किया उस केस के लिए तो क्या कोर्ट बोलेगा भाई मुझे दे दो मैं चेक करूँगा ठीक है देर फॉर द हाई कोर्ट कैन रिव्यू द केस एंड टेक अप्रोप्रियट एक्शन ऑन इट वहाँ पर क्या करेगा रिव्यू करेगा फिर से केस भाई क्या क्या प्रॉब्लम हुआ है क्या क्या डिसीजन सुनाया गया क्या क्या सबूत है क्या क्रिमिनल कहना चाहता है सब कुछ सुन के उस पर एक नया डिसीजन दे सकता है और एक्शन लेगा उसके तहत ठीक है इट इज़ नोन एज द रिवाइसरी जोशन ऑफ हाई कोर्ट ठीक है वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट प्लीज लर्न इट अंडरस्टैंड इट इन जस्टिस और एन एरर ऑफ लॉ एप्रेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड ठीक है इनजस्टिस जहाँ कहीं भी दिया होगा तो उस पर वो फिर से रिव्यू करेगा अपना जस्टिस दिलाएगा जैसे चाहिए वायलेशन ऑफ़ द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस नेचुरल जस्टिस जो जस्टिस उसका कोई भी प्रिंसिपल हर किसी का एक प्रिंसिपल होता है कि मैं अपने प्रिंसिपल्स पे लगा रहूँगा या फिर एक जस्टिस देने का जो प्रिंसिपल्स या फिर जो रूल्स होते हैं नेचुरल रूल्स उसको ब्रेक नहीं करना होगा ठीक है द वायोलेशन ऑफ प्रिंसिपल वायलेशन होगा तो क्या हाईकोर्ट वहाँ पर रिव्यू करेगा ठीक है आर्बिटरी अथॉरिटी लीडिंग टू रॉन्ग जजमेंट ऑथॉरिटी मान लो कोई भी जो फेक जब फेक सबूत लेके आ जाता है वगैरह जो भी जिससे क्या होता है रॉन्ग जजमेंट रॉन्ग जजमेंट की तरफ जाता है तो वहाँ पर हाईकोर्ट क्या करता है रिव्यू करता है फ्लैग्रेंट एरर इन द प्रोडियर अगर प्रोसीडियर में कोई भी एरर या कोई भी गलत चीज़ होगा तो वहाँ पर हाईकोर्ट इंटरवीन करेगा ठीक है जुडिशल रिव्यू लाइक द सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट हैज़ द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इफ एनी लॉ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर और एनी ऑर्डिनेंस पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर और एनी अदर अथॉरिटी इन्फ्रेंजेज द फंडामेंटल राइट्स और कंट्रीविंस एनी प्रोविजन ऑफ द कंस्टिट्यूशन द हाई कोर्ट कैन डिक्लेयर इट नल एंड वाइड जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का पावर था जो सेम हाई कोर्ट के पास भी पावर है कि अगर कोई भी स्टेट लेजिस्चर या फिर एग्जीक्यूटिव क्या करता है किसी का भी फंडामेंटल राइट से छेड़छाड़ करता है या फिर अगेंस्ट द कंस्टिट्यूशन कोई भी लॉ लाता है या फिर कोई भी काम करता है जो कि अगेंस्ट द कंस्टिट्यूशन है तो उसको संग संग हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि उस लॉ को या फिर उस बिल को वाइड डिक्लेयर कर दें नल डिक्लेयर कर दें ठीक है द हाई कोर्ट में विद्रॉ अं अ कंस्टिट्यूशनल केस फ्रॉम अ सबॉर्डिनेट कोर्ट एंड डील विथ इट एंड सेंड इट बैक विद इट्स डायरेक्शन कोई भी सबार्डिनेट कोर्ट में मान लो कोई भी कंस्टिट्यूशनल केस है कोई कंस्टिट्यूशन के रिलेटेड कोई भी केस चल रहा है सबार्डिनेट कोर्ट पर तो उससे क्या करता है हाई कोर्ट अपने आप आ, उस केस को अपने पर ले सकता है उस पर जो चेंजेस लाएंगे या फिर जो डायरेक्शन रहेगा उसको दे देगा दे और फिर बैक टू सबार्डिनेट कोर्ट को दे देगा बोलेगा भाई यहाँ यहाँ पे आपका फॉल्ट था प्लीज चेक करिए और फिर प्रोसीड इट विद द प्रोसीडिंग्स ठीक है फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट नाइनटीन सेवेंटी सिक्स इंट्रोड्यूस प्रोविजन वेद द पावर द हाई कोर्ट ऑफ टू जज द कंस्टिट्यूशनल कंस्टिट्यूशनलिटी ऑफ अ स्टेट लॉ वॉज विदड्रॉन ड्यूरिंग द एमरजेंसी एमरजेंसी का टाइम क्या हो कंस्टिट्यूशन का अगेंस्ट मान लो भी कोई लॉ आता है कोई भी लॉ जो कि कंस्टिट्यूशन के साथ नहीं है या फिर इट्स नॉट विदिपल्स इट्स नॉट फॉलोइंग द प्रिंसिफ दूशन तो हाईकोर्ट का पावर उस टाइम नहीं था कि उसे वो इंटरवीन कर सके या फिर रोक टोक कर सके फोर्टी टू सेमर्जेंसी अपनी कंट्री में लागू हुई थी ठीक है विद द रिपेल ऑफ द सर्टन पार्ट ऑफ द फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट दाई कोर्ट रिगेन देर पावर ऑफ कंसिडरिंग दूसल वेलिडिटी स्टेट लॉ एगिक्यूटिव ऑर्डरेंस अब क्या हुआ कोई भी एग्जीक्यूटिव या फिर स्टेट लॉ के ऊपर कोई भी अगर प्रॉब्लम आता है तो अब जो फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट में कुछ कुछ पार्ट्स में चेंज करके वो पावर वापस हाई कोर्ट्स को दे दिया गया कि आप कभी भी इंटरवेंट कर सकते होगा कोई भी चीज़ कॉन्स्टिट्यूशनली करेक्ट ना हो चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो लेजिस्लेचर ऑर्डिनेंस कुछ भी हो ठीक है आप वहाँ पर इंटरवेंट कर सकते हैं स्टेट लेवल पर ठीक है ये रहा है रिव्यू आइए वापस हम चलते हैं पेज नंबर टू हंड्रेड फोर्टीन हाँ अब आता है क्या एक सेकेंड और कहाँ पर अब आता है क्या कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड ठीक है आइए पढ़ते क्या है हाई कोर्ट इज़ अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड लाइक द सुप्रीम कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में देखो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट इज ऑलमोस्ट द सेम अगर आप सुप्रीम कोर्ट क्लियर कर लो आपका हाई कोर्ट क्लियर है सब कुछ सेम है बस सुप्रीम कोर्ट सेंट्रल से डील करता है और, और जो जो हाई कोर्ट है वो स्टेट से डील करता है ठीक है और कोई डिफरेंस नहीं है आप पढ़ रहे होंगे आपको समझ आ रहा होगा इट्स जजमेंट एंड ऑर्डर्स आर प्रिजर्व एज अ रिकॉर्ड टू बी रेफर्ड टू बाई इट्स कोर्ट्स इन फ्यूचर केसेस जितने भी मान लो जैसा आज मैंने एक केस सुनाया किसी भी रिलेटेड केस पे जजमेंट दिया गया जज ने उसे रिकॉर्ड किया जाता है ताकि पाँच साल दस साल बाद अगर सेम चीज़ सेम चीज़ सेम क्राइम पे अगर कोई आ, केस आए तो टाइम वेस्ट ना करें उस पर रिव्यू करने के लिए उसका सब कुछ सुनने के लिए टाइम वेस्ट ना करें डायरेक्ट देखा जाए कि यहाँ पे क्या केस था अच्छा सिमिलर केस है क्या जजमेंट सुनाया गया जजमेंट सुना दिया जाएगा ठीक है ये पावर है इसलिए इसे रिकॉर्ड पर रखा जाता है दे कैन बी प्रोसीड प्रोड्यूस्ड एज अ

तो जितने भी कैलकाटा में सबॉर्डिनेट्स कोर्ट या जो भी कोर्ट्स है उन्हें फॉलो करने पड़ेंगे लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि कैलकाटा हाई कोर्ट ने जो लॉ लाया वो यूपी कोर्ट फॉलो करेगा यूपी का हाँ, हाई कोर्ट फॉलो करेगा समझिए ऑल दो इट इज़ अ ग्रेट सिग्निफिकेंस एंड कैन बी प्रोड्यूस्ड इन सपोर्ट ऑफ द आर्ग्यूमेंट इस पर चर्चा चल सकती है आर्ग्यूमेंट में कि मान लो अगर एक स्टेट के लिए वो लॉ अच्छा है तो दूसरे में क्यों नहीं उसे फॉलो किया जा सकता एक आर्ग्यूमेंट का चर्चा है ये हाई कोर्ट कैन पब्लिश पनिश एनी वन हु कमिट्स अ ऑर्डर्स जो भी उसका ऑर्डर को नहीं मानेगा उसको बेफिक्र होकर वो पनिश कर सकता है ठीक है स्टेट लेवल पर अदर फंक्शंस क्या क्या फंक्शंस है कॉल फॉर रिटर्न फ्रॉम ईच कोर्ट कोई भी डिसीजन एक सेकेंड कॉल फॉर रिटर्न फ्रॉम सच कोर्ट्स पता नहीं पॉइंट क्या है इनकम्प्लीट पॉइंट लग रहा मुझे ठीक है नेक्स्ट पॉइंट देखते फिर मैं आता उस पर मेक एन इशू जनरल रूल्स एंड प्रस्क्राइब फॉर्म्स फॉर रेगुलेटिंग द प्रैक्टिस एंड प्रोसीडिंग्स ऑफ सच कोर्ट्स देखो जो भी उसके लोअर कोर्ट्स रहते हैं उसके लिए क्या करता है एक फॉर्म इशू एक फॉर्म एक नियम कानून लाता है कि आपको जो फॉलो करना है हर चीज़ को कोई भी डिसीजन सुनाना है या फिर जो कोई भी प्रोसीडिंग्स लेना है उसका एक रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है उसका एक तरीका होता है फॉलो करने का तो उसका हाई कोर्ट क्या करता है सेट करता है ठीक है जो कि उसके लोअर कोर्ट्स फॉलो करें प्रिस्क्राइब फॉर्म्स इन विच बुक्स एंट्रीज एंड अकाउंट्स शैल बी केप्ट बाय ऑफिसर्स सच कोर्ट्स ऑफ सच कोर्ट्स उस कोर्ट में जितने भी ऑफिसर्स रहते हैं वो किस तरह से किसी भी चीज़ को रिकॉर्ड रखेंगे जो बुक्स कैसे मेंटेन रहेगा कहाँ मेंटेन रहेगा कहाँ कैसे रहेगा सब चीज़ मेंटेनेंस हाई कोर्ट वहाँ पर करता है किसको करता है उन ऑफिसर्स को जो उस कोर्ट में जॉब कर रहे हो उस कोर्ट में उस कोर्ट के ऑफिसर्स होंगे सेटल्स टेबल ऑफ फीस टू द टू बी अलाउड टू द शरीफ एंड द क्लर्क एंड ऑफिसर्स ऑफ सच कोर्ट एंड टू द एडवोकेट्स एंड स प्रैक्टिसिंग देर एन जितने भी सैलरीज मिलते हैं उस वहाँ पे क्लर्क को या फिर वहाँ का शरीफ को या फिर या फिर वहाँ के ऑफिसर्स को या फिर जो एडवोकेट है या फिर जो आ, कितनी फीस लगती है वहाँ पे आपको कोई भी चीज़ केस करने में ये सब कौन सेट करता है हाई कोर्ट सेट करता है ठीक है ये इनके कुछ एक्स्ट्रा पावर्स थे सच पावर्स ऑफ हाई कोर्ट डू नॉट एक्सटेंड टू एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल कोर्ट ट्रिब्यूनल कंस्टिट्यूटेड बाई एनी अंडर लॉ रिलेडिंग द आर्म फोर्सेज जो हाई कोर्ट का जो भी रूल्स आता है वो कोई भी रूल एक आर्म आर्मी का एक अलग कोर्ट होता है उस पर लागू नहीं होता है ठीक है आर्मी का एक अलग कोर्ट रहता है जो कि हाई कोर्ट का कोई भी नियम वहाँ पे लागू नहीं होता है ठीक है चलो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस एज द हेड ऑफ़ द स्टेट जुडि जुडिशरी द हाई कोर्ट हैज़ एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ओवर द सबॉर्डिनेट जुडिश जुडिशरी इन द स्टेट इन द स्टेट इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टन मैटर्स कुछ मैटर्स पे क्या होता है जो हाई कोर्ट जो कि रहता है उस स्टेट का सबसे हाईएस्ट हाइएस्ट जुडिशरी रहता है जितने भी उसके सबॉर्डिनेट्स रहते हैं उस पर उसका अधिकार रहता है उस पर उसका पावर इतना ज़्यादा रहता है कि उसे डायरेक्शन दे पाए या सबॉर्डिनेट्स को जो लोअर कोर्ट्स है उसे कंट्रोल कर पाए ठीक है उस कंट्रोल ओवर द सब सबॉर्डिनेट जुडिशरी पर ठीक है बिसाइड्स इट्स एपेलेट एंड सुपरवाइजरी जुडिजिक्शन ओवर देम जितने भी जुडिशरी सबॉर्डिनेट uh, हुआ डिस्ट्रिक्ट हुआ उस पर हाई कोर्ट का कंट्रोल रहता है ठीक है डिस्ट्रिक्ट जजेस जजेस ऑफ द सिविल कोर्ट मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट एंड मेम्बर्स ऑफ द जुडिशरी सर्विस ऑफ द स्टेट इन सब जितने भी डेलीगेट्स का नाम लिया सब पे हाई कोर्ट का पूरा कंट्रोल रहता है ठीक है देखो द अपॉइंटमेंट पोस्टिंग एंड प्रमोशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज शैल बी मेड बाय द गवर्नर ऑफ इन कंसल्टेशन विद द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट जितने भी हाई कोर्ट में जजेस रहते हैं उनका प्रमोशन या फिर उनका प्रोमोशन और क्या है एक सेकेंड हाँ प्रोमोशन पोस्टिंग या फिर अपॉइंटमेंट जो रहता है वो किसके किसके थ्रू होता है प्रेसिडेंट के थ्रू होता है गवर्नर ऑफ द स्टेट के थ्रू होता है ठीक है इन कंसल्टेशन विद द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट ठीक है जितने भी जजेस जैसे कि मैं बता रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट जजेस जो होते हैं जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस होते हैं उनका अपॉइंटमेंट किस uh, कौन करता है जो गवर्नर ऑफ़ द स्टेट वो करते हैं कैसे करते हैं कंसल्टिंग विद द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट ठीक है याद रखिएगा डोंट गेट कन्फ्यूज नंबर टू द हाई कोर्ट एंड द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन आर कंसल्टेड बाय द गवर्नर इन अपॉइंटिंग टू द जुडिशल सर्विस ऑफ द स्टेट जो हाई कोर्ट एंड द स्टेट गव एंड द स्टेट पब्लिक जो सर्विस कमीशन होता है आर कंसल्टेड बाय द गवर्नर कब जब अपॉइंट करते हैं एक कोई भी जुडिशल कोई भी जुडिशल सर्विस या फिर मान लो कोई जज हुआ या फिर जुडिशरी के रिलेटेड कोई पर्सन हुआ डेलीगेट हुआ जैसे अपॉइंट करना है तो जज जो गवर्नर होते हैं वो किन से किन से कंसल्ट करते हैं हाई कोर्ट एंड द स्टेट पब्लिक सर्विस कमिश्नर से कंसल्ट करते हैं ठीक है चलो हाई कोर्ट्स तो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है क्या हाई कोर्ट्स कंट्रोल ओवर लोअर कोर्ट्स एक्सटेंड टू मैटर्स एज कुछ कुछ पॉइंट्स एक्स्ट्रा यहाँ पे दिए गए रिकॉल ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस हु आर ऑन डेप्यूटेशन डेप्यूटेशन क्या होता है मान लो एक ग्रू लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप्स को रिप्रेजेंट जहाँ करना होता है वहाँ पर क्या करता है स्मॉल ग्रुप ऑफ सेम पीपल को भेज जाता है तो जजेस मान लो मान लो हाई कोर्ट्स के या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के कुछ जजेस कहीं पर कहीं मीटिंग के लिए गए या फिर किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करने गए या फिर कहीं कहीं पर डिसीजन सुनाने के लिए गए तो उन्हें वापस बुला लिया जाता है

कन्फर्मेशन दिया जाता है कि हाँ भाई आप सेलेक्ट हो गए वगैरह वगैरह इन सब होल्डिंग्स के लिए कौन कौन सा जुडिशियल सर्विस स्टेट ठीक है या फिर जो ऑफिसर्स रहते हैं होल्डिंग द पोस्ट इन्फीरियर टू द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज डिस्ट्रिक्ट जज के जो नीचे जो पोस्ट रहते हैं जितने भी पोजिशन होते हैं उनका प्रमोशन और कन्फर्मेशन कौन करता है कोर्ट करता है ठीक है अब लास्ट टॉपिक आता है इस चैप्टर इस इस हाई कोर्ट का इंडिपेंडेंस ऑफ द हाई कोर्ट ठीक है इंडिपेंडेंस ऑफ द हाई कोर्ट इज कैरिंग आउट द वर्क इज इन्श्योर्ड बाय प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी एंड टेनोर एंड सिक्योरिटी ऑफ पे एंड अलाउंसेस टू द जजेस ठीक है बेसिक सा बात है बिसाइड्स द इंडिपेंडेंस ऑफ द हाई कोर्ट इज इंश्योर्ड बाय अंडरटेकिंग द फॉलोइंग मेजर्स कुछ मेजर्स लिए जाते हैं ताकि उन्हें इंडिपेंडेंस दिया जाए फुल कंट्रोल ओवर इट्स प्रोसीड्यर्स ऑफ वर्क एंड एस्टाब्लिशमेंट पूरा कंट्रोल पीच में कोई इंटरवीन नहीं कर सकता सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कर सकता इफ़ नीडेड ऑल्स इट वॉन्ट इंटरवीन हाई कोर्ट कैन पनिश एनी पर्सन फॉर ऑफ कोर्ट इफ कंटेम्प्टेयर्ट्स अथॉरिटीज़ लोअर्ड ठीक है किसी को भी कंटेम्प्ट uh, के तौर पर कभी भी पनिश कर सकता है अगर वो उसके लोअर मीन्स हाई कोर्ट से नीचे आता हो ठीक है नो डिस्कशन इन द स्टेट लेजिस्लेचर ऑन ऑफ ऑन द कंडक्ट ऑफ हाई कोर्ट जजेस स्टेट लेजिस्लेचर जैसे एम एल ए जो विधानसभा हुआ विधान परिषद हुआ वहाँ पर जजेस का काम को लेकर कोई डिस्कशन कभी नहीं हो सकता द लास्ट पॉइंट आता है प्रोहिबिशन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ जजेस ठीक है प्रैक्टिस नहीं कर सकते जजेस जब रिटायर कर जाए तो प्रैक्टिस वो बाद में नहीं कर सकते हैं ठीक है प्रोहिबिशन वहाँ प्रोहिबिटेड है उन्हें प्रैक्टिस करने से ठीक है तो हमारा जो हाई कोर्ट का टॉपिक था वो खत्म होता है यहाँ से आप देख सकते हैं सुप्रीम सब कोर्ट्स का चैप्टर स्टार्ट हो रहा टॉपिक स्टार्ट हो रहा जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करें जल्द से जल्द ठीक है हम मैं अपनी स्पीड को थोड़ा बढ़ाना चाह रहा हूँ ताकि बोर्ड्स एग्जाम से पहले मैं जितना हो सके उतना चैप्टर्स कंप्लीट कर सकूँ ठीक है आई होप यू लाइक द वीडियो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अर चैनल प्लीज़ विजिट वेबसाइट मैं लिंक दे दे, दे रहा हूँ नीचे एंड सुप्रीम कोर्ट जो चैप्टर है उसे उसका भी वेबसाइट उसका भी लिंक मैं नीचे दे दे रहा हूँ हमारे टेलीग्राम का ग्रुप है आप ज्वाइन करिए अगर आपको कभी भी कोई पर्सनल डाउट का जरूरत तो है तो प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल का ज्वाइन करिए ताकि आपको हम पर्सनली रिव्यू कर सके या फिर जो आपका डाउट से क्लियर कर सके वरना कमेंट सेक्शन जिंदाबाद ठीक है सो दिस इज़ द होल चैप्टर ऑफ हाई कोर्ट एंड वी विल कम इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कंप्लीट द सबॉर्डिनेट कोर्ट पार्ट ओके सो थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू बाय हेलो गाइस वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल जीनियस क्लासेस आज का ये वीडियो है सुप्रीम कोर्ट चैप्टर क्लास टेन के ऊपर ठीक है फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरीली सॉरी कि हम लोग आजकल रेगुलर वीडियोस नहीं डाल पा रहे बिकॉज हमारे कुछ पर्सनल रीजनस से हमारे एग्जाम्स वगैरह चल रहे थे दैट्स वाई वी वी नॉट रेगुलर बट हमारे एग्जाम्स खत्म हो चुका है एंड आज से हम लोग रेगुलर स्टार्ट करने वाला है ठीक है सो प्लीज़ स्टे ट्यून एंड टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आर चैनल फोर थाउजेंड हो चुका है हमारा थैंक यू फॉर योर लव प्लीज़ जितना जल्दी हो सके टेन के दस हज़ार पहुँचाइए

और एक काम करते हैं तो स्किप करके सीधे मेन टॉपिक पे चलते हैं सुप्रीम कोर्ट का कॉम्पोजिशन जो कि मेन जहाँ से एग्जाम में आने वाला है ठीक है वो फर्स्ट और सेकंड आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है पूछेगा नहीं ठीक है ये नहीं पूछेगा आपको मेरा गारंटी है पूछे तो फिर जो बोलना आप ठीक है थेके? जो एग्ज़ाम में क्लास टेन में जो पूछेगा एकदम जो आएगा एग्जाम में मैं वही आपको पढ़ाऊंगा इसके बाहर नहीं पूछेगा बुक्स में ही बुक के ही अंदर जाऊँगा एंड डिटेल आपको समझाऊँगा कि क्या इसका मतलब क्या है ताकि आप एकदम रट्टा भी नहीं मारो समझ जाओगे दैट्स एनफ ठीक है फर्स्ट और सेकंड पार्ट होगा तो मैं लास्ट में एक बार एक्सप्लेन कर दूँ क्या कहना चाहता है कि या फिर अगर आप रीड करोगे आपको आपको क्लियर हो जाएगा ठीक है हम लोग आते हैं मेन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में कॉम्पोजिशन अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ठीक है मेन जो है कैसे अपॉइंटेड जजेस हम लोग इस टॉपिक पे आते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस द नंबर ऑफ जज विच मे बी फिक्स बाय द पार्लियामेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम पहला बात हमारे से कंट्री है मान लो सुप्रीम कोर्ट का कंट्री ले लो हमारे कंट्री में एक प्राइम मिनिस्टर है और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं ठीक है जैसा जानते हो सेम चीज़ सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है एक चीफ जस्टिस है जो कि हेड है उनका और एक नंबर ऑफ जजेस रहते हैं उसके अंडर में जो कि हम लोग फिक्स कर सकते हैं कौन फिक्स करता है पार्लियामेंट के मेबर्स फिक्स करते हैं कि पैंतीस जज चाहिए थर्टी जज चाहिए नंबर ऑफ जजेस इंक्रीज़ करना चाहिए या डिक्रीज़ करना चाहिए डिक्रीज़ तो नहीं इंक्रीज़ के ऊपर क्योंकि जजेस ऑब्वियस बात है पॉपुलेशन के हिसाब से हम लोग कंट्री में जजेस और डॉक्टर्स बहुत कम है तो जज को नंबर्स डिक्रीज तो नहीं करेंगे हाँ बट इंक्रीज ज़रूर कर सकता है ठीक है तो ये कौन डिसाइड करता है पार्लियामेंट डिसाइड करता है ठीक है कि कितने जजेस का ज़रूरत है तो हेड कौन रहता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उनके आ, अंडर क्या रहता है कुछ जजेस रहते हैं ठीक है थेके? जो कि चेंज हो सकते हैं कौन चेंज करता है पार्लियामेंट चेंज करता है टाइम टू टाइम ठीक है एट प्रेजेंट इट इट कंसिस्ट ऑफ अ चीफ जस्टिस एंड थर्टी थ्री अदर जजेस दैट इज थर्टी फोर चीफ जस्टिस को लेकर थर्टी थ्री और जजेस है तो टोटल कितना थर्टी फोर जजेस हुआ है ठीक है इंपॉर्टेंट पॉइंट था चलो हु इज अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लाजमी सब बात आप, आप भी सोच रहे हैं भाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है ठीक है द चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाई द प्रेजिडेंट हमेशा याद रखना वन मार्क्स क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि हुइंट हु अपॉइंट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कौन करता है प्रेजिडेंट करता है ठीक है बट हीट डज नॉट हैव द फ्री हैंड इन दिस मैटर मतलब प्रेजिडेंट का क्या है फ्री हैंड इस मैटर में नहीं है ही मस्ट कंसल्ट द सी जे आई चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बिफोर अपॉइंटिंग एनी जज इन इट मान लो प्रेजिडेंट कोई जज अपॉइंट करना है सुप्रीम कोर्ट में एक जज डालना है ठीक है तो उसमें क्या करना पड़ेगा वो जैसे को जिसको मन उसको नहीं अपॉइंट कर सकता उसको क्या करना पड़ेगा जो सी जे आई है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उससे कंसल्ट करना पड़ेगा कि भाई ये ए आदमी है इसे मैं जज बनाना चाहता हूँ तो सी जे आई बोलेगा हाँ सही है या फिर अपना कंसल्टेंसी उसे प्रेजिडेंट लेगा ठीक है इन द मैटर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द सी जे आई ही शैल कंसल्ट द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड ऑफ द हाई कोर्ट एज में डीम नेरी अब मान लो सी जे आई को अपॉइंट करना है तो किससे कंसल्ट करेगा दो अदर जजेस जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के उनसे प्रेसिडेंट सर क्या करेंगे कंसल्ट करेंगे कि हाँ भाई मैं इस व्यक्ति को सी बनाना चाहता हूँ आपका क्या कहना है इस पर तो जजेस बोलेंगे हाँ या ना जो भी प्रोसेस चलता तो है वो होगा ठीक है लेकिन प्रेसिडेंट क्या करता है कंसल्ट करता है किससे मेंबर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट मतलब जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट किसके लिए फॉर द इलेक्शन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द सी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड सी से कंसल्ट करता है किस चीज़ के लिए जजेस को अपॉइंट करने के लिए ठीक है याद रखें डोंट गेट कन्फ्यूज बट ओवर द ईयर द कन्वीनियंस हैज़ डेवलप्ड वेर द सीयर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इंसान आलसी होता है जैसे आप भी जानते हो हर कोई आलसी मैं भी आलसी आप भी पता नहीं आप आलसी हो कि लिए मैं तो आलसी हूँ क्या होता है अब इतना कंसल्ट वगैरह क्या करना है यार जो ऑब्वियस अब आता है ये लोग एक चला दिया प्रोसेस कि हाँ जो सबसे सीनियर मोस्ट जज रहेगा ऑब्वियस अब आता है, है लोग मानते हैं ना जो सबसे बूढ़े रहेंगे घर में वो ज़्यादा एक्सपीरियंस रहते हैं सेम चीज़ यहाँ पे कि जो ज़्यादा सीनियर मोस्ट रहेंगे ऑब्वियस से आप ज़्यादा एक्सपीरियंस रखेंगे ठीक है तो उन्हीं को क्या करता है चीफ जस्टिस के लिए अपॉइंट कर दिया जाता है ठीक है सीनियर मोस्ट जज है सुप्रीम कोर्ट को आ, सुप्रीम कोर्ट का उसे सी जी आई अपॉइंट कर दिया जाता है ठीक है ये नोट जो पार्ट है नहीं पूछेगा ठीक है टेंथ में नहीं पूछेगा सीधे आइए क्वालिफिकेशन जो जो पॉइंट पूछेगा मैं आपको एकदम बता रहा हूँ सी जी नोट जो है आपको जस्ट एक्स्ट्रा ज्ञान एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है जिसको एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए रीड कर लेना नहीं समझ आए कमेंट सेक्शन में हमला बोल देना ठीक है सीधे आते हैं क्वालिफिकेशन पे पहला क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया ऑब्वियस से बात है पाकिस्तान या बांग्लादेश के लोग को तुम तो तो जज नहीं बनाएंगे ठीक है ही मस्ट हैव वर्कड एज अ जज इन एनी ऑफ द हाई कोर्ट्स कंटिन्यूअसली फॉर नॉट लेस देन फाइव ईयर्स उस व्यक्ति को हाई कोर्ट का जज होना होगा कंटिन्यूअसली ये नहीं कि एक साल हुआ दो साल हुआ फिर छोड़ दिया फिर नहीं कंटिन्यूसली दस साल ए फाइव ईयर्स के लिए उसे हाई कोर्ट का जज होना होगा तभी वो सुप्रीम कोर्ट का जज के लिए एलिजिबल है ठीक है और ही मस्ट हैव बीन एन एडवोकेट ऑफ अ हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट टेन ईयर स्टैंडिंग और क्या होता है कि उसे उस व्यक्ति को एटलीस्ट दस साल के लिए हाई कोर्ट का एडवोकेट होना होगा स्टैंडिंग एडवोकेट मतलब एट प्रेजेंट वो एडवोकेट है ये नहीं कि था दस साल थे फिर छोड़ दिया तो नहीं दस साल से कंटिन्यू उसे एडवोकेट वाला प्रैक्टिस करते आना होगा तभी वो एलिजिबल होता है ठीक है फोर ही शुड बी distinguished जूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द president. ऑफवियस बात है भाई क्लास में जो टॉपर रहता है देखना टीचर ज़्यादा उसको प्रेफर करते हैं सभी जानते हैं तो इस इन्हें इलेक्ट कौन करता है प्रेजिडेंट करता है तो अगर आप प्रेजिडेंट के आँख में समझ रहे हो ना लगे रहोगे तो ऑब्वियस बात है आप अपॉइंट हो जाओगे क्योंकि प्रेजेंट ही इलेक्ट करता है अपॉइंट करता है आई मीन तो जैसे क्लास में कैसे होता है जो जो स्टूडेंट ज़्यादा टॉपर टाइप रहता है या पढ़ाकों टाइप रहता है टीचर क्या करता है उसे क्लास का हेड बना बनाते हैं ना बस सेम चीज़ ठीक है

जब तक कि वो लोग सिक्सटी फाइव ईयर्स के एज नहीं होते तब तक वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकते हैं रह सकते हैं और या फिर जो सी है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है सी वो सिक्सटी फाइव ऑफ ईयर सिक्सटी फाइव ईयर्स ऑफ एज का जब तक वो अटेंड नहीं करते तब तक वो रह सकते हैं ठीक है ऑल दो दे आर अपॉइंटेड बाई द प्रेजिडेंट सर्विस कैन नॉट बी टर्मिनेटेड बाई हिम सबसे मज़ेदार बात एक तो वो लोग अपॉइंट लो होते हैं किसके थ्रू प्रेसिडेंट के थ्रू बट वो लोग प्रेसिडेंट के थ्रू हटाए नहीं जा सकते ठीक है प्रेसिडेंट उन्हें हटा नहीं सकता दे कैन रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ देयर ओन अकॉर्ड वेन एवर दे लाइक मतलब जब जब मन तब वो रिजाइन कर सकते हैं ठीक है दैट इज देयर विल डेथ ऑफ कोर्स कैन नॉट कैन बी अनदर केस ऑफ द एंड ऑफ द सर्विस एंड बिफोर द एज ऑफ द रिटायरमेंट अब आत्मा तो आके जजमेंट नहीं ना देगा ठीक है बट इफ अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज फाउंड गिल्टी ऑफ मिस मिस यूजिंग इज पावर्स और एक्टिंग अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ द कंस्टिट्यूशन, ही कैन बी इम्पीज एंड रिलीप ऑफ इस ऑफिस लेकिन अगर देखा जाता है कि जज जो अपना मिस पावर का मिस कर रहा या फिर अपना जो भी बदमाशी कर रहा तो उसे हटाने का एक प्रोसेस है उसे इम्पीच किया जाएगा कौन करेगा द प्रोसीडियर ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ अ जज इज ऑलमोस्ट सेम एज द प्रोसीडियर एज द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया कौन प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया का जो प्रोसेस है सेम ही प्रोसेस है सी जी आई या फिर जजेस को हटाने का क्या पार्लियामेंट का मेंबर्स वोट करेंगे टू थर्ड अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट शैल नॉट बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस एक्सेप्ट बाय एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट पास्ड आफ्टर एन एड्रेस बाय ईच हाउस ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट सपोर्टेड बाय अ मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस एंड बाय अ ऑफ नॉट लेस देन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग हैज बीन प्रेजेंटेड टू द प्रेजिडेंट इन द सेम सेशन ऑफ द फॉर सच अ रिमूवल ऑफ ऑन द ग्राउंड ऑफ बिहेवियर एंड इनके लंबी चौड़ी लाइन थी जिसमें बता दो क्या कहना चाहता है देखो बिना प्रेजिडेंट का परमिशन कोई रिमूव नहीं हो सकता ठीक है पहला बात लेकिन यहाँ पे क्या होगा जो दोन, दोनों हाउस रहेंगे लोअर हाउस अपर हाउस वो लोग एक मीटिंग बैठेगा वो लो एक पास करेंगे रेजोल्यूशन नहीं भाई ये ये बंदा है ये मिस कर रहा है या फिर मिसलीड कर रहा है अपना पावर्स का उसे हटाना है तो दोनों जब हाउस मीटिंग करके दोनों हाउस का मेजोरिटी जब हाँ बोलेंगे कि हाँ भाई सच में इसे हटाना रहेगा क्या मेजोरिटी क्या है टू थर्ड मेजोरिटी मतलब या तो पूरा स्वैप सबको ही हाँ बोलेगा या फिर एटलीस्ट टू थर्ड मेंबर्स को हाँ बोलना पड़ेगा उस जज के अगेंस्ट में ठीक है तब वो क्या होगा जाएगा जब दोनों हाउस से पास हो जाएगा तब वो जाएगा प्रेसिडेंट के पास जब प्रेसिडेंट के, के पास जाएगा तो वो रीड करेंगे अच्छा अच्छा इस बंदे ने ऐसा ऐसा गलती किया है जब प्रेसिडेंट जब दोनों हाउस जब पास कर देगा तो प्रेसिडेंट क्या करेगा उस बंदे को बोलेगा भाई अपना जगह छोड़ दो ठीक है उसे हटा दिया जाएगा ठीक है ये प्रोसेस है प्रेसिडेंट का भी ऐसे ही होता है ना दोनों हाउस के मीटिंग बैठता है फिर उन्हें हटा दिया जाता है इम्पीच कर दिया जाता है सेम चीज़ यहाँ पर यहाँ प्रेजिडेंट रहते तो प्रेजिडेंट को साइन करना पड़ता है इम्पीचमेंट के तौर पर ठीक है कब मिसहेवियर वगैरह पाने के लिए या फिर मिस करने का पावर चलो अब आता है जुरिस्डिक्शन एंड फंक्शंस ऑफ़ द सुप्रीम कोर्ट क्या क्या पावर्स है सुप्रीम कोर्ट है क्या क्या काम करता है वो हम लोग देखते हैं ठीक है ओरिजिनल जोरिजिक्शन ओरिजिनल जोरीज ऑफ अ कोर्ट इंप्लाइज दोज़ केसेस विच कैन बी डायरेक्टली फ्रॉड बिफोर इट ओरिजिनल मतलब क्या डायरेक्ट जो सुप्रीम कोर्ट के सामने लाया जा सकता है लाया जा सकता है ठीक है कुछ कुछ है आइए देखते क्या क्या है इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसका मतलब क्या होता है मतलब कॉन्स्टिट्यूशन देखो आपको मेरे को तो पूरा नहीं पता लेकिन अगर आपको अगर लगता है कि आपका कोई हक छीना जा रहा है आप कहाँ जाओगे या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ जानना है कि भाई मान लो आपको कुछ जमीन चोरी हो गया जमीन मतलब कुछ सामान चोरी हो गया तब पता है ना आप मैं एक नॉर्मल सिटीज़न भी सुप्रीम कोर्ट में केस ठोक सकता हूँ मेरा एक वॉलेट जो चो चोरी हो जाएगा ना इसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट में जा सकता हूँ एक बंदा ठीक है तो ये क्या करता है इंटरप्रेट कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करता है पब्लिक को पब्लिक को पब्लिक तो नहीं जानता ना कि भाई इस धारा में क्या पनिशमेंट है एक वुमेन को हरासमेंट करने का क्या पनिशमेंट आपको क्या पता मुझे तो नहीं पता या किसी वुमेन को भी जल्दी नहीं पता रहेगा तो वो क्या करेगा केस है कि सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा अच्छा इस धारा के थ्रू आपको आप जो कल्परेट है या फिर जो जो बदमाशी किया है उसको ये ये उम्र कैद की सज़ा या दस साल की सजा पाँच साल की सज़ा जो है इंटरप्रेट कर रहा है कि कंस्टिट्यूशन में लिखा हुआ अच्छा अगर मान लो कोई छेड़खानी करता है तो उसे पाँच साल की सजा दी जाती है तो इंटरप्रेट किया कंस्टिट्यूशन को पढ़ के बताया मुझे क्या क्या गुनाह का क्या मतलब क्या गलती का क्या तो जो सज़ा है कौन बताता है सुप्रीम कोर्ट बताता है ठीक है तो इंटरप्रेट कर रहा है कंस्टीट्यूशन का ठीक है ऑल केसेज वेर इंटरप्रेट वेर इंटरप्रटेशन ऑफ द कंस्टीट्यूशन इज़ रिक्वायर्ड कैन बी डायरेक्टली फाइल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट ठीक है सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट फाइल कर सकते हो आप सुप्रीम कोर्ट एज द पावर टू जुड़ी पावर ऑफ जुडी केचर टू रिव्यू एंड टू डिसाइड वेदर द लॉ पास बाय द लेजिस्लेचर इज अल्ट्रा अल्ट्रा वायरस वायरस जो भी है ये पॉइंट कहना चाहता है मान लो देखो uh, हमारे जैसे लोअर हाउस या फिर अपर हाउस जो भी रहता है हमारे नेता तो पढ़े लिखे ज़्यादा रहते नहीं सभी जानते हैं अपने पार्लियामेंट चैप्टर में पढ़ा होगा कि उन्हें क्वालिफिकेशन क्या इंडियन सिटीज़न होना चाहिए वगैरह वगैरह नो प्रॉफिट वाला ऑफिस होल्ड करना चाहिए अब वो मान लो कुछ लॉ बनाते हैं उनको तो बहुत सारे नेता को तो कॉन्स्टिट्यूशन पता भी नहीं है भाई क्या है क्या नहीं तो एक लॉ जो पास हो जाएगा एक लॉ पास हो जाएगा जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है उन्हें तो नहीं ना पता भाई ये क्या काम सही है क्या गलत है बस पास कर दिया मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में क्या बहुत चीज बहुत सारे नाजुक नाजुक से नियम लिखे हुए कॉन्स्टिट्यूशन में कि इन्हें हम इन्हें हर किसी को फॉलो करना रहता है तो मान लो कुछ मिस कर दिया या फिर कुछ अनलॉफुल एक नियम ना दिया तो यहाँ पर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा चेक करेगा कि सच में एक्चुअली अल्ट्रा वायरस जो है यहाँ पे वायरस जो भी है वर्ड इसका मतलब क्या होता है देखना कि अनलॉफुली कुछ हो रहा नहीं ना या फिर बियॉन्ड द पावर आपका जो पावर है उससे ज़्यादा अगर आप तो नहीं ना अपना पैर फैला रहे जितना चादर उतना पैर फैलाना चाहिए ठीक है तो यही वो चेक करता है कि सुप्रीम कोर्ट की एक्चुअली वहाँ पे जो लोअर हाउस या अपर हाउस जो भी लॉ पास कर रहा है एक्चुअली सही है कंस्टिट्यूशनल है या फिर नहीं है अनकंस्टिट्यूशनल रहेगा संग संग अवॉइड कर देगा ठीक है चलो सेंटर स्टेट डिस्प्यूट्स अब मान लो एद, आ, सेंटर हाउस जैसा मेरा वेस्ट बंगाल हमेशा झगड़ा चलता रहता है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट तो यहाँ पे जो डिस्प्यूट पैदा होगा कौन सॉल्व करेगा सुप्रीम कोर्ट सॉल्व करेगा ठीक है ये पॉइंट ये कहता है ऑल द देखो ऑल द डिस्प्यूट्स बिटवीन सेंटर ऑन द वन हैंड एंड स्टेट ऑन द अदर फॉल विद इन द ओरिजिनल जोरिजिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ठीक है डिस्प्यूट्स बिटवीन टू और मोर स्टेट्स मान लो वेस्ट बंगाल उड़ीसा वेस्ट बंगाल बिहार वेस्ट बंगाल यूपी लड़ाई हो रहा कौन आएगा बचाने के लिए मतलब सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट आएगा वेस्ट बंगाल भी जाएगा उड़ीसा या फिर जिससे उसका फाइट है वो भी जाएगा बोलेगा भाई मेरा इसने झगड़ा हो रहा है इसने ये चोरी कर लिया इसने वो चोरी कर लिया सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो क्या होता है ये तीसरा पॉइंट क्या कहना चाहता है कि अगर दो स्टेट्स के या फिर दो से ज़्यादा स्टेट के जो झगड़ा हो रहा होगा तो कौन सॉल्व करेगा सुप्रीम कोर्ट सॉल्व करेगा ठीक है फंडामेंटल राइट्स इन्फ्रिगमेंट्स एब्रीमेंट्स एंड डिनाइल ऑफ द को फंडामेंटल राइट्स गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन मान लो किसी बंदे किसी व्यक्ति का अगर आपका फंडामेंटल राइट्स अभी छीन लिया जाता है या फिर अगर आपको आपको जो फंडामेंटल राइट्स है वो उससे आपको वंचित किया जाता है मतलब आपको नहीं दिया जा रहा तो आप क्या जैसे मान लो ए क्या होता है आप का मतलब क्या होता है टू ब्रेक द रूल मान लो सा तो नेक्स्ट आता है फंडामेंटल राइट्स ठीक है फंडामेंटल राइट्स क्या कहता है केसेस रिलेटिंग इन्फ्रिगमेंट इनफ्रिग्रेंट इन्फिगमेंट क्या होता है मान लो कोई भी रूल या फिर कोई भी नियम को तोड़ना किसी भी चीज़ को वायलेट करना कोई भी रूल होता है ना कि रूल किसी चीज़ का बनता है उसको वायलेट करना ठीक है उसका मतलब होता है इन्फ्रिगमेंट अब आता है आपका एब्रिडमेंट एब्रिडमेंट क्या होता है किसी का फ्रीडम राइट्स रिड्यूस कर देना मतलब मान लो आ, मुझे बोलने का हक है ठीक है किसी भी सिटीज़न को बोलने का हक है कुछ भी कर सकता है यहाँ पे इंडिया में आप कुछ भी राइट टू स्पीच जो पढ़ता है ना फ्रीडम ऑफ फंडामेंटल राइट राइट टू स्पीच मैं कुछ भी बोल सकता हूँ तो कहीं भी बोल सकता हूँ ठीक है अगर मेरा इस राइट को छीन लिया जाता है कुछ भी हो सकता है छीन लिया जाता है तो, तो इसके अगेंस्ट जो बोलेगा छीनने का मतलब जो होता है एब्रिगमेंट होता है ठीक है एंड डिनाइल ऑफ़ फंडामेंटल राइट्स गारंटिड बाय द कंस्टिट्यूशन या फिर जो फंडामेंटल राइट जो मुझे दिए जाते हैं उसे अगर डिनाई कर देता है आज मोदी जी बोले कि भाई आपका जो फंडामेंटल राइट्स मैं छीन ले रहा हूँ तो ऐसा तो नहीं कर सकते वो क्योंकि कंस्टिट्यूशन हमें दिया है सो so हमारा हक है फंडामेंटल राइट्स तो कैन ओरिजिनली बी बॉट हाँ ब्रॉट बिफोर द सुप्रीम कोर्ट मान लो अगर ये ऐसा सा कुछ केसेस आते हैं तो यह क्या हम लोग क्या कर सकते हैं सीधे सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं कि भाई मेरे साथ ऐसा सा प्रॉब्लम हो रहा है ठीक है रिगार्डिंग ऑल द ऑफ डिस्प्यूट्स द सुप्रीम कोर्ट हैज़ द एक्सक्लूसिव जोरिस्टिक्शन इन अदर वर्ड्स नन ऑफ द अबब डिस्प्यूट कैन डिसाइडेड बाई अदर कोर्ट्स सच अ पावर लाइज विद द सुप्रीम कोर्ट एंड नन ऑफ द अदर कोर्ट्स ये जो कुछ पावर्स आपने जो ऊपर पढ़े इंटरप्रिटेशन सेंटर स्टेट डिस्प्यूट टू स्टेट्स मोर डिस्प्यूट फंडामेंटल राइट्स ये सब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है और कोई कोर्ट का पावर नहीं है कि वो इन सब प्रॉब्लम्स में अपना बात रखे ठीक है चलो अब आता है

आ, वो क्या करे सुप्रीम कोर्ट बस अपील कर देगा कि भाई सुप्रीम कोर्ट आप मुझे हेल्प करिए इस केस में सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा उस पर डिसीजन देगा देखो अपील कर रहा डायरेक्ट नहीं जा रहा डायरेक्ट वो केस सुप्रीम कोर्ट के नहीं आया वो कोर्ट हाई कोट हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट डिस, कोर्ट जो भी नीचे कोर्ट है उनके पास गया होगा वो क्या करेंगे सीधे वो बोलेंगे सुप्रीम कोर्ट मेरे से तो हो रहा नहीं सुप्रीम कोर्ट आप बताओ यहाँ पर क्या करना है ठीक है क्या वो अपील कर रहा डायरेक्ट नहीं ना गया चलो क्रिमिनल केसेस अ क्रिमिनल सूट वेयर अ पर्सन इज एक्विटेड बाय द सीनियर कोर्ट बाई द सेशन कोर्ट बट एवॉर्डेड कैपिटल पनिशमेंट बाई द हाई कोर्ट कैन बी ब्रॉट ऑन अपील टू द सुप्रीम कोर्ट मान लो सेशन कोर्ट बोलता नहीं नहीं भाई ठीक है आप मतलब आपने गलती नहीं किया एक हाई कोर्ट बोलता नहीं ऐसे पनिशमेंट दो कैपिटल एकदम हार्ड पनिशमेंट दो उम्र कहते सजा दे दो ऐसा तो नहीं हो सकता दो कोर्ट अलग अलग डिसीजन दे रहा था ये केस क्या होगा सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा ठीक है एन अपील कैन ई मेड टू द सुप्रीम कोर्ट बाय द हाई कोर्ट विद ड्रॉज अ क्रिमिनल केस फ्रॉम अ लोअर कोर्ट कन्विक्ट पर्सन एंड अवॉर्ड्स कैपिटल पनिशमेंट मान लो एक और कब हो सकता है अपील कब हो सकता है जब कोर्ट क्या करेगा क्रिमिनल केस विदड्रॉ कर लेगा लोअर कोर्ट से सेशन या फिर जो से हाई कोर्ट से जो नीचे कोर्ट होता है उनसे क्या करेगा केस ले लेगा ले वापस ले लेगा ले ठीक है वापस ले क्या करेगा और उस वापस ले क्या करेगा बंदे को क्या करेगा कैपिटल पनिशमेंट दे देगा तो ये चीज़ क्या हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में इस केस को ला जा लाया जा सकता है ठीक है a केस where हाई कोर्ट इट सेल्फ सर्टिफाइज दैट इट इन्वाल्वस अ सबसेंशियल पॉइंट ऑफ लॉ एंड कॉल्स फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कंस्टिट्यूशन मान लो एक ऐसा केस आ गया जहाँ पे हाई कोर्ट खुद बोलता है कि सर आ, मतलब यहाँ पे मैं क्या करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा ये केस हो तो यहाँ पे क्या करूँ मुझे आ, आपकी हेल्प चाहिए तो क्या जाएगा सुप्रीम कोर्ट के पास चला जाएगा कि भाई कंस्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली इस केस में क्या डिसीजन लिया जा सके जो सही हो।, हो ही सकता है कि भाई हाई कोर्ट को समझ नहीं आ रहा हो ऐसे बहुत सारे केसेज आते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का ये केस चला जाता है ठीक है अब आता है क्रिमिनल खत्म हो गया अब आता है सिविल सूट्स एनी सूट वेयर हाई कोर्ट इट सेल सर्टिफाइज दैट अ सब्सटेंशियल पॉइंट ऑफ लॉ इज इन्वॉल्व एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिक्वायर्ड मान लो कुछ ऐसा पॉइंट रहेगा जो कि हाई कोर्ट को इसका आइडिया नहीं है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब झांकना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अच्छे से क्या करेगा बोलेगा भाई सुप्रीम कोर्ट आपको सब कुछ पता है आप देख लो इस केस में क्या करना है ठीक है अब आता है हमारा कस्टोडियन ऑफ द कंस्टिट्यूशन पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू ठीक है आइए देखते क्या है इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू अपहोल्ड देंग सेंटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट कैन रिव्यू अ सेंट्रल और स्टेट लॉ टू एस्टेबलिश इट्स लेजिलिटी और अदरवाइज ठीक है इफ़ द पार्लियामेंट पासेज एनी लॉ दैट इज अगेंस्ट द कंस्टिट्यूशन द सुप्रीम कोर्ट कैन डिक्लेयर द लॉ एज अनकंस्टिट्यूशनल सिंपल सा सिंपल इंग्लिश है ठीक है अगर कोई लॉ पास करता है पार्लियामेंट में जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन का जो नियम कानून से फॉलो नहीं करता है तो क्या होगा सुप्रीम कोर्ट क्या बोलेगा भाई ये लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सीधे वॉइड हो जाएगा लॉ बेकार हो जाएगा ठीक है हट जाएगा इट कैन डिक्लेयर द ऑर्डिनेंस रिगार्डिंग द नेशनल नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स एंड एबोलिशन ऑफ प्रीवी पर्स ऑफ द तो हमारा नेक्स्ट आता है क्या कस्टोडियन ऑफ द कंस्टिट्यूशन पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू ठीक है आई ऐसे पढ़ते क्या कहना चाहता है इफ़ द ड्यूटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू अपहोल्ड द सेंगसिटी ऑफ द कंस्टीट्यूशन इट कैन रिव्यू अ सेंट्रल और अ स्टेट लॉ टू एस्टैब्लिश इट्स लेजिलिटी और अदरवाइज मान लो कोई स्टेट गवर्नमेंट या कोई फिर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई लॉ लाता है तो उसको क्या करता है चेक करता है कि सही में मतलब इट्स एक्चुअली वैलिड और नॉट इट्स अकॉर्डिंग टू द कंस्टीट्यूशन और नॉट ठीक है इफ द पार्लियामेंट पासेज एनी लॉ दैट इज अगेंस्ट द कंस्टिट्यूशन द सुप्रीम कोर्ट कैन डिक्लेयर द लॉ एज अनकीट्यूशनल अगर कोई भी कंस्टिट्यूशन क्या अगर कोई भी मान लो एक सेकेंड अगर कोई भी मान लो पार्लियामेंट एक लॉ पास करता है जो कि कंस्टिट्यूशन के अगेंस्ट होता है क्या होता है उसे जस्ट पार्लियामेंट क्या बोल देगा सॉरी सुप्रीम कोर्ट क्या बोल देगा कि इट्स अनकंस्टिट्यूशनल नॉट अकॉर्डिंग द कंस्टिट्यूशन बेकार है वर्ड है हटाओ ठीक है इट कैन डिक्लेयर द ऑर्डिनेंस रिगार्डिंग द नेशनलाइजेशन ऑफ़ द बैंक्स एंड एंड एबोलिशन ऑफ द प्रीवी पर्स ऑफ़ द प्रिंसेस एज नल एंड वॉइड आप सोच रहे हो प्रीवी पर्स क्या होता है उस टाइम में क्या होता था जब आज़ाद हुआ था जो प्रिंसली स्टेट्स थे ना वो कहते थे कि आ, हमारा खर्चा चलाने के लिए हमें कुछ पैसा चाहिए तो किसी चीज़ के लिए मान लो पैसे लगते हैं ज़रूरत है तो उन्हें दिया जाता था लेकिन अगर कोई अगर वही सर अगर पब्लिक का पैसा टैक्स का पैसा उसे अगर कोई पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करे तो दैट इज़ रॉन्ग ना तो इस चीज़ को एबॉलिश कर दिया गया क्या पैसा नहीं मांग सकते इस चीज़ को हटा दिया गया ठीक है नेशनलाइजेशन ऑफ द बैंक आपको समझ नहीं आएगा अभी आप क्लास इलेवन में आपको समझ आ जाएगा मतलब तो जितने भी उस टाइम आज़ादी के बाद जितने भी बैंक थे सबको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने अंडर ले लिया दैट इज कॉ नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक ठीक है वर्ड बट अनलाइक द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द दू एस ए द रिव्यू ऑफ लॉज कैन नॉट इज नॉट ऑटोमेटिक इट डज नॉट स्टेप इन अनलेस अ पर्सन एग्रीविट बाय द सच लॉस कॉल द सुप्रीम कोर्ट टू री एड्रेस एक सेकेंड एक सेकेंड हाँ ये पॉइंट कहता है कि जैसे हमारे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट अगर जहाँ भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम होगा या फिर कोई भी पार्लियामेंट अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करता है तो संग संग क्या है सुप्रीम कोर्ट वहाँ पे आ जाएगा उसे रोकने के लिए बट यूएसए में क्या है ऐसा कुछ नहीं है ऑटोमेटिक वो कभी नहीं आया जब तक कि कोई व्यक्ति या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन जब तक तो कोर्ट के पास पहुंचे ना कि मुझे हेल्प चाहिए यहाँ पे मुझे यहाँ पे इंटरप्रिटेशन का जरूरत है ठीक है हाँ चलो द अमेंडमेंट एक्ट ऑफ नाइनटीन सेमेंडमेंट ऑफ दूशन अंडर आर्टिकल थ्री सिक्सटी एट द रिव्यू ऑफ सुप्रीम कोर्ट द सेम अमेंडमेंट वाइट्स आर्टिकल थर्टी वन restricted the द of ऑफ supreme सुप्रीम कोर्ट declare the द any central law and those law where the सेंट्रल वॉज सेंटर वाज अर पार्टी ये पॉइंट कहता है कि पहले के टाइम में क्या था सुप्रीम कोर्ट के पास वो पावर नहीं था कि मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट जो सेंटर में पार्टी था जो हेड थे प्राइम मिनिस्टर या फिर जो भी हेड थे वो अगर कोई लॉ पास करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का सी पावर नहीं था कि उसे वो चेंज कर दे या फिर उसे बोले नहीं ये लॉ गलत है इसे हटा दिया जाए उनका पहले वो पावर नहीं था बट वाइल द रिपेल ऑफ द वाइल रिपेल ऑफ द सर्टन पार्ट ऑफ द फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट द सुप्रीम कोर्ट हैज़ रिगेन द ओरिजिनल पावर एज कस्टोडियन ऑफ द लेकिन जब उस फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट अगर जो कुछ पार्ट तो उन्हें जब चेंज करने के बाद सुप्रीम कोर्ट को अपना खुद का पावर वापस मिल गया वो क्या था कि अब अगर कुछ भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम होता है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन अगेंस्ट कोई काम होता है तो सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का पावर क्या है उसे संग संग वड या फिर उस लॉ को हटा देने का ठीक है द सुप्रीम कोर्ट हैज़ बीन इक्विप्ड विद दिस पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू टू चेक द पावर ऑफ द एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव को जो पावर है ना चेक करने का पावर में दे दिया गया है ठीक है अल्टीमेट इंटरप्रेटर ऑफ द कंस्टीट्यूशन आवर सुप्रीम कोर्ट इज द अल्टीमेट अथॉरिटी टू इंटरप्रेट द कंस्टिट्यूशन एंड हैंस इट द इंटरप्रिटेशन इज़ फाइनल जो सुप्रीम कोर्ट जो बात बोल दे कि कंस्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ये ये करना है दैट इज़ फाइनल चाहे वो प्रधानमंत्री हो या प्रेजिडेंट हो कोई भी उसके अगेंस्ट नहीं बोल सकता इसका एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो प्राइम मिनिस्टर और प्रेजिडेंट से भी ऊपर होते हैं ठीक है थेके? ओनली द सुप्रीम कोर्ट अ राइट टू रिवाइज देयर अर्लियर डिसीजन सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास ही वो हक है कि वो अपना प्रीवियस जो डिसीजन उन्होंने दिया था उसका चेक या फिर चेंज या फिर अनचेंज करने का ठीक है चलो तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आता है इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आता थे, है ठीक है यू हैव फाइव रेट्स फाइव आपको पावर्स दिए जाते हैं ठीक है आई देखते क्या क्या सबसे पहला हैप देट मीन्स यू हैव द बॉडी बाई शूंग सच अ रेट द कोर्ट गेट्स द बॉडी ऑफ़ एन पर्सन released इफ इट हैज़ been अनलॉफुली कैप्चर्ड by एनी पर्सन group ऑफ person और by द स्टेट्स मान लो ये कहता है कि कोई भी अनलॉफुली किसी को भी जबरदस्ती पकड़ के मान लो जेलें बंद कर दिया करी सकता है पुलिस तो यहाँ पे क्या हैबेस कॉर्पस का हेल्प से क्या करेगा कोर्ट आपको संग से बोलेगा इसे रिलीज कर दो ठीक है आपके खिलाफ पहले सबूत चाहिए तभी आपको कोई डिटेन कर सकता है चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी हो विदाउट प्रूफ यू कैन नॉट बी अरेस्टेड ठीक है स कार आपको ये हेल्प करता है कोर्ट को आई मीन कोर्ट हैज द बॉडी नेक्स्ट आता है प्रोहिबिशन दिस टाइप ऑफ रिट इज ऑर्डर्ड फ्रॉम अ सुपीरियर कोर्ट द सुपीरियर कोर्ट और द हाई कोर्ट द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट टू एंड टू एन इन्फीरियर कोर्ट टू स्टॉप प्रोसीडिंग इट्स इन अ केस विच विच इट इन द ओपिनियन ऑफ द हायर कोर्ट माइट कंटेम्पलेट टू डू इन एक्सेस ऑफ इट जूरी ये पॉइंट कहता है कि प्रोहिबिशन कहता है कि एक हायर कोर्ट अपने लोअर कोर्ट को या फिर मान लो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को या फिर हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को कोई भी सुपीरियर कोर्ट एक इन्फीरियर कोर्ट को बोलेगा भाई जिस केस पे तुम लड़ रहे हो ये तुम्हारा मीन्स uh, तुम्हारे पावर के बाहर है इस केस पे तुमको नहीं लड़ना है ठीक है या फिर कोई भी uh, मान लो अबे यार तो नेक्स्ट आता है प्रोहिबिशन सच टाइप ऑफ रेट इज हाँ इज़ ऑर्डर फ्रॉम अ सुप्रीम कोर्ट फॉर अ सुपीरियर कोर्ट एक सुपीरियर कोर्ट क्या करता है एक सेकेंड एक सेकेंड हाँ सुपीरियर कोर्ट के तरफ से एक ऑर्डर आता है किसको इंफीरियर कोर्ट को कि भाई अगर आप किसी केस पे लड़ रहे हो किसी केस पे अगर कोई इंफीरियर कोर्ट क्या होता है किसकी एक सेकेंड हाँ मान लो अगर कोई भी इन्फीरियर कोर्ट जो है किसी केस पे अपना डिसीजन सुना आ रहा जो कि उसके जुरिजिक्शन के बाहर है जो कि उसके पावर के बाहर है मतलब वो इस चीज़ पे एक्शन नहीं ले सकता तो क्योंकि एक सुपीरियर कोर्ट क्या करेगा उससे बोलेगा भाई स्टॉप इट स्टॉप द प्रोसीडिंग्स बिकॉज दिस यू आर क्रॉसिंग योर जुरिजिक्शन तुम अपने पावर्स को पावर्स को एक्सीड कर रहे हो जो कि तुम नहीं कर सकते ठीक है प्रोहिबिशन ये हुआ सर्टी ये क्या कहता है द रिट इज इशूड बाई ए सुपेरियर कोर्ट टू अ जुडिशियल और जुडिशियल अथॉरिटी इन ऑर्डर टू

बट उन्हें सुना दिया है तो यहाँ पे क्या होगा जो जो सुपीरियर कोर्ट रहेंगे जैसे हाई कोर्ट हुआ सुप्रीम कोर्ट uh, हुआ वहाँ पे बोलेगा नहीं दिस इज़ नॉट ए प्रोसीडिंग दिस इज नॉट ए जूरीजिक्शन आप डेथ सेंटेंस नहीं सुना सकते हो ठीक है वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का ही परमिशन के से डेथ सेंटेंस होता है तो यहाँ पर क्या करेगा उस डिसीजन को वॉइड कर देगा अनलॉफुल uh, कर देगा तो उसे वॉइड कर देगा ठीक है मैंडमस इट इट लिटरली मीन्स वी कमांड दिस रिट इज दस अ शॉर्ट ऑफ कमांड फ्रॉम अ सुपीरियर कोर्ट टू सबॉर्डिनेट कोर्ट और एन एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी इन केस द रिफ्यूज टू एक्सरसाइज इट्स जुरिस्डिक्शन और फेल्स टू परफॉर्मेंस ड्यूटी मान लो कोई लोअर कोर्ट हुआ या फिर कोई सरकारी ऑफिस uh, हुआ या फिर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल हुआ जो कि काम अपना ड्यूटी ठीक से नहीं कर रहा है तो मैंडमस के हेल्थ से कि सुप्रीम कोर्ट या फिर जो कोर्ट रहेगा वो डायरेक्ट बोले ऑर्डर करेगा कि यू आर नॉट परफॉर्मिंग या ड्यूटी एंड यू आर वॉन्ट टू डू दैट अपने ड्यूटी को आपको ठीक से फुलफिल करना है ठीक है दर आर मैंडमस वी कमांड कुआ वॉरंटो सच अ टाइप ऑफ रेट इज इश्यूड बाय अ कोर्ट टू अ पब्लिक सर्वेंट टू इंक्वायर इन टू द लेजिलिटी ऑफ द ऑफिस होल्डिंग एन एन ऑफिस एंड टू हिम इफ ही क्लेम्स इज नॉट वेल फाउंडेड दैन दिस रेट प्रिवेंट्स एन अनलॉफुल क्लेमिटी फ्रॉम होल्डिंग एन सुपीरियड ऑफ पब्लिक ऑफिस मान लो कोई बंदा एक ऑफिस होल्ड करता है जो कि उसका जो कि एक्चुअली उसे होल्ड नहीं करना चाहिए तो यहाँ पे क्या होगा को वॉरंटो तो लागू हो जाएगा कि भाई आपका यू आर नॉट ऑथोराइज फॉर दिस पोस्ट प्लीज़ लीव दिस पोस्ट इस पोस्ट से आपको हटना पड़ेगा तो यहाँ पे क्या हुआ आपको हटाने के लिए बोला गया सर्वेंट पब्लिक सर्वेंट ऑफ कोई भी पब्लिक ऑफिशियल को ठीक है चलो एडवाइजरी फंक्शंस अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एज इज़ इट्स ऑब्लीगेशन टू एडवाइज़ एंड ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल एज वेल एज अदर मैटर्स ऑफ लॉ To any एनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट लेजिसलेचर द प्रेजिडेंट और द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हुक्स इट्स समझ आ रहा है एडवाइस मान लो सुप्रीम कोर्ट के जो लोग होते हैं पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़े हुए रहते हैं बहुत हाईली एडुकेटेड रहते तो कभी भी क्या होता है गवर्नमेंट को या फिर प्रेजिडेंट को या फिर कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस को किसी को भी कुछ एडवाइस की जरूरत रहता है तो यहाँ पर क्या होता है सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने एडवाइस ले सकते हैं ठीक है थेके? इट शुड बी केप्ट इन माइंड दैट द एडवाइस रेंडेड बाई द सुप्रीम कोर्ट शेल नॉट वे बी पाइंडिंग ऑन इट्स सीकर मान लो ये पॉइंट याद रखेगा कि कभी भी जो सुप्रीम कोर्ट से आप अगर आप एडवाइस मांगते हो तो ये कंपल्सरी नहीं है कि उसका एडवाइस को आपको फॉलो ही करना है अगर आपको पसंद आया तो आप फॉलो कर सकते हो नहीं आया तो आप नहीं कर सकते हो ठीक है रिवाइस जुडिस्टिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट द सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कंस्टिट्यूशन ओनली द सुप्रीम कोर्ट हैज़ द पावर एंड द राइट टू रिवाइज द अर्लियर डिसीजन एंड टू गिव न्यू डिसीजन टू अर्लियर वन्स मान लो कोई डिसीजन दिया गया ठीक है मान लो सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया किसी को बंदे को डेथ सेंटेंस दे दिया तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो अपना डिसीजन को चेंज कर सके चाहे वह प्रेजिडेंट हो प्राइम मिनिस्टर हो कोई भी इससे चेंज नहीं कर सकता सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है इस चीज़ को चेंज ठीक है दिस प्रोविज़न इज़ गिवन बिकॉज ह्यूमन जजमेंट इज़ फेलेबल एंड द एपेक्स कोर्ट मे रेक्टिफाई समटाइम्स वेन इट वॉज मिसज जजड ये इसलिए दिया गया देखो इंसान है इंसान से गलतियाँ हो ही सकती है तो जब आप लोग गलती का एहसास हो जाए तो आप चेंज कर सकते हो ठीक है मान लो कोई डिसीजन दे दिया गया जो कि मिस जज था गलत था तो बाद में आप इसे चेंज जरूर कर सकते हो ठीक है सिचुएशंस में अराइज इन फ्यूचर विच रिक्वायर रिकन्सिडरेशन ऑफ अ फाइनल जजमेंट ऑलरेडी डिलीवर्ड द जजमेंट कैन नॉट बी अलाउड टू कंटिन्यू इनडेफिनेटली, ऐसा ही सिचुएशन अराइज कर सकता है फ्यूचर में जहाँ पे जो जो जजमेंट है उसे रिवाइज करना मतलब उसे चेक करना बनता है आप किसी भी जस्ट एक टाइम में अगर आप मान लो कोई जजमेंट आप दे दिए तो आप जो कि सही नहीं लगता है तो आप उसे फॉलो नहीं कर सकते क्योंकि आपको लग रहा है कि वो गलत है कहीं ना कहीं तो आपको उसे चेंज करने का हक है आपको उसे चेंज करने का पावर है तो आप चेंज कर सकते हो ठीक है सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कर सकता है ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन द सुप्रीम कोर्ट इज रिस्पॉसिबल ओनली फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ इट्स ओन अफेयर्स एंड प्रोसीड्यर्स सिर्फ अपना ही काम के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का पावर है अपना ही अफेयर्स के ऊपर उनका पावर है ईच हाई कोर्ट मेक्स इट्स ओन प्रोसीडियर्स एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेशन एंड फॉर द सबॉर्डिनेट कोर्ट अंडर इट जुरिस्ट्रिक्शन हर हाई कोर्ट खुद का जो जो हर जो कोर्ट चलना है जो कोर्ट्स का प्रोसीडिंग्स है हर हाई कोर्ट अपना खुद का करता है या फिर उसके नीचे जो सबॉर्डिनेट कोर्ट होते हैं उसका वो हेल्प करता है हाई कोर्ट ठीक है देर आर डिफरेंट अथॉरिटीज देर आर डिफरेंट अथॉरिटीज फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ सबॉर्डिनेट सर्विसेज इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट ठीक है इट कैन इशू ऑर्डर्स टू एनी अदर कोर्ट इन द कंट्री इन द इंटरेस्ट ऑफ बेटर क्विकर एंड चीपर जस्टिस टू द पीपल ऑफ इंडिया मान लो कोई भी कर, जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास ये पावर है किसी को भी जल्दी से मतलब लोअर कोर्ट को ये ऑर्डर करने का कि भाई आपका जो प्रोसीडिंग्स उसे फास्ट करो जल्दी करो ताकि पब्लिक को प्रॉब्लम ना हो ठीक है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड द सुप्रीम कोर्ट एक्ट एज द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड ऑल्सो ऑल ऑल द डिसजन एंड ऑल द डिसजंस इश्यूड बाई द सुप्रीम कोर्ट आर ड्यूली प्रिंटेड एंड केप्ट इन रिकॉर्ड फॉर फ्यूचर रेफरेंस इन द कोर्ट एज वेल एज फॉर यूज ऑफ लॉयर्स इन देयर प्लीडिंग्स ये क्या होता है तो कोई भी कोर्ट जो रहता है ना वो जो डिसीजन देता है किसी भी केस के रिलेटेड वो अच्छे से नोटेड रहता है ताकि इन फ्यूचर अगर सिमिलर एक केस आ जाए तो कोर्ट को ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करना पड़े कि भाई अगर मान लो मान लो एक मर्डर केस है वहाँ पर क्या प्रोसीडिंग चला मान लो एक, एक साल डेढ़ साल पहले सेम एक केस आया था तो हम उसका अच्छा क्या क्या जजमेंट था सेम 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 चीज़ यहाँ पे भी हुआ तो सेम जजमेंट हम सुना देंगे हम उस पर फिर प्रोसीडिंग्स फिर प्रोसीडिंग्स प्रोसीडिंग्स पे फिर हम टाइम तो वेस्ट नहीं ना करेंगे उसके बदले एक न्यू केस पे हम लड़ेंगे तो इसी चीज़ के लिए क्या होता है कोर्ट हर चीज़ हर डिसीजन को नोटेड अच्छा सा नोट कर रखता है इस चीज़ को क्या करता है लॉयर्स लोग भी पढ़ सकते हैं भाई मान लो एक आज से दो साल पहले सेम केस में एक लॉयर कैसे लड़ा था उस पर जज क्या डिसीजन दिया विक्टिम को कैसे पेश किया गया क्या क्या सबूत चाहिए था उसके तो जज इसलिए इसके लिए क्या होता है एडवोकेट को हेल्प मिलता है एडवोकेट तो भी इसका पढ़ाई कर सक पढ़ सकता है इसे ठीक है या फिर अपने मान लो कोई प्रोसीडिंग चल रहा है किसी केस सुनवाई हो रहा है तो सब एज अ सबूत एक लॉयर पेश कर सकता है भाई दस दो साल पहले जब सेम केस आया था तो यहाँ पे ये यही चीज़ किया गया तो मेरे टाइम में क्यों नहीं कर सकते हो ठीक है तो अपने प्लीडिंग्स में ऐसा ला सकता है इंपॉर्टेंट डिसीजन बाय द हाई कोर्ट ऑफ द लैंड आर ऑल्सो केप्ट इन रिकॉर्ड फॉर फ्यूचर रेफरेंसेज हाई कोर्ट का भी जो हाई uh, कोर्ट uh, का भी जो डिसीजन होते हैं उसे रिकॉर्ड किया जाता है ठीक है ताकि फ्यूचर में यूज कर सके तो हमारा आता है लास्ट एंड मेन टॉपिक फंडामेंटल इन्फोर्समेंट ऑफ़ द फंडामेंटल राइट्स एब्सट्रैक्ट डिक्लेरेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स इन द कंस्टिट्यूशन आर यूजलेस देयर इज अ मीन टू मेक देम इफेक्टिव सिर्फ फंडामेंटल राइट रखने से या बोलने से कुछ नहीं हो जब तक आप उसे यूज ना करो अपना फंडामेंटल राइट्स को आप जानो ना या फिर अपने फंडामेंटल राइट्स को आप यूज़ ना करो तब तक उसका कोई मतलब नहीं बनता द रियलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ सच राइट्स इज टेस्टेड ओनली इन द कोर्ट्स सिर्फ कोर्ट में टेस्ट होता है ठीक है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन द फॉलोइंग प्रोविजन फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स गैरंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है एनी एक्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव और ऑफ लेजिस्लेचर विच टेक्स अवे एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स शैल बी वॉइड बाय द कोर्ट शल बी वॉइड एंड द कोर्ट्स आर एम्पावर्ड टू डिक्लेयर इट वॉइड कोई भी एग्जीक्यूटिव हुआ या फिर लेजिसलेटि बॉडी हुआ जो आपका फंडामेंटल राइट्स आपसे छीनता है आपसे छीनने की कोशिश करता है या फिर उसे मानता नहीं है तो कोर्ट के पास ये पावर है कि संग संग उस चीज़ को उस नियम को वॉइड कर देना क्योंकि हर इंडिविजुअल का हक है उसे अपना फंडामेंटल राइट्स का ठीक है देखिए यहाँ पर कहता है ओ, फंडामेंटल राइट एंड द कोर्ट आर एम्पावर टू डिक्लेयर वॉइड ठीक है पहले तो एकदम वॉइड है लेकिन उसे कोर्ट क्या करेगा कॉन्स्टिट्यूशनली बोल देगा नहीं भाई आप किसी का फंडामेंटल राइट छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो ठीक है तो वॉइड डिक्लेयर कर देगा सेकेंड पॉइंट कहता है अपार्ट फ्रॉम द पावर टू ट्रीट अ लॉ एज वॉर्ड बींग इन कॉन्ट्रवेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कंस्टिट्यूशन गारंटिंग द फंडामेंटल राइट जुडिशरी हैज बिन आर्म्ड विदर टू इशू रिट्स इन ऑर्डर in order that it may enforce such rights against any authority in the state at the instance of any individual whose rights have been violated ye point kehta hai ki ek to void karne ke void karne ka power to hai hi lekin agar kisi individual ka agar rights ko agar violate kiya jata hai to सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा वहां पे अपना पावर्स दिखाएगा कि भाई यू आर नॉट डिराइव फ्रॉम द पावर जो भी और जो भी उसका पावर को जो भी उसका फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है उसके अगेंस्ट तो संघ संघ क्या करेगा अपने एक्शंस लेगा रिट्स के हेल्प से ठीक है जैसे मैंडमस को वारंटो जो आपने पढ़ा था उसके हेल्प से ठीक है द पावर टू इशू द दीज रिट्स ऑफ द फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ़ द फंडामेंटल राइट इज गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट आर्टिकल थर्टी टू एंड टू सिक्सटी सिक्स द राइट्स ऑल्सो गारंटी शैल नॉट बी सस्पेंडेड एक्सेप्ट ड्यूरिंग प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी जब भी कंट्री में इमरजेंसी आता है सिर्फ आर्टिकल ट्वेंटी वन ऐसा कुछ है जो कि उसको छोड़ के आपका हर राइट्स वापस आपसे छीन लिया जाता है ठीक है कंट्री में एक बार ही इमरजेंसी हुआ है बहुत दहशतगर्दी मची थी तो जब प्रोक्ले जब इमरजेंसी डिक्लेयर होता है कंट्री में तभी आपका राइट्स आपसे छीन लिया जाता है ठीक है एक्सेप्ट फॉर ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इन द मैनर लेट डाउन बाय द कंस्टिट्यूशन ठीक है जो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत से ले लिया जाता है आर्टिकल थर्टी टू गारंटीज टू द इंडिविजुअल द राइट टू मूव टू सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली इन केस ऑफ एनी वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल थर्टी टू आपको क्या पावर देता है कि आप कभी भी सुप्रीम कोर्ट में मूव कर सकते हैं अगर आप देखते हो कि आपका फंडामेंटल राइट आपसे छीन ले आपसे छीन ले जा रहा है या फिर आपका फंडामेंटल राइट कोई वायलेट कर रहा है ठीक है आर्टिकल थर्टी टू हैज बिन रिकार्डेड एज द कॉर्नर स्टून ऑफ द इंटायर एडिफाइज सेटअप बाय द कंस्टिट्यूशन ठीक है डॉक्टर अम्बेडकर सेट इट इज़ द वेरी सोल ऑफ द कंस्टीट्यूशन एंड वेरी हार्ट ऑफ द कंस्टीट्यूशन ठीक है Chalo.